घर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो चुकी थी। अब तक विक्रांत को काफी जोर की भूख लग रही थी। उसने पिछले दिन भी ढंग से खाना नहीं खाया था। वैसे तो विक्रांत खुद ही रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता था, लेकिन आज वो थोड़ा थका हुआ था और चोट की वजह से भी उसमें बाहर जाने के बजाय खाना ऑर्डर करने का सोचा। तो विक्रांत ने आज शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर किया। अब विक्रांत पैसे वाला हो चुका है तो उसकी अमीरी झलकनी तो चाहिए ही ना। खुद को अमीर फील करवाने के लिए आज विक्रांत ने कुल 5460 रुपए का खाना बाहर से ऑर्डर किया था। खाने में कुछ डिश तो ऐसी भी थी कि जिनका विक्रांत ने कभी नाम भी नहीं सुना था। खाना खाने के बाद डकार मारते हुए वो अपने कमरे के बाहर लॉबी में बैठकर बियर गटक रहा था। इसी वक्त विक्रांत को अपने प्यारे कुत्ते शेरलॉक होम्स की याद आ गई। विक्रांत घर में अकेले रहते हुए उसे बहुत याद कर रहा था। विक्रांत ने तुरंत ही मोनिका को वीडियो कॉल करके मिस्टर महेश यानी शेरलॉक का हालचाल लेने लग गया। महेश का पैर अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, काफी हद तक वो अब सही से चलने लग गया था। मोनिका ने बताया कि अभी उसे बिल्कुल ठीक होने में कुछ और दिन लग सकते हैं और तब तक मोनिका उसे लेकर अपने पापा के घर ही रुकी रहेगी। जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर उसे वापस लेकर आएगी। विक्रांत ने बीच में महेश के इलाज और उसकी देखभाल के लिए मोनिका के पास पैसे भी भेजे थे। हालांकि मोनिका किसी भी हालत में पैसे लेने के लिए राजी नहीं हो रही थी। अभी विक्रांत बियर पी ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बज पड़ा। विक्रांत ने फोन उठाकर देखा तो पता चला कि ये नैना की कॉल थी। विक्रांत ने फोन उठाया तो नैना ने उससे कहा कि वो कल बारबेक्यू प्लान कर रही है। उसने लोनावला के पास किसी नदी के किनारे पर बारबेक्यू पार्टी करने का प्लान बनाया हुआ था। नैना ने विक्रांत को कहा कि वो सुनिधि, जतिन और राघव को भी इनवाइट कर ले। उधर से टीम 20 से उसने देव और अमित को भी इनवाइट कर दिया था। नैना का इनविटेशन पाकर विक्रांत बहुत खुश हुआ। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नैना उसे यूं फोन करके पार्टी के लिए इनवाइट करेगी। कहां नैना कभी विक्रांत का चेहरा देखकर जल उठती थी, कहां आज वो विक्रांत को खुद ही पार्टी के लिए बुला रही थी। विक्रांत ने नैना का फोन काटते ही तुरंत ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें राघव, जतिन, सुनिधि और देव को भी ऐड किया। सभी को अगले दिन के प्रोग्राम के बारे में बताते हुए इनवाइट भी कर दिया। उस वक्त ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था। किडनैपिंग केस सॉल्व हो चुका था और मंजू सचदेवा के मर्डर केस की जांच के लिए स्पेशल टीम बना दी गई थी। सो हर कोई तुरंत ही छुट्टी मनाने के लिए तैयार हो गया था। सभी ने प्लान फिक्स कर लिया था कि अगले दिन सुबह 9 बजे ऑफिस के सामने सब लोग मिलेंगे और फिर वहां से नैना के बताए हुए जगह पर बारबेक्यू पार्टी के लिए जाएंगे। पूरा प्लान फिक्स करने के बाद विक्रांत फाइनली सोने की तैयारी करने लगा। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण विक्रांत के चेहरे पर पड़ी, उसकी नींद खुल गई। आज विक्रांत बहुत हैप्पी फील कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि आज अदृश्य शक्ति द्वारा उसे कोडवर्ड के रूप में पानी दिया जाएगा, क्योंकि पानी का मतलब लड़की से था और विक्रांत आज का दिन नैना के साथ स्पेंड करने वाला था। उसे पूरी उम्मीद थी कि आज उसके और नैना के रिश्ते में थोड़ी और करीबी आ जाएगी। इसी उत्सुकतावश उसने तुरंत ही अदृश्य शक्ति के दिए हुए कोडवर्ड को खोल दिया। लेकिन जैसे विक्रांत को कोडवर्ड मिला, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसका शरीर थर थर कांपने लगा, दिमाग सुन्न सा हो गया। आज उसने उम्मीद की थी कि उसे कोडवर्ड में पानी शब्द मिलेगा, लेकिन उसे कोडवर्ड में पृथ्वी और चंद्रमा मिला हुआ था। पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर विश्राम कर रही है, अंधेरा छाने वाला है, अनहोनी करीब है, जहरीले फूलों से दूर रहें। इस कोडवर्ड के मिलने से विक्रांत बहुत परेशान था। परेशान से ज्यादा वो काफी डरा हुआ था, क्योंकि इससे पहले उसे पृथ्वी कोडवर्ड सिर्फ 2 बार ही मिला था। पहली बार जब उसे पृथ्वी कोडवर्ड मिला था तब उसे किडनैपिंग केस के बारे में पता चला था, और जब दूसरी बार उसे ये कोडवर्ड मिला था तब टीम लीडर मंजू सचदेवा के मर्डर की खबर सुनने में आई थी। इसलिए विक्रांत इस कोडवर्ड से बहुत डरा हुआ था। उसे आज भी किसी बड़ी अनहोनी के होने की आशंका थी। विक्रांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज उसने नैना और अपने दूसरे दोस्तों के साथ में लोनावला जाने का प्लान बनाया हुआ था और आज ही ये पृथ्वी कोडवर्ड एक बार के लिए, तो विक्रांत ने सोचा कि आज का प्लान कैंसिल ही कर दे। लेकिन फिर उसके मन में आया कि अब सब लोग रेडी हो चुके हैं, कुछ तो अपने घर से निकल भी चुके होंगे। अब तुरंत प्लान कैंसिल करोगे तो उन लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा, और फिर कैंसिल करने का रीज़न क्या बताऊंगा। फिर दूसरी तरफ विक्रांत के दिमाग में ये भी आया कि क्या पता अगर आज दोस्तों के साथ ना गया तो कुछ अनहोनी हो जाए। हो सकता है कि मेरा घूमने जाने का प्लान ही इसलिए बना है ताकि मैं किसी अनहोनी से दूर रहूं। विक्रांत के मन में कई तरह के ख्याल उठ रहे थे। वो बहुत घबराया हुआ था। आखिर में उसने जाने का निश्चय कर ही लिया। ठीक सुबह 9 बजे वो ऑफिस के सामने पहुंच गया था। वहां सभी पहले से ही पहुंचे हुए थे, बस नैना अभी तक नहीं आई थी। विक्रांत ने अपना फोन निकाला और नैना को कॉल करने चला। तभी उसने देखा कि एक ब्लैक कलर की फॉर्चूनर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। विक्रांत को थोड़ी हैरानी हुई।
तभी फॉर्चुनर का शीशा नीचे हुआ तो दिखाई पड़ा उसमें नैना बैठी हुई थी। आज नैना खुले बालों में थी और उसने काले रंग का चश्मा लगा रखा था। विक्रांत नैना का रूप देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। इसके साथ ही उसे नैना की गाड़ी देखकर हैरानी भी हुई। ज्यादातर वो व्हाइट पजेरो से चलती है, लेकिन आज तो ब्लैक कलर के फॉर्चुनर से आई हुई है। विक्रांत सोच में पड़ गया कि आखिर इसके पास कितना पैसा है। पजेरो, फॉर्चुनर, हे भगवान, ये तो पुलिस कम कोई बिजनेसमैन ज्यादा लगती है। यहाँ कुल 3 गाड़ियां थी, एक नैना की, एक जतिन की और एक देव सिंह की। नैना, विक्रांत, सुनिधि, जतिन, राघव, अमित, देव और जतिन का 7 साल का बेटा भी उसके साथ आया हुआ था। दरअसल जतिन की वाइफ को ऑफिस जाना था, सो उसका बेटा घर पर अकेले नहीं रह सकता था, इसलिए जतिन उसे भी अपने साथ लेकर आया हुआ था। कुल 8 लोग एक साथ जा रहे थे। 3 गाड़ियों के कुल 8 लोग सवार हो गए। नैना लीड करते हुए आगे चलने लगी, क्योंकि नैना के बताए हुए प्लेस पर ही सब लोग जा रहे थे। नैना को ही वहां पहुंचने का रास्ता पता था। बाकी की 2 गाड़ियां उसके पीछे पीछे चलने लगी। विक्रांत नैना के साथ उसकी ब्लैक फॉर्च्यूनर में बैठा हुआ था। गाड़ी में बैठे हुए विक्रांत की नजर सिर्फ नैना पर ही बनी हुई थी। नैना आज रोजाना की तुलना में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद ये लोग शहर से दूर लोनावला के पास किसी पहाड़ के किनारे पहुंच गए। वहां पहुंचकर सब लोग मिलकर कैंप लगाने लगे और बारबेक्यू का इंतजाम करने लगे। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना था। मंद मंद हवाएं चल रही थी। एक तरफ पहाड़ की ऊंचाई, जो दूसरी तरफ बहती नदी का शोर, चारों तरफ की हरियाली और पक्षियों का शोर मन को प्रसन्न बना दे रहा था। विक्रांत पत्थर किनारे बैठा हुआ था। विक्रांत चारों तरफ के मनोरम नजारे को देखकर इसका आनंद लूट रहा था। इसी बीच उसकी नजर खुले बालों में खड़ी नैना पर पड़ी। वो अभी टेंट लगाने में व्यस्त थी। हल्की हवाओं के चलने से नैना के खुले बाल उड़कर बार बार उसके आंखों में आ रहे थे। वो बार बार अपने करली बालों को आंखों से हटाती, लेकिन फिर उसके बाल आंखों में पड़कर उसे परेशान कर रहे थे। विक्रांत बड़े ध्यान से नैना की एक-एक एक्टिविटी देख रहा था। नैना को निहारते वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा रही थी। इसी बीच विक्रांत के कानों में किसी बच्चे के बोलने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने पलटकर देखा तो पता चला कि जतिन का बेटा बार बार फिशिंग करने के लिए जिद कर रहा था। तो जतिन गाड़ी में से ही फिशिंग का सामान लेकर नदी के दूसरी तरफ फिशिंग के लिए निकल गया। बच्चे के चले जाने के बाद यहाँ के माहौल में नमी का अजीब सा सन्नाटा छा गया। विक्रांत को तभी अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए कोडवर्ड की याद आ गई। उसका दिल थोड़ा जोर से धड़कने लग गया। विक्रांत को ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। उसका मन अज्ञात भय से भर उठा। विक्रांत यहां से बैठे बैठे काफी बेचैन सा हो रहा था। एपिसोड 253, अनहोनी। विक्रांत, नैना ने चिल्लाते हुए विक्रांत का ध्यान खुद की तरफ खींचने की कोशिश की। हुआ क्या है तुम्हें? इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम्हारा कुछ सामान खो गया है क्या जो ऐसे मुंह लटकाकर बैठे हो? हाँ, विक्रांत भले ही भीतर से काफी डरा हुआ था, लेकिन वो किसी भी हालत में नैना को इस बारे में पता नहीं लगने देना चाहता था। तो उसने नैना को उसी अंदाज में जवाब दिया जैसे कि वो हमेशा दिया करता था। हाँ, तुमने फिर से मुझे पकड़ लिया, वाह। मैं तो कहता ही हूँ कि मेरा और तुम्हारा कोई ओल्ड कनेक्शन है। मैं यही सोच रहा था कि अगर इस नदी के पानी में हम दोनों एक साथ आ। ओहो, नैना हल्की सांस छोड़ते हुए, विक्रांत तुम ना अपना इलाज कराओ, तुम्हें बहुत सीरियस साइकोलॉजिकल बीमारी है। अरे अब तुम मानोगे नहीं, मैं सच में तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था नैना, मैं क्या बताऊँ। जिस पत्थर पर बैठा हुआ था अचानक से उसका पैर फिसलने लगा। तभी नैना ने विक्रांत का कॉलर पकड़कर उसे खींच लिया। आ जाओ सब लोग जल्दी, बारबेक्यू तैयार हो गया, अमित के चिल्लाने की आवाज आई। नैना ने एक नजर अमित की तरफ देखा और फिर विक्रांत का कॉलर पकड़कर खुद के बेहद करीब खींचते हुए उससे बोल पड़ी, विक्रांत तुम चाहे मुझे बताओ या ना बताओ, बट मुझे पता है कि तुम इस वक्त कुछ सोच रहे हो, तुम किसी बात से डरे हुए हो। विक्रांत सक पका गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी भरसक कोशिश यही की कि नैना को कहीं से भी कुछ पता ना चल पाए। हाँ, मैं सच में अपने दिल का हाल तुमसे छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखो तुम्हें ये भी पता चल गया ना। हे, मैं तो कहता ही हूँ कि हमारा कनेक्शन, बकवास बंद करो अपनी, नैना ने विक्रांत को घूरते हुए कहा। फिर उसने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, तुम सही सही बताओ, तुम्हें रंजीत मेहरा को कैसे ढूंढा था? और हाँ, अपनी फालतू के तांत्रिक दोस्त वाली बकवास मुझसे मत करना, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। नैना को पूरी उम्मीद थी कि विक्रांत फिर से उसे तांत्रिक दोस्त की कोई मनगढ़ंत कहानी बताएगा। उसे विक्रांत की इस बात पर तनिक भी यकीन नहीं था, और साथ ही उसे विक्रांत की इन बातों से बहुत चिढ़ भी होती थी। तो तुम्हें जानना है कि मैंने रणजीत को कैसे पकड़ा, विक्रांत ने बेहद सीरियस होते हुए कहा।
हाँ बताओ मुझे, मेरे गाल और होठ पर थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम थोड़ा किस दे दोगी? थोड़ा आराम मिल जाएगा मुझे। विक्रांत भला अपने हरकतों से कहाँ बाज आ सकता था। नैना का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। अगले ही पल उसके चेहरे का भाव बदल गया। विक्रांत, पता है तुम्हें, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तुम ही हो जो कि मंजू के मर्डरर से मिले हुए हो। क्या क्या मतलब? भले ही विक्रांत कितना भी बकबकी क्यों ना हो, लेकिन उस वक्त उसका मुंह बंद हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तुम बहुत चालाक हो, तुमने जानबूझकर रणजीत मेहरा को पकड़कर उसे मार डाला ताकि कोई तुम तक ना पहुंच सके। रणजीत मेहरा इस केस का आखिरी सबूत था जो कि पुलिस के हाथ लगा था, और कोई उसके पास पहुंचे और उससे पूछताछ करे उससे पहले तुमने उसे मार डाला। बहुत शातिर हो तुम, मैंने बिल्कुल सीरियस होते हुए कहा। विक्रांत की बोलती बंद होगी। सच में इस वक्त उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसके बलबूते वो ये साबित कर सके कि नैना की ये बात झूठ है। विक्रांत हैरान परेशान से इधर उधर देखने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। हमेशा विक्रांत अपनी बक बक से नैना को चुप करा देता था, लेकिन आज नैना ने ऐसी बात कर दी कि विक्रांत को मानो सांप सूंघ गया हो। हा हा विक्रांत, लुक एट योर फेस, हा हा कैसा मुंह बन गया है तुम्हारा। ओ गॉड, नैना ने जोर जोर से हंसते हुए कहा। विक्रांत अवाक रह गया। अब जाकर कहीं उसके जान में जान आई। फिर भी वो थोड़ी अजीब सी नजरों से नैना को घूर रहा था। तुम अगर मंजू के मर्डरर से मिले होते तो भला उसके केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा से क्यों शुरू करवाते? आखिर तुमने ही तो ये केस दोबारा से ओपन करवाया है। तुम्हारे ही प्रयास से ये केस दोबारा से शुरू हुआ है। अब क्या कोई चोर खुद को पकड़वाने के लिए खुद ही जांच करवाएगा? हाँ, नैना ने जोर जोर से हंसते हुए कहा। विक्रांत सोचने लगा कि आखिर ये बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई। आखिर वो भी तो ये बात कह सकता था, लेकिन शायद इस वक्त विक्रांत किसी अज्ञात भय से डरा हुआ है, उसके दिमाग में ये बात नहीं आई। अच्छा, तुम सच सच बताओगे, तुमने रणजीत मेहरा को कैसे पकड़ा था? नैना ने सीरियस होते हुए दोबारा विक्रांत से पूछा। वैसे विक्रांत को पता था कि नैना उसकी बातों पर बहुत कम यकीन करती है, और शायद आज भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसने नैना को बिल्कुल सच सच बता दिया। उसने कहा कि वो नैना को ढूंढते हुए RCT मॉल पहुंचा हुआ था। फिर नैना से फोन पर बात करने के बाद वो पानी की बोतल खरीदने के लिए एक शॉप पर गया, और फिर वहां उसने रणजीत का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछना शुरू किया। फिर वहां पानी की शॉप पर खड़ी लड़की ने ही रणजीत के बारे में बताया। क्या लिया था उसने हाथ में? नैना ने अचानक से सवाल किया। शायद केक था। केक ही था, पैकिंग से तो वही लग रहा था, विक्रांत ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बताया। उसे समझ नहीं आया कि नैना इस तरह का सवाल क्यों कर रही है, लेकिन जब उसने सुसाइड के लिए जंप लगाया तब तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, नैना ने कहा। हाँ, जब वो भाग रहा था तब कहीं गिर गया होगा, मुझे याद भी नहीं है कि वो कहाँ गिरा था, विक्रांत ने जवाब दिया। विक्रांत, तुम्हें कुछ आइडिया है कि रणजीत केक लेकर क्यों जा रहा था? अगर ये बर्थडे केक था तो रणजीत कहीं से भी ये केक खरीद सकता था। लेकिन विक्रांत थोड़ी हैरानी भरी नजरों से नैना को देखने लगा। वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे लग रहा है कि रणजीत जो था वही बनने की कोशिश कर रहा था, नैना ने कहा। मतलब केक में कुछ गड़बड़ हो सकती है। वैसे हम अगर चाहें तो उस जगह के आसपास के CCTV फुटेज देखकर ये पता लगा सकते हैं कि रणजीत के हाथ से केक कहाँ गिरा था, और हम मॉल में स्थित बेकरी शॉप पर भी जाकर शॉप ओनर से पूछताछ कर सकते हैं। नैना ने जवाब दिया। तभी नैना की छाती पर लाल रंग की लेजर लाइट पड़ती दिखी। जैसे विक्रांत की नजर उस लाल लाइट पर पड़ी तो वो नैना का हाथ पकड़कर सीधे पानी में कूद गया। हालांकि ये नदी ज्यादा गहरी नहीं थी, मात्र 1 या 2 मीटर ही गहराई थी, लेकिन पानी काफी ठंडा था। भले ही इस वक्त मौसम ज्यादा ठंडा नहीं था, फिर भी पानी के भीतर काफी ठंड लग रही थी। विक्रांत ने नैना का सिर पकड़कर पानी के भीतर दबा दिया ताकि उसे कोई देख ना सके। विक्रांत को लगा कि शायद स्नाइपर लगाकर नैना पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। पानी के भीतर खुद को छिपा करके विक्रांत इधर उधर नजर डालते हुए लाइट आने वाली दिशा में किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उधर नैना को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से विक्रांत ने उसे पानी के भीतर क्यों डुबो दिया। पानी के भीतर वो हाथ पैर मारते हुए खुद को विक्रांत की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्रांत नैना की सुरक्षा को लेकर बहुत सीरियस था, सो नैना के हिलने तक नहीं दे रहा था। तब तक बाहर मौजूद देव और अमित को लगा कि शायद नैना और विक्रांत फिर से एक दूसरे से लड़ बैठे हैं। वो तेजी से नदी के किनारे की तरफ दौड़ते हुए आ गए। विक्रांत, नहीं यार मत करो ना, यहाँ सब पिकनिक मनाने आए हैं, प्लीज, विक्रांत, देव ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा। तभी दूसरी तरफ विक्रांत की नजर जतिन के 7 साल के बेटे पर पड़ी। उसके हाथ में बच्चों के खेलने वाली बंदूक थी जिसमें लेजर लाइट लगी हुई थी। वो इधर उधर भागते हुए बंदूक चला रहा था। ढिचक्यू ढिचक्यू,
उसे देखकर विक्रांत ने अपना सिर पीट लिया। ए भगवान, इसकी माँ का। देव और अमित ने किसी तरह नैना का हाथ पकड़कर उसे पानी से बाहर निकाला। फिर विक्रांत भी पानी से निकल कर बाहर आ गया। विक्रांत, आखिर तुम्हारी मुझसे दुश्मनी क्या है? कोई पुराने जन्म का बदला ले रहे हो क्या? नैना ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा। नहीं नैना, मुझे लगा कि कोई वो। विक्रांत अपनी बात खत्म करता उससे पहले ही नैना पलट कर जा चुकी थी। बकवास बंद करो अपनी। तभी जतिन के बेटा हंसते हुए अपने पापा से कहने लगा, पापा पापा, मैंने अपनी गन से ना अंकल को पानी में गिरा दिया है। पापा पापा। नैना अपनी गाड़ी में वापस आ गई और गाड़ी में बैठकर वो अपने कपड़े बदलने लग गई। इस बार उसने रेड कलर के स्पोर्ट्स वियर पहना हुआ था, जबकि विक्रांत के पास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था। बाद में ढूंढने पर उसे जतिन की गाड़ी में रखा एक शर्ट मिल गया था। तो विक्रांत ने अपने सारे कपड़े आग के ऊपर एक डंडे में टांग दिया था ताकि वो सूख जाए। फिर वो सिर्फ जतिन का दिया हुआ शर्ट शॉर्ट पहनकर बैठा हुआ था। डॉक्टर ने विक्रांत से कहा था कि वो पानी से अपनी चोट को बचा कर रखे, लेकिन पानी से बचाना तो दूर, विक्रांत ने तो खुद ही पानी में छलांग लगा दी थी। पानी में घुसने से उसके कंधे पर लगी पट्टी भी खराब हो चुकी थी। विक्रांत आग के सामने बैठा हुआ खुद को थोड़ी गर्मी देने की कोशिश कर रहा था। तभी सुनिधि ने उससे क्यूरियस होकर पूछा, विक्रांत सर, आपकी तो नैना से बहुत दुश्मनी थी, हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था, फिर आज एक साथ नहाने के लिए कैसे कूद पड़े? चुप रहो, अब इस बारे में बात मत करो। विक्रांत को सच में अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। वो जल्द से जल्द उस घटना को भूल जाना चाहता था। अब तक नैना भी कांपते हुए आग के करीब पहुंच गई थी। वो दांत किटकिटाते हुए आग के करीब बैठी हुई थी। वो मन ही मन विक्रांत को जी भर के गालियां भी दे रही थी। नैना ने इसी बीच अपना फोन बाहर निकाला और उसे कपड़े से पोंछने लगी। शायद फोन में थोड़ा पानी भी चला गया था। नैना को ऐसा करते देख विक्रांत को भी अपने फोन की याद आ गई और उसने भी अपना फोन बाहर निकालकर उसे पोंछना शुरू कर दिया था। जो फोन उसे ऑफिस से मिला हुआ था वो वाटरप्रूफ था और उसे पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। विक्रांत अभी अपना फोन बाहर निकालकर उसे कपड़े से पोंछ ही रहा था कि अचानक से उसे एक इमरजेंसी नंबर से मैसेज मिला। इस मैसेज में लिखा था कि कोई फर्स्ट डिग्री का क्राइम केस हुआ है और जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचने के लिए बुलाया गया था। ये मैसेज विक्रांत ही नहीं बल्कि सभी के फोन में आया हुआ था, लेकिन फर्स्ट डिग्री क्राइम क्या होता है ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। विक्रांत और सुनिधि ने तो मान लो अभी कुछ दिन पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया है, लेकिन इसके बारे में जतिन और राघव को भी कुछ आइडिया नहीं था। सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। विक्रांत का दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। उसे आज के कोडवर्ड पृथ्वी का फिर से ख्याल आया, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है। विक्रांत के दिमाग में सब बातें चल रही थी कि अचानक से नैना का फोन बज पड़ा। जाहिर है कि नैना के पास ये फोन हायर अथॉरिटी से ही आया था, क्योंकि नैना ही यहाँ सबसे सीनियर ऑफिसर थी। यस सर, ओके सर, अच्छा ठीक है, बस अभी पहुंच रहे हम। ओके सर, नैना ने इतना कहते हुए फोन रख दिया। विक्रांत समेत यहाँ मौजूद सभी लोग उत्सुकतावश नैना की तरफ देखने लगे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अब नैना को इस केस के बारे में पता चल चुका है। सॉरी गाइज, ये पार्टी हमें अभी ही कैंसिल करनी पड़ेगी, ब्रांच से इमरजेंसी कॉल है, तुरंत जाना पड़ेगा, नैना ने फोन रखते हुए कहा। लेकिन हुआ क्या है और ये फर्स्ट डिग्री क्राइम क्या है? विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा। अरे बैंक में रॉबरी हुई है। बैंक में रॉबरी? कौन से बैंक में? जतिन ने तुरंत ही सवाल किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रॉबरी हुई है। ओह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम सुनकर विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो हड़बड़ाहट में पत्थर से उठकर खड़ा हो गया। इसी बीच डंडे पर लटक रहा कपड़ा नीचे जल रहे आग पर जा गिरा। सुनिधि ने झपट कर उसका कपड़ा आग में से बाहर निकाल लिया। क्योंकि विक्रांत का कपड़ा बिल्कुल भीगा हुआ था, इसलिए आग में गिरने से जला तो नहीं, लेकिन कोयले पर गिरने से इसमें काले रंग का दाग जरूर लग गया था, यानी कि अब ये कपड़ा पहनने लायक नहीं बचा था। लेकिन विक्रांत ने कपड़े की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने तुरंत ही नैना की तरफ देखते हुए कहा, कब हुई ये रॉबरी? ये पता नहीं, बट अजीब बात यह है कि चोर सिर्फ बैंक के लॉकर में से कुछ लूट कर ले गया है, नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा। क्या लॉकर? लॉकर लूट कर गया? हे भगवान, हे भगवान। अचानक ही विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ गया, मानो उसे कोई गहरा सदमा लग गया हो। वो हताश होकर जमीन पर ही बैठ गया। क्या हुआ विक्रांत? विक्रांत, तुम्हें क्या हो गया? राघव ने तुरंत ही घबराते हुए कहा। मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे सारे पैसे डूब गए। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया मैं।
विक्रांत ने लगभग रोंधी सी आवाज में कहा। दरअसल विक्रांत को मिस्टर मलिक द्वारा जो फिरौती के पैसे इनाम के तौर पर दिए गए थे वो विक्रांत ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लॉकर में ही रखे थे। इसीलिए जब उसे ये बात पता चली कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लॉकर में रॉबरी हुई है तब तो उसका दिमाग घूम गया, मानो विक्रांत के पैरों तले जमीन ही निकल गई। विक्रांत तुम परेशान मत हो, तुमने ध्यान से सुना, मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सुन रहे हो तुम? नैना को लगा शायद विक्रांत ने गलत बैंक का नाम सुन लिया है। सुना मैंने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ही लॉकर में मैंने वो पुराने नोट रखे थे। अपने पुलिस ब्रांच के सबसे करीब वही बैंक है जिसमें मेरी लॉकर की सुविधा उपलब्ध है और मैंने वहीं पे रखा है। हे भगवान, इतनी बुरी किस्मत कैसे हो सकती है मेरी? ऐसा लग रहा था कि मानो विक्रांत अभी यहीं रो देगा। अब यहाँ क्यों रुके हो? जल्दी चलो, जल्दी, मेरे पैसे कौन लूट गया? हे भगवान, ऐसा लग रहा था विक्रांत के किसी बेहद करीबी मित्र की मौत हो गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र डी एन नगर पुलिस ब्रांच के पास में ही स्थित था। ये सब लोग अब फौरन वहां के लिए रवाना हो चुके थे। विक्रांत पूरे रास्ते घबराया हुआ सा नजर आ रहा था। इस वक्त उसके मन में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था? बैंक के भीतर रॉबरी और फिर स्पेशली लॉकर की चोरी, इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? क्या मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब चल रही है? विक्रांत मन ही मन सोच रहा था कि फालतू में नैना को लेकर नदी में कूदा, जबकि वहां से कुछ कनेक्शन ही नहीं था। यह अदृश्य शक्ति भी ना मुझे पहले ही हिंट दे देती कि गड़बड़ कहीं और होने वाली है, तो फिर भला मैं नैना को लेकर पानी में क्यों कूदता? इतनी मुश्किल से तो नैना से दोस्ती बढ़ रही थी, लेकिन सारा प्लान चौपट हो गया। अब शायद ही विक्रांत को जल्दी नैना से इतनी अच्छी दोस्ती बनाने का मौका मिले। विक्रांत अब जाते समय देव की गाड़ी में बैठा हुआ था। इसी गाड़ी में जतिन का 7 साल का बेटा भी बैठा हुआ था। उसे देखकर विक्रांत को और ज्यादा चिढ़ हो रही थी। उस वक्त तो उसने हाथ में अपनी खिलौनों वाली बंदूक भी ले रखी थी। विक्रांत का जी कर रहा था कि अभी तुरंत ही उस बंदूक के टुकड़े टुकड़े करके रख दे। अच्छा खासा नैना के साथ बैठकर रंजीत मेहरा के बारे में बात कर रहा था और उसके केक को ढूंढने का प्लान बना रहा था, लेकिन इस उल्लू के पट्टे ने अपने खेल के चक्कर में सारा प्लान चौपट कर दिया। विक्रांत को याद आया कि उसके और नैना के बीच यहाँ से निकलकर तुरंत ही RCT मॉल जाने का प्लान बना था। वहां पर वो उस केक के बारे में पता लगाने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन तभी उस इमरजेंसी कॉल ने सारा गेम खराब करके रख दिया। लेकिन किसी भी हालत में विक्रांत इस क्लू को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि केक के बारे में इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए उसके पास वक्त बहुत कम था, और अगर उसने ये वक्त गंवा दिया तो हो सकता है कि बहुत बड़ा क्लू उसके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए विक्रांत ने तुरंत ही सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय के पास मैसेज करके उन्हें इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी, ताकि डॉक्टर संजय खुद वहां पहुंचकर जरूरी जांच कर सके। लेकिन डॉक्टर संजय के व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड तो हो गया, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। इस बात से विक्रांत का दिमाग ज्यादा खराब हो रहा था। विक्रांत को अचानक ही आज के दूसरे कोडवर्ड की याद आई, जो कि अदृश्य शक्ति ने चंद्रमा बताया था। वैसे तो चंद्रमा का अर्थ पैसे से था, लेकिन विक्रांत को ये उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसे पैसे मिलेंगे नहीं, बल्कि खुद के पास जो है वो भी हाथ से निकल जाएंगे। विक्रांत काफी दुखी मन से गाड़ी में बैठा हुआ था। वो किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहा था, मन ही मन वो अदृश्य शक्ति के सिस्टम को ही कोस रहा था। गाड़ी में बैठे देव ने अचानक ही कहा, वैसे तुम लोगों को ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आज तक हमारे ब्रांच पर कोई रॉबरी का केस नहीं आया था, लेकिन ब्यूरो चीफ पीयूष के आने के बाद सब कुछ थोड़ा अजीब सा नहीं हो रहा? सही बात है, अमित देव की बात से हामी भरते हुए कहा। अच्छा तुम लोगों को क्या लगता है, ये रॉबरी करने वाला डकैत पकड़ा जाएगा? क्योंकि अभी तक तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे टाइम बीतता जाएगा उसे पकड़ना मुश्किल होता जाएगा। अमित तुम थोड़ा ये पता करो कि इस रॉबरी में किसी को डेथ भी हुई है क्या, या सिर्फ रॉबरी ही है? देव ने कहा। अमित ने केस की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपना फोन खोला, तभी उसे एक और केस की नोटिफिकेशन दिखाई पड़ी। ओ गॉड, ये क्या? अमित ने चौंकते हुए कहा। क्या हुआ, किसी की डेथ हुई है क्या? किसी की डेथ नहीं हुई है, बल्कि एक मरे हुए इंसान की फिर से मौत हुई है। देव के साथ ही विक्रांत भी हैरानी भरी नजरों से अमित की तरफ देखने लगा। विक्रांत के दिमाग में फिर से ख्याल चलने लगा, कहीं ये पृथ्वी कोडवर्ड का असली अर्थ अब तो निकल कर नहीं आ रहा है। दरअसल जिस एरिया में ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्थित था वो एरिया डीएन नगर पुलिस स्टेशन के अंडर ही आता है। सो इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी डीएन नगर पुलिस स्टेशन के डिटेक्टिव को ही करनी थी। जब ये लोग लोनावला से वापस ब्रांच के लिए आ रहे थे, तभी डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने नैना के पास कॉल करके सीधे ही क्राइम सीन पर पहुंचने का ऑर्डर दिया। तो जितने लोग पिकनिक पर आए हुए थे उन सभी को लेकर नैना सीधे ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही जा रही थी। भले ही ये लोग काफी फास्ट ड्राइव करते हुए वापस लौट रहे थे, फिर भी बैंक तक वापस पहुंचने में इन्हें तकरीबन 1 घंटा तो लग ही गया।
जब ये लोग रॉबरी वाले प्लेस पर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही काफी भीड़ लगी हुई थी। बैंक के बाहर पुलिस और मीडिया वालों की सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थी। पूरे बैंक को सील कर दिया गया था। अब अंदर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम को ही जाना अलाउ किया गया था। बाहर खड़े मीडिया कर्मी चिल्ला चिल्ला कर रिपोर्टिंग कर रहे थे और उनके पास जो भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन थी उसे न्यूज चैनल के थ्रू अपने ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया के अलावा बैंक के बाहर काफी आम लोगों का भी जमावड़ा लगा हुआ था। अभी तक किसी के पास भी केस से जुड़ी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो सभी अपने अपने हिसाब से कहानी बता रहे थे। वहां पहुंचते ही नैना सबको लेकर सीधे बैंक के भीतर गई। वहां भी अनगिनत पुलिस वाले और बैंक कर्मचारी खड़े थे। पुलिस इस वक्त सभी कर्मचारियों का बयान ले रही थी। यहां पर मिस्टर मलिक भी मौजूद थे। वो सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। उन्हें यहां देखकर विक्रांत को थोड़ी हैरानी भी हुई, लेकिन बाद में पता चला कि मिस्टर मलिक इस बैंक के स्टॉक होल्डर हैं, तो इसलिए उन्हें भी यहां किसी जरूरी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अंदर जाते ही वहां डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा मिली। नैना के नहीं पहुंचने तक वो ही इस केस को हैंडल कर रही थी। वैसे नियम के अनुसार इस केस के इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी पुष्कर को मिलनी चाहिए थी, लेकिन पुष्कर और चेतन इस वक्त छुट्टी पर चल रहे थे। इस वजह से अब इस केस की पूरी जिम्मेदारी नैना को उठानी पड़ेगी। डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली ने नैना से कहा कि इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और अब टीम ए और टीम बी दोनों को तुम्हें ही लीड करना है। और हाँ, केस बहुत सेंसिटिव है तो प्लीज बी फास्ट, मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए। यस मैम, आप चिंता मत कीजिए, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इन्हें पकड़ लूंगी, नैना जवाब दिया। इसके बाद डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली ने केस से जुड़ी सारी डिटेल नैना को देनी शुरू कर दी। उन्होंने नैना को बताया कि आज दोपहर में करीब 12 बजे ये सारे लुटेरे बैंक पहुंचे। सबके सब बंदूक और राइफल से लैस थे। बैंक में पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले गार्ड को अपने कब्जे में लेकर उसके हाथ से बंदूक छीन ली। उसके बाद बैंक में जो दो चार कस्टमर थे उन्हें डरा धमका कर एक जगह बैठा दिया। फिर उन लोगों ने बैंक के स्टाफ को एक साइड में खड़ा करवा दिया और फिर सीधे ही बैंक के लॉकर रूम की तरफ चले गए। आश्चर्य वाली बात यह है कि इस दौरान उन्होंने सामने ही पड़े कैश पैसे को छुआ तक नहीं, जबकि उनके लिए ये करना सबसे आसान था। लॉकर रूम में जाने के बाद वहां से लगभग 10 लॉकर को उन्होंने तोड़कर उसमें रखा सारा सामान लूट लिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा लॉकर रूम की सुविधा कुछ साल पहले ही शुरू की गई। इसमें बैंक अपने ग्राहक को एक खास लॉकर देता है जिससे ग्राहक अपना कीमती सामान रख सकता है। लॉकर रूम की सुविधा बहुत कम बैंकों द्वारा ही दी जाती है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र उनमें से एक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये लॉकर रूम 80 मीटर स्क्वायर के एरिया में बना हुआ है। इसके भीतर कई सारे लॉकर बने हुए हैं। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। इस एरिया की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए यहाँ पर कोई CCTV कैमरा भी नहीं है। कस्टमर जब अपने कीमती सामान यहाँ रखने आता है तो वो अकेले ही होता है, इसलिए किसी को भी ये नहीं पता होता कि वो लॉकर में कौन सा सामान रख रहा है। और फिर जब उसे अपना सामान वापस लेना होता है तो वो सिर्फ लॉकर की चाबी और बैंक द्वारा दिए गए पासवर्ड की मदद से वो अपना लॉकर खोल लेता है। लॉकर भी अलग अलग साइज के होते हैं और साइज के हिसाब से ही उसमें अमानती सामान रखने का चार्ज बैंक द्वारा लिया जाता है। जैसे कि विक्रांत को अपने 2 लाख रुपए के पुराने नोटों का एक बैग रखना था, सो उसने मीडियम साइज का लॉकर लिया हुआ था। उसके लिए विक्रांत हर महीने बैंक को 300 रुपए का भुगतान करता था। आज तक कभी किसी बैंक में इस तरह की लॉकर रूम में लूटपाट होने की खबर नहीं आई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पहली बार इस तरह की डकैती हुई थी। बैंक वालों की चिंता इसलिए बढ़ी हुई थी क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था कि ये डकैत वास्तव में बैंक से क्या सामान लूटकर गए हैं। लुटेरों ने कुल 10 लॉकर को तोड़ा था। अब अगर इन लॉकर के मालिकों को मैंने मनमाना सामान बताते हुए बैंक से हर्जाना मांगना शुरू कर दिया, फिर तो बैंक के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस तरह के जुर्माने भरते भरते तो बैंक दिवालिया घोषित हो जाएगा, इसलिए मिस्टर मलिक यहां पहुंचे हुए थे। क्योंकि वो बैंक के काफी बड़े स्टॉक होल्डर हैं, इसलिए वो काफी परेशान दिख रहे हैं और लगातार पुलिस पर लुटेरों को पकड़ने का दबाव बना रहे हैं। यहाँ पर मिस्टर मलिक के साथ ही एक और आदमी भी बहुत परेशान है। वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर विक्रांत सक्सेना ही है। और वो परेशान भी क्यों ना हो, आखिर उनका भी तो लॉकर इसी बैंक में था। विक्रांत बैंक के भीतर दाखिल होने लगा। चारों तरफ सामान इधर उधर फैला हुआ था। कहीं सोने चांदी के जवाहरात तो कहीं मोती की मालाएं बिखरी हुई थी।
ऐसा लग रहा था कि लुटेरों ने यहाँ के सामान लूटने से पहले काफी तोड़फोड़ भी की थी। विक्रांत किसी तरह से इन सब सामानों को अपने पैर के नीचे आने से बचाते हुए भीतर की तरफ दाखिल होता जा रहा था। अभी वो कॉरिडोर में ही पहुंचा था कि वहां उसने देखा कि फॉरेंसिक टीम अपने काम में लगी हुई थी। फॉरेंसिक टीम की मिस गीता भी यहां मौजूद थी। वो काफी सीरियस होकर अपने काम में लगी हुई थी। विक्रांत कॉरिडोर से होता हुआ तेजी से अपने लॉकर की तरफ भागा। लॉकर रूम में पहुंचते ही उसने दरवाजे पर खड़े खड़े ही देखा कि उसका भी लॉकर टूटा हुआ था। बड़े टूटे हुए लॉकर को देखकर विक्रांत का दिल जोर से धड़कने लग गया, मानो उसे कोई गहरा इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। विक्रांत के शरीर में कंपन शुरू हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, इन डकैतों को 100 लॉकर में से बस 10 ही लॉकर मिले लूटने को, और उसमें से मेरा भी लूट गया। मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। विक्रांत भागता हुआ अपने लॉकर के करीब पहुंच गया। जैसे उसने अपने लॉकर में नजर डाली, वो सन्न रह गया। ओ गॉड, ये क्या, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर मलिक के दिए हुए पैसे विक्रांत ने जिस हाल में लॉकर के भीतर रखे थे, वो वैसे ही उसमें पड़े थे। विक्रांत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लुटेरे सामने इतना सारा पैसा पड़ा होने के बाद भी कुछ ले क्यों नहीं गए। विक्रांत अपने हाथ में पैसे वाला बैग लेकर वहां से चलने लगा। तभी अचानक से मिस गीता उसकी तरफ देखते हुए बोल पड़ी, हे रुको, बैग कहाँ ले जा रहे हो? वापस रखो, ये मेरा है, मेरा बैग है। किसी का भी हो, रखो तुम। हर जगह तुम्हारा जरूर कुछ ना कुछ मामला फंसा रहता है। उसमें फिंगरप्रिंट वगैरह हो सकते हैं ना। पहले हमें सैंपल ले लेने दो, फिर बैग मिलेगा तुम्हें, गीता ने जवाब दिया। विक्रांत हैरान होकर इधर उधर देख रहा था। तभी विक्रांत को उन्हें देखकर कुछ देर पहले की बात याद आ गई, जब अमित और सुदेश अंदर किसी लाश के मिलने की बात कर रहे थे। विक्रांत को लगा शायद बैंक के अंदर लाश मिलने की वजह से ही ये लोग इतना सीरियस होकर काम कर रहे हैं। विक्रांत को लगा कि हो सकता है कि जो लुटेरे यहाँ बैंक लूटने आए हुए थे, उन्हीं में सामान और पैसे के बंटवारे को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ होगा और फिर आपस में ही किसी को मार दिया गया होगा, तभी यहाँ पर इतना सारा सामान भी फैला हुआ है। विक्रांत बैग वहीं छोड़कर लॉकर रूम से बाहर आने लगा। बाहर कॉरिडोर में आते ही उसकी नजर वहां पर रखी एक डेड बॉडी पर पड़ी। विक्रांत इस लाश को देखकर दंग रह गया। उसका शरीर मानो सुन पड़ गया हो। ये बॉडी देखने में काफी छोटी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे की डेड बॉडी थी। और दूसरी बात, बॉडी में थोड़ी सड़न भी शुरू हो गई थी। और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि ये बॉडी एक वैक्यूम पॉलिथीन के अंदर पैक करके रखी हुई थी। बॉडी को किसी तरह से पॉलिथीन के भीतर रख कर पैक किया गया था। पॉलिथीन के भीतर बॉडी को इतनी टाइट तरीके से पैक करके रखा गया था कि वो भी पॉलिथीन की शेप में आ चुका था। डेड बॉडी को साइड में मोड़ कर रख कर गया था और इसका हाथ भी पीछे की तरफ करके बांधा गया था। चेहरा भी काफी क्षत विक्षत हो चुका था। कुल मिलाकर ये बॉडी देखने में काफी भयावह लग रही थी। विक्रांत बड़े ध्यान से डेड बॉडी की तरफ देख रहा था। अब जाकर विक्रांत को समझ आया कि अमित जो मरे हुए व्यक्ति की मरने की बात कर रहा था, उसका क्या मतलब था। विक्रांत, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ मत आओ, फिर भी तुम यहाँ खड़े हो, गीता ने विक्रांत को डांटते हुए कहा। वो उसे वहां से हटाना चाहती थी। गीता मैम, ये हुआ कैसे? विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। किसी बच्चे की डेड बॉडी लग रही है ना? नहीं, बच्चे की बॉडी नहीं है, ये एडल्ट की डेड बॉडी है। इसे इस पॉलीथिन में इस तरह से पैक किया गया है, इसलिए बॉडी बहुत छोटी लग रही है, फॉरेंसिक टीम के साथ काम कर रहा सौरभ बोल पड़ा। ये तो इतनी सिकुड़ी हुई सी क्यों लग रही है? विक्रांत ने फिर से सवाल किया। अरे, इस पर बैक्टीरिया एक्टिव हो गए हैं, बॉडी सड़नी स्टार्ट हो गई है, सौरभ ने विक्रांत को बताया। दरअसल बॉडी को कई सारे लेयर वाले पॉलीथिन में पैक करके रखा गया था और शायद ये काफी दिन से रखा हुआ था, इस वजह से इसमें बैक्टीरिया लगना शुरू हो गया था। विक्रांत को थोड़ी हैरानी हुई। अच्छा, तो ये लुटेरे अपने साथ डेड बॉडी क्यों लेकर आए हुए थे? लुटेरे अपने साथ डेड बॉडी लेकर नहीं आए थे, मिस गीता ने बताया, बल्कि ऐसा लग रहा है कि डेड बॉडी को यहीं पर काफी दिन से यहीं लॉकर रूम के भीतर रखा गया था। क्या? विक्रांत ये सुनकर सन्न रह गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? लॉकर के भीतर डेड बॉडी और किसी को पता भी नहीं चला, ये कैसे हो सकता है? ये वैक्यूम बैग है, इसके भीतर रखी हुई किसी चीज की स्मेल बाहर नहीं आ सकती है, और फिर इसे एक लॉकर के भीतर रखा गया था, सौरभ ने एक्सप्लेन किया। ऐसा लग रहा है कि बॉडी को पहले बड़े से वैक्यूम बैग में रखा गया, उसके बाद एक सूटकेस में भर के यहाँ लाकर लॉकर में डाल दिया गया, इसलिए ना किसी को स्मेल आई और ना किसी को पता चला।
सौरभ जिस तरफ इशारा करते हुए सब बता रहा था, उधर ही विक्रांत ने नजर डाली तो देखा कि वहां पर एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा हुआ था। इस बॉक्स का आकार विक्रांत के लिए हुए लॉकर के आकार से करीब 2 गुना बड़ा था। जाहिर है कि इतने बड़े लॉकर को लेने के लिए इसके मालिक की सालाना काफी ज्यादा पैसे बैंक को भुगतान करना पड़ रहा होगा। विक्रांत ने बॉक्स के आकार को देखकर अनुमान लगाया था कि इसे बैंक के लॉकर में रखने के लिए सालाना तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा रुपए बैंक को चार्ज के तौर पर देना पड़ता होगा। विक्रांत बड़े ध्यान से इस टूटे हुए बॉक्स को देख रहा था जो कि लॉकर रूम के भीतर बने लॉकर के अंदर रखा हुआ था, और इसी बॉक्स के भीतर सूटकेस में ये डेड बॉडी रखी हुई थी। विक्रांत का सिर चकरा रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी विक्रांत कुछ सोच विचार कर ही रहा था कि वहां पर टेम्परेरी टीम हेड नैना भी पहुंच गई। ये केस उसे ही सौंपा गया था और उसे टीम ए और बी की मदद से इसे सॉल्व करना था। हालांकि नैना को पहले से ही पता था कि अंदर से कोई डेड बॉडी मिली है, लेकिन फिर भी वो इस क्षत विक्षत लाश को देखकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस कंडीशन में ये इतनी बुरी हालत में पहुंची है। उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि ये लुटेरे बैंक के भीतर पैसे लूटने आए थे या फिर ये डेड बॉडी खोजने आए थे, और अगर वो सच में डेड बॉडी खोजने के लिए आए थे तो इसे लेकर क्यों नहीं गए। घटना स्थल को देखकर तो साफ पता लग रहा है कि यहां से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं हुआ है। उन्होंने लॉकर रूम के लगभग 10 लॉकर तोड़े, लेकिन एक से भी पैसा नहीं लूटा था। यहां तक विक्रांत का लॉकर भी उन्होंने तोड़ दिया था, लेकिन उसके भीतर रखा पैसा जैसे का तैसा रखा हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लुटेरे सिर्फ लाश को बाहर निकालने के लिए आए थे क्या? हो सकता है कि वो इस डेड बॉडी को किसी तरह से पुलिस के संज्ञान में लाना चाह रहे हो, ताकि पुलिस इस डेड बॉडी के बारे में पता लगाने की कोशिश करे। नैना ने भी सभी इन्वेस्टिगेटर्स को भी यहाँ भीतर बुलाया और केस की रिपोर्ट लेनी शुरू कर दी। सबसे पहले बैंक के मैनेजर ने बताया कि लॉकर रूम को एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी से लैस किया गया है। अगर कोई लॉकर को जबरन तोड़ने की कोशिश करता है तो तुरंत ही बैंक के हेडक्वार्टर में अलार्म बजना शुरू हो जाता है, और रूम के भीतर 10 सेकंड के भीतर ही क्लोरोफॉर्म भी भरना शुरू हो जाता है, जिससे जो भी लॉकर को तोड़ने की कोशिश करता है वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाएगा। लेकिन इस लूट केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि जब वो लुटेरे इस लॉकर रूम में दाखिल हुए तो एंटी थेफ्ट अलार्म बजा ही नहीं, यानी कि उन्होंने पहले ही बैंक के पावर कट कर दिया था, तभी अलार्म नहीं बज पाया था। लेकिन बैंक का पावर रूम काफ़ी अंदर की तरफ था और किसी बाहरी को इस बारे में पता नहीं होता है। यहाँ तक कि कई बार तो बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इस पावर रूम के बारे में नहीं पता होता था। अब सवाल ये है कि आखिर लुटेरे को इस पावर रूम के बारे में पता कैसे चला। इसके बाद नैना ने तुरंत ही अपने कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को भेजकर बैंक के सभी कर्मचारियों को एक लाइन में खड़ा करवाकर सभी का बयान लेना शुरू किया। इसके साथ ही नैना ने कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को भेजकर बैंक के आसपास के एरिया का CCTV फुटेज भी निकलवाने का ऑर्डर दे दिया, ताकि लुटेरों के भागने के बारे में कुछ पता चल सके। बैंक में काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि कुल 5 लोग लूटपाट के लिए आए हुए थे। ये काफ़ी प्लानिंग के साथ आए थे। बैंक में ये उसी टाइम पहुंचे जब सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी की शिफ्ट चेंज होती है। यह सिक्योरिटी गार्ड्स की 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है, दिन में 12 बजे और रात में 12 बजे शिफ्ट चेंज होती है। ये बात उन लुटेरों को अच्छे से पता थी, और जब शिफ्ट चेंज होती है उस वक्त गार्ड्स भी इधर उधर होते हैं और वो ज़्यादा सावधान भी नहीं रहते। ठीक इसी समय लुटेरे वहां पहुंचे, और पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले बैंक के भीतर तैनात गार्ड्स को एक साइड में खड़ा कर दिया। इसके बाद उन्होंने बैंक के भीतर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को भी एक साइड में ले जाकर खड़ा करवा दिया। बैंक कर्मचारियों में से किसी ने पुलिस को भी फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन लुटेरों के पास गन और राइफल दोनों थी, तो उन्होंने बंदूक की बट से उसके सिर पर वार करके एक साइड में खड़ा कर दिया। इसके बाद किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद 3 लोग बैंक के लॉबी में ही खड़े रहे, जबकि 2 लोग बैंक के एक कर्मचारी को लेकर अंदर लॉकर रूम की तरफ चले गए। वहां अंदर जाते ही उन्होंने बैंक के कर्मचारी के मुंह पर बैग डाल दिया ताकि वो कुछ भी देख ना सके। उधर बैंक के लॉबी में 3 लोग बंदूक की नोक पर सबको एक कोने में खड़ा करवा कर रखा था। जिस कर्मचारी को लॉकर रूम में ले जाया गया था
उसने बताया कि पहले जब तक लॉकर रूम तक लुटेरे नहीं पहुंचे थे तब तक उससे वहां का रास्ता पूछते रहे, फिर लॉकर रूम के भीतर दाखिल होने के बाद उन्होंने उसके मुंह को एक बैग से ढक दिया ताकि वो लॉकर तोड़ने का तरीका ना देख पाए। उसने बताया कि बामुश्किल 5 मिनट के भीतर ही उसने ना जाने कैसे लॉक को तोड़ कर रख दिया। उसके बाद उन्होंने लॉकर से क्या निकाला और क्या रखा कुछ भी मालूम नहीं। इसके बाद जब उसकी पट्टी खुली तो देखा कि वहां से सारे लुटेरे भाग चुके थे और बैंक के दूसरे कर्मचारियों ने उसकी आंख की पट्टी खोली थी। बैंक के बाहर के सीसीटीवी फुटेज को देखकर पता चला था कि लुटेरे एक लाल रंग की मारुति वैन से यहां पहुंचे थे। बैंक से लूटपाट करने के बाद वो वैन से ही फरार हो गए। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने वैन को बीच में सड़क पर ही छोड़ दिया और ना जाने कहां फरार हो गए। बैंक के मेन गेट के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखकर पता चला कि पांचों लुटेरों ने काले रंग की लेदर जैकेट पहन रखी थी और सभी ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था, इसलिए किसी को भी पहचानना मुश्किल था। एक बात और, इन्वेस्टिगेटर्स को यह पता चला कि लुटेरों के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे संदेह की दृष्टि से देखा जा सके। यहाँ तक कि बैंक में लूटपाट करने के बाद जब वो यहाँ से बाहर निकले तब भी उनके हाथ में कुछ खास सामान नहीं दिख रहा था। बैंक से बाहर निकलने के बाद जब वो वैन में सवार होकर यहाँ से दूर गए और जब वो वैन को एक जगह खड़ी करके उसमें से बाहर निकले तो सभी के कपड़े बदले हुए, यानी कि वो लोग 2 ड्रेस लेकर आए हुए। ये बात बैंक के सभी कर्मचारियों ने भी मान ली थी कि ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही रॉबरी करने के लिए आए हुए थे, वरना बैंक के भीतर जाकर इतनी टाइट सिक्योरिटी में रखे हुए लॉकर को तोड़ना और लूटपाट करके सही सलामत बच निकलना मामूली बात नहीं है। नैना ने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सभी इन्वेस्टिगेटर्स को काम पर लगा दिया। सबसे पहले नैना ने इन्वेस्टिगेटर्स की एक टुकड़ी को बैंक के आसपास के एरिया में छानबीन करने के लिए लगा दिया। उसने चप्पा चप्पा छान मारने के लिए कहा, यहाँ तक कि आसपास की सीवर लाइन तक को खंगाल डालने का ऑर्डर दे रखा था ताकि कहीं से भी उसके बच निकलने का सुराग न रहे। इसके बाद बैंक के सभी कर्मचारियों की मदद से एक टीम को लुटेरों का स्केच बनाने के लिए लगा दिया। इसके बाद उसने फॉरेंसिक टीम से यहाँ मिली लाश के बारे में पता लगाने के लिए कहा। नैना जानना चाहती थी कि क्या इस लाश का इन लुटेरों से कुछ कनेक्शन है या ये कोई दूसरा ही केस है। सारे पुलिस वालों को व्यस्त देखकर विक्रांत किरसी हो रही, लेकिन इस वक्त वो कर ही क्या सकता था सिवाय अदृश्य शक्ति के सिस्टम को ब्लेम करने के। विक्रांत को इतने दिन बाद थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिला था और वो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ फ्री टाइम स्पेंड कर रहा था, लेकिन ना जाने कहाँ से ये नया केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए टपक पड़ा। अब फिर से विक्रांत को इस नए केस पर माथापच्ची करनी पड़ेगी। एक बात तो कन्फर्म थी कि इस रॉबरी को बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया था, लेकिन कोई इतनी प्लानिंग के साथ अगर बैंक लूटने आएगा तो फिर उसने बैंक लूटा क्यों नहीं। और उससे भी हैरानी वाली बात, बैंक के भीतर डेड बॉडी का मिलना था, आखिर वो किसकी डेड बॉडी थी और बैंक के भीतर लॉकर रूम में कैसे पहुंची। दोपहर की गर्मी अपना पूरा रंग दिखा रही थी, सूरज माथे पर चढ़ा हुआ था। विक्रांत का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। गर्मी से बेहाल विक्रांत पानी की एक पूरी बोतल पीकर खत्म कर चुका था, इसके बाद भी वो प्यासा ही था। इस वक्त वो बैंक के पीछे वाली गली में टीम बी के इन्वेस्टिगेटर अमित के साथ लुटेरों की कार के पास था। ये शहर का काफ़ी पुराना इलाका था, यहाँ पर घर बने हुए थे वो बहुत पुराने ज़माने के थे। संकरी गली थी और दोनों तरफ मकान बने हुए थे। काफ़ी सारे बिल्डर इस इलाके की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते थे और यहाँ पर मल्टीप्लेक्स आदि का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग ज़मीन की मुँह मांगी कीमत मिलने के बावजूद जगह छोड़ने को तैयार नहीं। कुल मिलाकर ये जगह सरकार के लिए सिरदर्द ही बनी हुई है, क्योंकि शहर नई इमारत के बीच यहाँ बने टूटे फूटे पुराने घर इलाके की शोभा भी बिगाड़ रहे थे। विक्रांत और अमित किसी तरह लुटेरों द्वारा छोड़ी गई कार के करीब पहुँच गए। ये रेड कलर की पुरानी ओमनी वैन थी। इस कार में 5 लुटेरे बैठकर बैंक में डाका डालने के लिए आए हुए थे। जहाँ पर लुटेरे इस वैन को छोड़कर गए थे वहाँ पास में ही एक गली निकल रही थी और उसके बगल में एक पब्लिक टॉयलेट भी बना हुआ था। शुरुआती जांच में पुलिस ने पता लगाया कि ये रेड ओमिनी वैन भी चुराई हुई थी और इसे 1-2 दिन पहले ही चुराया गया था। वैन के मालिक ने इसकी FIR भी करवाई हुई थी। विक्रांत और अमित जब वैन के करीब पहुंचकर इसकी जांच करने लगे तो इसमें लुटेरों के पहने हुए कपड़े रखे हुए और साथ में उनके हथियार भी वैन में रखे मिले। हथियार इस तरह से गाड़ी में पड़ा देख विक्रांत और अमित दंग रह गए। इससे भी ज़्यादा हैरानी तो उन्हें तब हुई जब पता चला कि ये बंदूक ही नकली है। उधर फॉरेंसिक टीम वालों ने गाड़ी की डिटेल जांच करनी शुरू कर दी थी।
गाड़ी में जितने फिंगरप्रिंट थे सब इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। फॉरेंसिक टीम वालों को काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट मिले थे, लेकिन इसमें से उन लुटेरों के शायद ही कोई थे। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में देखने पर साफ पता लग रहा था कि उन पांचों लुटेरों ने हाथ में ग्लव्स पहन रखे थे, जिस वजह से उनके फिंगरप्रिंट मिलना नामुमकिन है। फॉरेंसिक टीम ने गाड़ी में रखे हुए उनके ड्रेस और फेस मास्क को भी कलेक्ट कर लिया था। फेस मास्क और कपड़ों की जांच करके फॉरेंसिक टीम लुटेरों का डीएनए टेस्ट करके उनकी डिटेल लेना चाहती थी। विक्रांत भी वहाँ खड़े खड़े वैन को बड़े ध्यान से देख रहा था। कभी वो वैन को देखता तो कभी यहाँ के आसपास के इलाके को। तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना जाने क्यों उसे ये केस बड़ा अजीब सा लग रहा था। विक्रांत के मन में उस वक्त हजार तरह के सवाल उठ रहे थे। सबसे पहली बात तो जहाँ पर ये वैन लुटेरे छोड़कर भागे थे वहाँ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दूरी महज 200 मीटर भी नहीं रही होगी। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जब उन्हें गाड़ी से भागना ही था तो वैन इतने करीब छोड़कर क्यों भागे। कहीं ऐसा तो नहीं उन सभी का घर यहीं कहीं आसपास ही है और वो यहाँ वैन खड़ी करके किसी गली में घुस गए, तभी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही है, जैसा कि हाथ काटने वाले केस में हुआ था। ना जाने क्यों विक्रांत को ये रॉबरी कोई नॉर्मल रॉबरी नहीं लग रही थी और लुटेरे भी कोई नॉर्मल लुटेरे नहीं लग रहे थे, बल्कि इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ और बड़ी होशियारी से इस लूट को अंजाम दिया था। सोचो ज़रा, भला कोई नकली बंदूक के दम पर बैंक के भीतर घुसकर सबको डराते हुए लूट को कैसे अंजाम दे सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि अभी तक ये नहीं पता चल पाया था कि वो लूट कर क्या ले गए थे। बैंक के भीतर सारे लॉकर जैसे के तैसे पड़े थे, बस उनके लॉक टूटे हुए थे। अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग अभी भी पूरी कहानी पकड़ नहीं पा रहे। विक्रांत और अमित इस लूटकांड की आपस में चर्चा कर रहे थे। अमित ने विक्रांत की बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, विक्रांत तुम्हें पता नहीं है शायद, हमारे यहाँ आने से पहले पुलिस यहाँ पहुंची हुई थी और वो डॉग स्क्वाड की मदद से भी लुटेरों के भागने की दिशा का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डॉग स्क्वाड भी एक दो कदम चलने के बाद रुक जा रहे थे, कुछ पता नहीं लगा। ओह, इस बात से विक्रांत ने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है सभी लुटेरे अलग अलग दिशा में भागे हों, इसलिए डॉग को किसी पर्टिकुलर एक दिशा में आने वाली स्मेल नहीं मिल पा रही। और ये कपड़े, अमित ने विक्रांत को वैन के भीतर पड़े कपड़ों को दिखाते हुए कहा, बैंक से निकलने के बाद उन्होंने यहाँ आकर अपने कपड़े बदले थे और फिर उस वैन से बाहर निकले तो बिल्कुल दूसरे रूप में थे, शायद इसीलिए उन्हें सीसीटीवी फुटेज में कोई नहीं देख पा रहा है। अब वो वैन से निकलकर किधर की तरफ गए किसी को कुछ पता नहीं। विक्रांत गहरी सोच में पड़ा हुआ था। ये साले सच में बिल्कुल ट्रेंड लुटेरे हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। लेकिन अमित फिर से बोल पड़ा, हम लोग अगर इस गली के चारों तरफ की सीसीटीवी फुटेज निकालकर उसे ध्यान से देखना शुरू करें तो हो सकता है हम उनका पता लगा सकें। क्योंकि पहली बात तो वो बैंक से दोपहर के 12 बजे के करीब निकले थे, अब अगर उसी टाइम के आसपास के फुटेज को चेक करें तो कुछ जरूर पता लग सकता है। हम यहाँ बाजार के लोगों से भी पूछताछ कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि वो लोग इतना सारा सामान लेकर आए थे तो पक्का है कि कोई ना कोई बैग पैक लेकर भी आए रहे होंगे और सबके पास अपना अपना बैग पैक रहा होगा, क्योंकि यहाँ वैन में तो वो अपना बैग छोड़कर गए नहीं हैं, तो हम बैग पैक के थ्रू भी उनकी पहचान कर सकते हैं। हाँ, विक्रांत भले ही अमित की बातों से सहमति जताए जा रहा था, लेकिन ना जाने क्यों उसे अभी बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। शायद हो सकता है कि उसके 2 लाख रुपये के पुराने नोट लूटने से बच गए थे इस वजह से या फिर किसी और वजह से। विक्रांत सोचने लगा, अगर इन लुटेरों को मेरे 2 लाख रुपए के पुराने नोट को देखकर लालच नहीं आई, जबकि उसकी कीमत मार्केट में तकरीबन 10 लाख से भी ज़्यादा है, तो फिर वो बैंक के लॉकर रूम में से क्या लूट कर गए होंगे। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मेरे पैसे देखे नहीं, खूब अच्छे से देखे, उसके बावजूद इसे छोड़ कर चले गए। आखिर क्यों, ऐसा क्यों किया उन्होंने? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बैंक में लूट के मकसद से आए ही नहीं थे, उनका मकसद कुछ और था, लूट तो बस एक बहाना था। फिर विक्रांत आज के कोडवर्ड के बारे में सोचने लग गया। उसे आज सुबह कोडवर्ड में पृथ्वी और चंद्रमा मिला हुआ था। पृथ्वी का जो मतलब विक्रांत को समझ आया था वो किसी अपशगुन से था, यानी कि ये किसी बड़ी दुर्घटना होने का संकेत था।
जबकि चंद्रमा का अर्थ पैसे से था। चंद्रमा कोडवर्ड मिलने का जो मतलब था वो विक्रांत को समझ आ चुका था। आज उसके पैसे चोरी होने से बचे हैं, यही चंद्रमा कोडवर्ड का अर्थ था। लेकिन पृथ्वी का अर्थ क्लियर नहीं हो पा रहा था। विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि आज जो बैंक में रॉबरी हुई वो कोई अपशगुन है या फिर बैंक के लॉकर रूम के पास जो लाश मिली है वो उसके लिए बुरी खबर है। इस वक्त बैंक में लूट की खबर से पूरे शहर में खलबली मची हुई थी। न्यूज रिपोर्टर से लेकर आम जनता तक इस लूट की एक एक बात जानने को पागल हो रहे थे। यहाँ तक कि लूट की बात सीएम ऑफिस तक पहुंच चुकी थी। जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी हर जगह जवाब देना पड़ रहा था। पुलिस से लेकर फॉरेंसिक टीम तक का जीना हराम हो गया। आनन फानन में पुलिस हेडक्वार्टर ने जिले के एसपी से जल्द पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब की थी और जितनी जल्द हो सके मुजरिमों को दबोचने का ऑर्डर दे रखा था। साथ ही पूरे शहर की सिक्योरिटी को बढ़ाने का भी ऑर्डर दे दिया था। पूरे शहर में पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया था और हर गली नुक्कड़ पर पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी थी ताकि किसी भी हालत में ये लुटेरे शहर छोड़कर भाग ना पाए। सबसे ज्यादा प्रेशर तो डीएन नगर पुलिस ब्रांच के ही इन्वेस्टिगेटर्स के ऊपर था। दरअसल जहां पर ये बैंक मौजूद था वो इलाका डीएन नगर के अंदर ही आता है, इसलिए सबसे ज्यादा हालत यहीं की खराब थी। ब्रांच के जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स थे सब बिना थके बिना रुके इधर उधर भाग रहे थे। अब तक इस घटना को 6 घंटे हो चुके थे लेकिन तब से लेकर अब तक किसी के पांव एक सेकंड के लिए भी थमे नहीं थे। नए ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन को ये सब घटनाक्रम कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी उन्हें अपनी ड्यूटी ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए थे और तब से उन्हें कई सारे अनुभव मिल गए थे। पहली बात तो पीयूष रंजन के पास ब्यूरो चीफ के पद पर काम करने का ज़्यादा अनुभव नहीं था, यहाँ तक कि इतने बड़े लूटकांड का केस भी उन्होंने पहले नहीं देखा था। ऊपर से अभी तक एक दिन पहले ही विक्रांत ने अदृश्य होकर उनके ऊपर कॉफी का मग फेंक दिया था और फिर उन्हें पीट भी दिया था। उस घटना के सदमे से अभी तक पीयूष निकल नहीं पाए थे, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो तो अच्छा हुआ कि डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा को उनका असिस्टेंट नियुक्त किया गया था और उन्होंने सारी सिचुएशन संभाल ली थी। केस एनालिसिस करने की मीटिंग बुलाई गई थी और ब्यूरो चीफ पीयूष की जगह मिताली ने ही ये मीटिंग डील की। उन्होंने अपने लेवल से सभी इन्वेस्टिगेटर्स को केस को समझाते हुए इसे इन्वेस्टिगेट करने का क्लू दिया। ब्यूरो चीफ पीयूष मीटिंग के अंत में सिर्फ इन्वेस्टिगेटर्स का हौसला अफजाई ही करते दिखे। हायर अप्स की मीटिंग खत्म होने के बाद फिर नैना ने भी सभी को केस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। नैना को इस केस के लिए टीम हेड नियुक्त किया गया था और वो इस पोजीशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी। हालांकि नैना भी पहली बार टीम हेड के तौर पर काम कर रही थी लेकिन फिर भी उसने इस तरह के केस पहले भी बहुत बार देखे हैं तो उसे ऐसे केस हैंडल करने का काफ़ी एक्सपीरियंस था। नैना ने केस को एनालिसिस करते हुए सबसे पहले बैंक में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का बयान लेने का ऑर्डर दिया। नैना ने सबसे पहले उन सभी लोगों को पकड़ कर लाने के लिए कहा जिन्हें बैंक के भीतर मौजूद एक एक चीज के बारे में पूरी नॉलेज थी, क्योंकि जिस हिसाब से लुटेरों ने पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देते हुए बैंक में सेंध मारी थी वो बिना किसी अंदर के आदमी की मदद के मुश्किल था, तो आगे की जांच के लिए इन सभी लोगों का बयान लेना बेहद जरूरी था। इसके बाद पुलिस ने आसपास के एरिया का सीसीटीवी फुटेज खंगालना भी शुरू कर दिया था ताकि कहीं से कोई भी सुराग मिस ना हो पाए, लेकिन फिर भी पुलिस को कुछ खास सफलता नहीं मिल रही थी। इसी बीच फॉरेंसिक टीम की तरफ से एक अच्छी खबर सुनने में आई। फॉरेंसिक टीम वालों ने बैंक के भीतर मिली डेड बॉडी की पहचान कर ली थी। एपिसोड 258 निर्दयी कातिल। ये लाश एक महिला की है, उसका नाम सुनीता मेहता पता चला था। मुंबई के कांदिवली इलाके की रहने वाली है और उसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 73 साल है। नैना ने अपने हाथ में लिए हुए पेपर को पढ़ते हुए बताया ये औरत 3 साल से लापता थी। इसके घर वालों ने बताया कि ये कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए बाहर मार्केट गई हुई थी और तभी से गायब थी। इसकी फैमिली तब से लगातार इसे खोजने में लगी हुई थी लेकिन कुछ भी पता नहीं चला है, नैना ने आगे बताया। लेकिन ये बात सुनकर कुछ इन्वेस्टिगेटर्स सदमे में आ गए। उन्होंने कहा ये औरत पहले पर्यावरण विभाग में काम करती थी और इसकी सैलरी भी नॉर्मल ही थी और इसे रिटायर हुए भी कई साल हो चुके हैं, तो फिर इसे कोई क्यों मारेगा? आखिर इसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है?
मैंने खुद सुनीता मेहता के गायब होने की FIR पढ़ी। नैना ने जवाब दिया, उनके फैमिली वालों का भी यही कहना है कि सुनीता की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और ना उन लोगों की किसी के साथ कोई रंजिश है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बदले की नीयत से किया गया होगा। कहानी कुछ और ही है। तब तो ये केस और पेचीदा हो गया, संगीता बोल पड़ी, कहीं ये मर्डर बैंक की रॉबरी से रिलेटेड तो नहीं है? मैडम, मैंने पता किया है कि राघव ने नैना की तरफ देखते हुए कहा, ये जिस वैक्यूम पॉलीथिन में सुनीता मेहता की डेड बॉडी को पैक किया गया है वो कोई नॉर्मल पॉलीथिन नहीं है, दरअसल ये इम्पोर्टेड है और ज़्यादातर इस तरह की वैक्यूम पैकिंग कोरिया से आने वाले सामानों में होकर के आती है। साथ ही जिस मशीन के द्वारा इस वॉल्यूम पैकिंग को किया गया है वो मशीन भी काफ़ी रेयर ही होगी। मैंने कुछ लोगों को इस मशीन के बारे में पता लगाने के लिए लगा रखा है। गुड वर्क, नैना ने कहा, और हमने इस लॉकर रूम के बॉक्स के बारे में भी पता लगाने की थोड़ी बहुत कोशिश की है। वैसे इस लॉकर्स को लेकर बैंक की प्राइवेसी पॉलिसी बहुत सख्त होती है, इसलिए हम ये नहीं जान सकते हैं कि लॉकर के भीतर क्या रखा है, लेकिन फिर भी हमने बाहर से कुछ पता लगाने की कोशिश की है। देव, कुछ पता चला? यस मैडम, देव ने तुरंत ही जवाब दिया, ये बॉक्स किसी सोमानी चक्रवर्ती नाम की लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस लड़की की उम्र इस वक्त तकरीबन 28 साल है और ये लड़की भी पिछले 5 सालों से लापता है। अब तो सारे इन्वेस्टिगेटर्स के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, सब हैरत में पड़ गए और सोचने लग गए कि आखिर इस लड़की का डेड बॉडी के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है। सोमानी चक्रवर्ती, नैना ने उसका नाम को सोचते हुए दोबारा से लिया, अच्छा, और कोई इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में? ये 5 साल पहले लापता हुई थी और उस वक्त इसकी उम्र बस 23 साल ही थी। लापता होने के वक्त ये जॉबलेस थी और किसी कपड़े के मिल के पास रहती थी। तब ये गहरी सोच में पड़ गए, सब लोग अपने अपने अनुसार इस लड़की के बारे में सोचने लगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी अमित नैना की तरफ देखते हुए बोल पड़ा, मैडम, मैंने बैंक मैनेजर से बात करके लॉकर रूम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली है। मैनेजर ने बताया कि लॉकर रूम का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस महज एक फॉर्मेलिटी ही होती है। रजिस्ट्रेशन कोई भी कराए, किसी के भी नाम से कराए और सामान कोई भी रखे, इसमें बैंक को ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। मेन चीज़ होती है लॉकर की चाबी और बैंक द्वारा दिया गया सिक्योरिटी पासवर्ड। अब जिसके पास भी ये दो चीज़ें हैं वो कोई भी हो लॉकर खोल सकता है। बैंक को सिर्फ पैसे से मतलब है, वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। मैनेजर ने तो मुझे यही बताया कि लॉकर के अंदर चाहे कोई भी कीमती सामान रखे या नकद रुपये ही क्यों ना रख दे, बैंक कुछ भी चेक नहीं करती है। यहाँ तक कि अगर लॉकर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाला मेल है या फिर बाद में कोई फीमेल ही आकर लॉकर यूज कर रही है, तब भी बैंक वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। देखो, श्रेयस शिंदे बोल पड़े, अगर बैंक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए काम करे तो फिर हमारा काम कितना आसान हो जाता है, लेकिन बैंक की भी अपनी पॉलिसी है। अब जरा सोचो, अगर किसी की चाबी खो जाए, पासवर्ड खो जाए, तो फिर कोई आदमी इसमें सामान रखकर कहीं चला जाए और लौट कर ना आए तो उसका पूरा सामान बैंक के पास आ जाएगा। मैडम, ये जिस लॉकर में लाश मिली है ये 3 साल पहले रजिस्टर्ड किया गया था और जब से ये डेड बॉडी लॉकर के अंदर रखी गई है तब से ये कभी ओपन भी नहीं हुआ है, बैंक मैनेजर ने लॉकर का पासवर्ड देखकर बताया, अमित ने आगे बताया। ओह, इसका मतलब अगर ये रॉबरी ना हुई होती तो हमें इस लाश का भी पता ही नहीं चलता, राघव ने हैरान होते हुए कहा। कम से कम 10 साल तो ना ही चलता, राघव बीच में ही बोल पड़ा, लॉकर रूम को जब एक बार रजिस्टर्ड किया जाता है तो बैंक एक बार में ही 10 साल का चार्ज ले लेती है, फिर अगर 10 साल बाद भी कोई नहीं आता तब जाकर बैंक वाले इसे खोलते हैं। 10 साल नहीं, कम से कम 50 साल, संगीता बीच में ही बोल पड़ी, रजिस्ट्रेशन पीरियड खत्म होने के बाद भी बैंक 50 साल तक लेट फीस लगाता रहता है और अगर इस बीच कोई आ गया तो वो लेट फीस देकर अपना लॉकर ले सकता है। ओ, 50 मतलब 60 या 70 साल तक किसी को पता ही नहीं चलता कि लॉकर के अंदर किसी की लाश पड़ी हुई है, मतलब किसी को मारकर डेड बॉडी छुपाने के लिए बैंक लॉकर से बेहतर कोई जगह है ही नहीं, कमाल है, राघव ने कहा। तभी किसी इन्वेस्टिगेटर ने नैना से पूछा, अच्छा मैडम, ये सुनीता मेहता के मरने की वजह का कुछ पता चला है? अभी कुछ पुख्ता तो नहीं हुआ है, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने अपनी शुरुआती जाँच में बताया कि जिस वक्त उसकी मौत हुई वो डिहाइड्रेट थी, यानी कि पानी बिल्कुल नहीं था शरीर में और बॉडी में प्रोटीन और विटामिन की भी मात्रा ना के बराबर थी। उसके बाद बॉडी की सिचुएशन देखते हुए उन्होंने आशंका जताई कि मारने के काफ़ी दिनों पहले से उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, सो इस आधार पर
हम कह सकते हैं कि मौत भूख के कारण हुई है। नैना ने जवाब दिया। ओह, कोई भला इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, किसी को जिंदा ही प्लास्टिक बैग में मरने के लिए छोड़ दिया, हे भगवान। लेकिन अभी ये सब बस एक अनुमान है, कुछ भी श्योर नहीं है, नैना ने कहा, और हो सकता है कि बाद में कुछ और रिजल्ट निकल कर आए। अच्छा देव, ये बताओ, तुमने सुनीता मेहता की फैमिली को इन्फॉर्म किया? यस मैडम, कर दिया है, वो लोग आने ही वाले होंगे, देव ने जवाब दिया। ओके, तो उनसे पूरी डिटेल ले लेना, कुछ भी मिस ना होने पाए, एक एक पॉइंट चाहिए मुझे, ओके, नैना ने देव को समझाते हुए कहा। ओके मैडम, इतना कहकर देव उठ खड़ा हुआ और अपने काम में लग गया। उसे अपना काम बड़ी सावधानी से करना था, सुनीता मेहता की पूरी फैमिली हिस्ट्री निकालनी थी, तो वो तुरंत ही अपनी ड्यूटी में जुट गया। फिर नैना ने तुरंत ही राघव की तरफ देखते हुए कहा, राघव तुम जाकर थोड़ा सोमानी चक्रवर्ती के बारे में पता लगाने की कोशिश करो, वो कैसे गायब हुई और अभी जिंदा है या मर गई, ये सब डिटेल निकाल कर दो। ओके मैडम, राघव भी उठ खड़ा हुआ और जाकर अपने काम में लग गया। अभी की सिचुएशन को देखते हुए तो यही लग रहा है कि इस बैंक रॉबरी का सुनीता मेहता की डेड बॉडी से कोई संबंध नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है कि लुटेरे बैंक का लॉकर लूटने की नीयत से यहां आए हुए थे और फिर जब उन्होंने लॉकर खोला तो वहां उन्हें डेड बॉडी मिल गई, फिर डर के मारे वो डेड बॉडी वहीं छोड़कर भाग गए, और हो सकता है कि उन्होंने डेड बॉडी मिलने के बाद और कोई लॉकर खोलने की हिम्मत भी ना दिखाई हो, नैना ने कहा। तभी वहां बैठे विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा, एक काम अगर करें, बैंक के रिकॉर्ड में इस लॉकर में सामान रखने की डेट और टाइम मेंशन है, अब हम अगर बैंक के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करके 3 साल पहले की CCTV फुटेज निकाल के देखें तो हो सकता है कि पता चल जाए कि आखिर लॉकर रूम में डेड बॉडी रखने के लिए आया कौन था। बैंक के पास 3 साल छोड़ो, 1 साल पुराना रिकॉर्ड भी नहीं है, यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम घटिया ही है, जतिन ने जवाब दिया। वाह क्या बात है, विक्रांत ने व्यंगात्मक लहजे में कहा। अच्छा तो बैंक के लॉकर रूम में काम करने वाले एम्प्लाई को पकड़कर उनसे पूछताछ कर सकते हैं, जाहिर है कि ये लॉकर बैंक का सबसे बड़ा लॉकर था और इतना बड़ा सूटकेस लेकर अगर कोई लॉकर रूम में रखने आया रहा होगा तो जरूर सभी ने नोटिस किया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। लॉकर रूम के सारे एम्प्लाई ट्रांसफर हो चुके हैं, पहले ही किसी ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, अब मुझे लग रहा है कि हमें उन सभी को नोटिस भेजकर यहां बुलाना पड़ेगा। जैसे ही जतिन ने अपनी बात खत्म की तभी वहां पर देव चिल्लाता हुआ आया, नैना मैडम, नैना मैडम, आप जल्दी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट चलिए, बहुत गड़बड़ होगी। क्या हुआ, सभी के सभी देव की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। देव ने फिर हांफते हुए कहा, वो सुनीता मेहता ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन की रिलेटिव है, सुनीता मेहता ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन की आंटी है। पीयूष रंजन महाराष्ट्र पुलिस में काफी दिनों से काम कर रहे थे, उनका बचपन भी मुंबई में ही बीता था। ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन का जन्म बहुत बड़े परिवार में हुआ था और जो लाश लॉकर रूम के बॉक्स में मिली है वो उनकी 5वें नंबर की आंटी सुनीता मेहता की ही थी। पीयूष ने कभी सोचा भी नहीं था कि 3 साल पहले गायब हुई उनकी आंटी की डेड बॉडी इस तरह से बैंक के लॉकर रूम में मिलेगी, इस बात से उन्हें गहरा दुख पहुंचा था। इस वक्त फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, ये सब लोग ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन की फैमिली और रिलेशन से थे। चारों तरफ काफी गमगीन माहौल था, हर तरफ लोगों का रोना पिटना मचा हुआ था, यहाँ तक कि खुद ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन भी गला फाड़ कर रो रहे थे। उनको देखकर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी भावुक हो उठे थे। खुद डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने जाकर उन्हें ढांढस बंधाया और यकीन दिलाया कि कुछ भी हो जाए पुलिस उनकी आंटी के कातिल को जरूर खोज निकालेगी। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सन्नाटा पसरा हुआ था, ये खबर सुन हर कोई हैरान था, ऐसी सिचुएशन में किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था, आज तक डीएन नगर पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर के साथ ऐसा नहीं हुआ था। डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने सभी इन्वेस्टिगेटर्स को इस जांच को बढ़ाने का इंस्ट्रक्शन दिया, साथ ही उन्होंने सभी को पूरे तन मन धन से काम करने का निर्देश दिया ताकि ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन की आंटी के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। मिताली सिन्हा का ऑर्डर मिलते ही सभी इन्वेस्टिगेटर्स एक एक करके सभी फैमिली मेंबर से बात करते हुए इन्फॉर्मेशन जुटाने में लग गए। उधर ब्यूरो चीफ पीयूष अपने ऑफिस में बैठे काफी भावुक हो रहे थे, उनकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहा था। डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली और नैना इस वक्त उनके ऑफिस में ही मौजूद थे। पीयूष रंजन ने रुआंसी सी आवाज में कहा, मेरी ये आंटी हम लोगों को सबसे ज्यादा मानती थी।
उनकी कोई औलाद नहीं थी और बेचारी की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब थी। वो अकेले चाचा जी के साथ रहती थी, लेकिन जब से चाचा जी गायब हुए तब से वो बेचारी अकेले ही अपना गुजर बसर कर रही थी, और फिर वो भी हमारे बीच से चली गई। क्या? नैना और मिताली सिन्हा के मुंह से एक साथ निकल पड़ा। उन दोनों की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। अच्छा, आपके चाचा जी कब गायब हुए? मिताली ने पीयूष रंजन के साथ सहानुभूति जताते हुए कहा। 7 साल हो गए उनके गायब होने के। 4 साल बाद आंटी भी लापता थी, पीयूष रंजन ने जवाब दिया। नैना और मिताली के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये सब। पहले सुनीता मेहता गायब हुई, फिर वो लड़की सोमानी चक्रवर्ती लापता हुई, और अब सुनीता मेहता के पति भी लापता। कमाल है, नैना मन ही मन सोचने लगी। कुछ पल तक सोच विचार करने के बाद उसने ब्यूरो चीफ से सवाल किया। अच्छा सर, क्या आप सोमानी चक्रवर्ती नाम की किसी लड़की को जानते हैं, या इस नाम की किसी लड़की के बारे में कभी अपनी आंटी के मुंह से या अंकल के मुंह से सुना है? नहीं, मैं नहीं जानता। सर थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, कभी कहीं पे इसका नाम सुना हो तो। ये बहुत मेजर सस्पेक्ट है हमारे केस के लिए, नैना ने कहा। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपने चचेरे भाइयों से पूछूंगा और अगर उन्हें कुछ पता होगा तो ज़रूर बताऊंगा। ओके, अच्छा ये बताइए, आपके अंकल कैसे गायब हुए थे? नैना ने बात बदलते हुए तुरंत ही सवाल किया। अंकल का जिक्र होते ही फिर से ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन का गला भर उठा। उन्होंने किसी तरह से खुद को संभालते हुए कहा, मेरे 5वें अंकल आंटी को एक भी औलाद नहीं थी और मैं बचपन से ही उनके बहुत करीब था। दोनों ही मुझे अपनी औलाद की तरह मानते थे। अंकल आंटी के पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था, पूरी लाइफ गरीबी में ही बीत गई उनकी। एक छोटे से घर में और छोटी सी नौकरी में दोनों अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अंकल आंटी के साथ ऐसा हो जाएगा। इतना कहकर ब्यूरो चीफ की आंखें भर आई और वो बिलख कर रो पड़े। लेकिन अगले ही पल उन्हें याद आया कि उन्हें नैना के सवाल का जवाब देना है, तो वो फिर से खुद को संभालते हुए बोलने लगे। वो दोनों बेहद गरीब लेकिन ईमानदार और सीधे लोग थे, भला उनकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो कोई उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था? 7 साल पहले मेरे अंकल घर से अपनी साइकिल बनवाने के लिए बाहर निकले थे। घर के ही कपड़ों में वो साइकिल ले के निकले और आंटी से बोलकर गए थे कि अभी आधे घंटे में वापस आ रहा, लेकिन आज तक नहीं लौटे, पीयूष ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। उस वक्त मैंने नई नई नौकरी ज्वाइन की थी, मैं कोई ब्यूरो चीफ के पद पर नहीं था, फिर भी मैंने अपने अंकल को ढूंढने में पूरी ताकत लगा दी थी। पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला। उस वक्त आंटी की भी हालत खराब हो गई थी, उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। अंकल के लापता होने के बाद दिन पर दिन आंटी की हालत खराब होने लगी। मैंने उन्हें अपने घर में चलने के लिए भी कहा था, खुद उन्हें लेने के लिए भी गया था, लेकिन आंटी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हुई। सब मेरी गलती है, पता नहीं क्यों मैं उस वक्त आंटी की बात मान गया। अगर मैं आंटी को साथ ले गया होता तो शायद आज वो मेरे साथ ही होती। सब मेरी गलती ही है। ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन टेबल पर अपना सिर नीचे रखकर बैठ गए। फिर मिताली सिन्हा ने उनके हाथ को पकड़ते हुए उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। फिर ब्यूरो चीफ साहब सिर उठाकर बैठे और आगे की कहानी बताने लगे। फिर 3 साल पहले की बात है, आंटी के पड़ोसियों ने बताया कि वो शाम को मार्केट सब्जी और घर का सामान लेने के लिए निकली थी, और फिर वहीं लास्ट बार था जब पड़ोसियों ने उन्हें देखा था। उस दिन के बाद से आज तक उनका भी कुछ सुराग नहीं मिला। जब मेरी सुनीता आंटी लापता हुई थी तब तो मैं पुलिस में टीम हेड बन चुका था, फिर भी मैं उन्हें नहीं ढूंढ सका। अब आज जाकर 3 साल बाद उनकी डेड बॉडी मुझे मिली है। हे भगवान, आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे अंकल आंटी से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, कोई उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता था। इतना कहकर ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन सोच में पड़ गए। कुछ पल तक सोचने के बाद वो अचानक ही नैना की तरफ देखकर बोल पड़े, नैना मेरी आंटी के सभी ऑर्गन्स तो सेफ है ना, कहीं कहीं ऑर्गन्स के चक्कर में तो किसी ने उन्हें मार नहीं दिया? हे भगवान, सुनीता आंटी की बॉडी बिल्कुल हेल्दी थी, उसका शरीर बिल्कुल ठीक था, कहीं किसी ने उनके ऑर्गन्स को बेचने के चक्कर में तो उन्हें नहीं मार डाला क्या? डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने आश्चर्य में पड़ते हुए कहा। ओह, पीयूष रंजन ने गहरी सांस छोड़ते हुए बोलना शुरू किया, क्यों नहीं हो सकता ये, आप लोग खुद बताइए, मेरी आंटी के कोई बच्चे तो थे नहीं, और ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, और ना ही किसी से कोई दुश्मनी, सो बदले की तो बात ही खत्म। तो फिर मर्डर के पीछे एक ही कारण बचता है, किसी के ऑर्गन्स निकालने के चक्कर में उन्हें मार डाला, और सुनीता आंटी की हेल्थ भी ठीक थी। नहीं सर,
अभी हम कुछ नहीं कह सकते, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। अभी उनकी मौत का कुछ कारण नहीं पता चला है और उनकी बॉडी का कोई पार्ट गायब नहीं है, नैना ने जवाब दिया। अच्छा, फिर तो पक्का किसी ने बदला लिया है। पक्का बदले के चक्कर में मेरी आंटी को मार डाला गया है। सर, एक बार आप पूरी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर कुछ कहिए। ऐसे बिना किसी ठोस सबूत के ओपिनियन देना ठीक नहीं है, मिताली सिन्हा ने पीयूष को समझाते हुए कहा। आप परेशान मत होइए, हम आपकी आंटी के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे और बेशक हम उनके कातिल को पकड़ कर दिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। प्लीज मिताली, प्लीज, मुझे तुम लोगों से बहुत उम्मीद है, तुम लोग जरूर मेरी आंटी के कातिल को खोज निकालोगे। इस वक्त ब्यूरो चीफ पीयूष काफी भावुक हो चुके थे, सही मायने में उनका दिमाग भी अभी बहुत अव्यवस्थित चल रहा था। मिताली के साथ ही नैना ने भी अपना सिर हिलाते हुए पीयूष रंजन को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ ही दोनों के हैरान होने की कोई सीमा नहीं थी। एक के बाद एक करके कुल तीन लोगों के गायब होने की खबर सुनकर वो दोनों सख्ते में आ गई थी। ऊपर से बैंक की रॉबरी, ऐसा लग रहा था कि ये बैंक रॉबरी इसीलिए हुई थी ताकि पुलिस का ध्यान गायब हुए इन तीनों लोगों पर जा सके, क्योंकि सच में जब से पुलिस को तीन तीन लोगों के लापता होने की खबर मिली है तब से तो उस रॉबरी के केस से पुलिस का ध्यान ही हट गया है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर तब सुनने में आई जब नैना और ब्यूरो चीफ मिताली पीयूष रंजन के ऑफिस से निकल कर बाहर आई। बाहर आते ही पता चला कि राघव गायब हुई लड़की सोमानी चक्रवर्ती के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हुआ है। राघव ने बताया कि सोमानी आज से 5 साल पहले गायब हुई थी और तब उसकी उम्र मात्र 30 साल ही थी। सोमानी के फादर की एक छोटी सी शॉप थी। सोमानी लापता होने वाले दिन सुबह ही घर से निकली थी। उसके घर वालों को लगा कि वो शॉप ओपन करने जा रही है, लेकिन उस दिन के बाद से उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। जिस तरह से सुनीता मेहता और उनके पति गायब हुए, ठीक वैसे ही सोमानी भी गायब हुई थी। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी पता चली थी कि सोमानी का जो पुराना घर था वो सुनीता मेहता के पुराने घर के पास में ही था। दरअसल ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन जब ज्वाइंट फैमिली हर कदम पर आप हमारा ध्यान रखते हैं, हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं। लो सर, इसी बात पे एक और ड्रिंक। अब सरताज ने बियर की एक पूरी बोतल ही विक्रांत की तरफ बढ़ा दी। विक्रांत भी अपने चेलों का दिल नहीं तोड़ सका, उसने भी आखिर तक सरताज और उसके गैंग का पूरा साथ दिया। वहां बैठकर पीते पीते रात के 11 बज गए और जब विक्रांत घर पहुंचा तब तक रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। विक्रांत अपने घर पहुंचकर बेड पर पड़ चुका था, जबकि पुलिस स्टेशन में विक्रांत के साथी अभी तक काम ही कर रहे थे। वो बिना थके बिना रुके काम में लगे थे। इस बैंक रॉबरी या सुनीता मेहता की डेड बॉडी के बारे में पता लगाने के लिए पूरी पुलिस टीम ईमानदारी से काम में लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि विक्रांत इस केस पर काम नहीं करना चाहता था या अपने क्लीग्स की मदद नहीं करना चाहता था। दरअसल इस वक्त विक्रांत का दिमाग ठीक तरीके से काम ही नहीं कर रहा था। वो चाहकर भी केस पर अपना माइंड फोकस नहीं कर पा रहा था। इस वजह से अभी वो केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था और इसका कारण भी विक्रांत को पता था। कारण था, उसको मिला कोडवर्ड पृथ्वी। बैंक रॉबरी या लॉकर रूम में रखे पैसे, इन सब की विक्रांत को रत्ती भर फिक्र नहीं थी। उसको टेंशन सिर्फ एक ही चीज की थी कि कहीं उसे और उसके दोस्तों को मंजू सचदेवा के मर्डर केस में ना फंसा दिया जाए, और उसका यह डर कोई नाजायज नहीं था। जो कुछ भी उसके और रॉ एजेंट रंजीत मेहरा के बीच हुआ था वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। विक्रांत को शक था कि हो सकता है कि कोई उसके और नैना के खिलाफ साजिश करते हुए उसे मंजू सचदेवा के मर्डर केस का मुजरिम साबित करने की कोशिश कर सकता है। अगले दिन दोपहर में 12:10 पर आखिर विक्रांत को अदृश्य शक्ति का टास्क खत्म होने का मैसेज मिला। इस मैसेज से पता चला कि उसका सक्सेस रेट 76% है और अवार्ड के तौर पर उसे एक नाइट विजन मिला था। इसकी मदद से विक्रांत रात के घनघोर अंधेरे में भी आसानी से देख सकता था। इस टास्क के खत्म होने पर विक्रांत ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि अब पृथ्वी कोडवर्ड का असर खत्म हो चुका था और विक्रांत को साफ समझ आ गया था कि इस बार उस अशुभ कोडवर्ड का मतलब सिर्फ बैंक रॉबरी से ही था। उधर ऑफिस में अभी भी सब बिना थके और बिना रुके बैंक रॉबरी और सुनीता मेहता की डेड बॉडी के बारे में पता लगाने में जुटे हुए थे। फॉरेंसिक टीम वाले भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे। अभी भी विक्रांत खुद को थका हुआ और परेशान ही महसूस कर रहा था।
आज भी वो काम करने के लिए नहीं गया, बल्कि उसने अपना तनाव कम करने के लिए फिर से अपने गली छाप दोस्त सरताज और उसकी गैंग के साथ मिलकर जम के पार्टी की। इस रात विक्रांत ने तब तक शराब पी जब तक कि उसकी सारी थकान मिट नहीं गई। अगले दिन विक्रांत सुबह जल्दी उठा। सुबह उठकर वो काफी एनर्जेटिक फील कर रहा था। सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गया। उसके बाद उसने अपनी एक सिगरेट निकाली और उसे जला दिया। आज विक्रांत काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। मन ही मन वो सोच रहा था कि आज तो इन बैंक के लुटेरों का कुछ ना कुछ हिसाब किताब जरूर ही कर दूंगा। सिगरेट जलाते विक्रांत को जोर की खांसी आई और फिर उसका अदृश्य शक्ति का सिस्टम एक्टिवेट हो गया। लेकिन आज जो कोडवर्ड मिला उसे सुनकर तो विक्रांत के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो उसका सारा कॉन्फिडेंस उड़ गया। अदृश्य शक्ति ने विक्रांत को बताया कि आज उसका कोडवर्ड है पृथ्वी और पानी। अब कौन सी नई बला आने वाली है, विक्रांत मन ही मन सोचने लगा। उसके चेहरे पर खौफ का माहौल देखा जा सकता था। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हो या प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए? फिर से मुझे ये पृथ्वी कोडवर्ड क्यों दिया? विक्रांत मन ही मन अदृश्य शक्ति से बात कर रहा था। विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा जितने भी कोडवर्ड दिए जाते थे उसमें सबसे ज्यादा डर विक्रांत को पृथ्वी से लगता था, क्योंकि जितनी बार भी ये कोडवर्ड उसे मिलता था उतनी बार कोई ना कोई बड़ी अनहोनी होती थी। और उस बार तो उसे लगातार दो बार पृथ्वी कोडवर्ड मिला है। जरूर कोई ना कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है, किसी न किसी की जान ही जाती है। इस वजह से विक्रांत इस कोडवर्ड से काफी डरा हुआ था। आज तो उसे पृथ्वी के साथ ही पानी भी मिला हुआ था। पानी का अर्थ लड़की से था, इसलिए विक्रांत को डर था। और उस वक्त विक्रांत का ज्यादातर वक्त नैना के साथ ही बीतता है, तो पानी का मतलब उससे ही था। लेकिन डर इस बात का था कि कहीं नैना के साथ ही कोई अनहोनी ना हो जाए। विक्रांत का दिमाग बहुत असमंजस की स्थिति में था, लेकिन अब उसे काम तो करना ही था। आखिर कितने दिन किसी डर और असमंजस की वजह से काम से दूर रहा जा सकता था? तो वो उठा और पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सीधे ही डीएन नगर पुलिस ब्रांच पहुंच गया। हालांकि विक्रांत के फोन पर केस से रिलेटेड सारी अपडेट आ चुकी थी, लेकिन विक्रांत ने उस अपडेट की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि अभी तक बैंक के लुटेरों को अरेस्ट नहीं किया जा सका था। वो सीधी सी बात है कि कैसे भी करके उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाना है, इसलिए विक्रांत ने केस की अपडेट मैसेज में पढ़ने के बजाय अपने दोस्तों से अपडेट लेना ज्यादा बेहतर समझा। विक्रांत अभी वो ऑफिस के भीतर ही दाखिल हुआ था कि किसी के चिल्लाने की आवाज आई। नैना, ये सब क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन के चिल्लाने की आवाज थी। नैना ठीक उनके सामने खड़ी थी। ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन अपना हाथ झटकते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इस वक्त ऑफिस में सभी की नजरें नीचे झुकी हुई थी और सब उनकी डांट सुन रहे थे। नैना कुल 5 लुटेरे थे बैंक में रॉबरी डालने के लिए। वो आराम से लूटपाट करके चले भी गए और पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। क्या कर रही हो तुम और तुम्हारी टीम? केस को हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सर, हम काम तो कर ही रहे हैं, यहाँ तक कि रात भर पूरी टीम केस पर काम करती रही, कोई घर भी नहीं गया। बहुत जल्द हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे, नैना ने सफाई देते हुए कहा। घर नहीं गए? कमाल है, यहाँ इतना बड़ा केस हुआ है और तुम्हें घर ना जा पाने का मलाल है। तुम्हारे काम करने का कुछ वसूल है या नहीं? यहाँ मेरी आंटी की डेड बॉडी मिली है, उसके बावजूद मैं यहाँ खड़े होकर काम कर रहा हूँ। मुझसे ज्यादा दुख यहाँ इस वक्त किसी के पास नहीं है, और तुम लोगों को घर नहीं जाने की तकलीफ है? ब्यूरो चीफ रंजन और ज्यादा भड़क उठे। सर, हम कोशिश कर रहे हैं, कोई आराम नहीं कर रहा है, यहाँ सब लगातार काम में ही लगे हुए हैं। नैना का भी पारा अब चढ़ने लगा था। देखो नैना ग्रेवाल, यहाँ मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हें लास्ट एक दिन की मोहलत दे रहा हूँ। एक दिन के भीतर तुम लोग बैंक के लुटेरों को कैसे भी करके अरेस्ट करो, मुझे कुछ नहीं पता अब, वरना ये केस दूसरों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मेरे ऊपर भी हेडक्वार्टर से प्रेशर है, समझे? ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन को इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर विक्रांत के दिमाग में एक खुराफात सूझी। धीरे से वो ऑफिस की पेंट्री में गया। वहां से उसने एक कांच का गिलास अपने हाथ में उठा लिया और फिर इसे लेकर चुपके से ब्यूरो चीफ साहब के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसे ऐसा करते देख बाकी सभी इन्वेस्टिगेटर्स देख रहे थे। सबको पता था कि विक्रांत अब कुछ न कुछ खिलवाड़ जरूर करने जा रहा है। ब्यूरो चीफ साहब के ठीक पीछे जाकर विक्रांत ने एक गिलास जमीन पर गिरा दिया। गिलास टूट गया और कांच चारों तरफ बिखर गया। गिलास टूटने की आवाज सुनकर विक्रांत जानबूझकर ब्यूरो चीफ साहब के ऊपर कूद पड़ा। उनके पैर का बैलेंस बिगड़ उठा और विक्रांत समेत वो जमीन पर आ गिरे। गनीमत ये रही कि उनका हाथ किसी टूटे हुए कांच पर नहीं पड़ा, वरना कोई बड़ा हादसा हो जाता। सॉरी सर, आई एम सॉरी। जमीन पर गिरते विक्रांत ने सॉरी की झड़ी लगा दी।
उधर सामने खड़ी नैना समेत अन्य सभी इन्वेस्टिगेटर्स के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो सभी विक्रांत का ड्रामा देखकर खुद की हंसी नहीं रोक पा रहे थे। ये क्या बदतमीजी है, तुम बेवकूफ हो क्या, हद है। ब्यूरो चीफ साहब किसी तरह खुद को संभालते हुए उठ खड़े हुए। उन्होंने विक्रांत को खुद से दूर धकेलते हुए कहा। लेकिन विक्रांत का ड्रामा अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो तुरंत ही नीचे बैठकर जमीन पर बिखरा कांच हटाने लगा। उसने अपने हाथ से एक झाड़ू उठा ली और फिर जोर जोर से ब्यूरो चीफ साहब के पैर के पास झाड़ू पटकने लगा, जिससे कमरे में फैली धूल उड़कर ब्यूरो चीफ साहब के मुंह तक आने लगी। अरे रे रे रे, पागल हो गया क्या, चिढ़कर ब्यूरो चीफ वहां से चले गए। अरे सॉरी सॉरी सर, सॉरी अगेन, विक्रांत ने मुस्कान लिए हुए कहा। ब्यूरो चीफ के जाते ही यहाँ मौजूद सभी इन्वेस्टिगेटर्स हंसने लगे। विक्रांत सच में किसी कार्टून करेक्टर से कम नहीं था। तब जाकर अपने अपने काम में लग गए। खुद नैना भी अपने केबिन में चली गई। विक्रांत जाकर नैना के केबिन में उसके सामने चेयर पर बैठ गया। चेयर पर बैठते ही उसने नैना की तरफ इशारा करते हुए कहा, हेलो हेलो मैडम, कुछ प्रोग्रेस हुई? विक्रांत, अब तुम मेरे अंडर काम कर रहे हो, तुम्हें सब कुछ मुझे रिपोर्ट करना है। कल रात तुम कहाँ थे? जब पूरी टीम यहाँ काम कर रही थी तब तुम कहाँ मस्ती कर रहे थे? अब तुम प्रोग्रेस क्यों पूछ रहे हो? नैना ने एक सांस में ही विक्रांत पर अपनी भड़ास निकाल दी। अच्छा बस बस ठीक है, वो कल मैं तुम्हारे साथ नदी में गिर गया था ना, तो मुझे थोड़ी सर्दी हो गई थी, तो मैं डॉक्टर को दिखाने गया था। विक्रांत को झूठ बोलने के लिए कुछ सोचना समझना नहीं पड़ता है। फालतू बकवास बंद करो तुम। तुम कल डॉक्टर को दिखा रहे थे या बैठकर शराब पी रहे थे? नैना भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, उसे बेवकूफ बनाना आसान काम नहीं था। ओह, तुम बैंक के लुटेरों को पकड़ने के बजाय मेरा पीछा कर रही हो क्या? नैना, यूं छुप छुप कर पीछा करना ठीक नहीं है। तुम सबके सामने कह क्यों नहीं देती कि तुम्हें मुझसे बेइंतहा प्यार है? बहसबाजी में विक्रांत से कोई नहीं जीत सकता। ओहो, विक्रांत की बात सुनकर वहां मौजूद दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स जोर जोर से हंस पड़े। विक्रांत की बेशर्मी पर सबको हंसी आ रही थी। नैना को भी अब तक विक्रांत का बक बक सुनने की आदत पड़ चुकी थी, तो उसे अब विक्रांत की किसी बात पर गुस्सा नहीं आता था, वो नॉर्मल ही रहती थी। बिल्कुल नहीं, मुझे बस डर था कि कहीं कोई तुम्हारा मर्डर ना कर दे, इसलिए मैं तुम पर नजर रख रही थी, समझे तुम? नैना ने भी काउंटर कर दिया। विक्रांत बात को आगे बढ़ाना चाहता था, वो कुछ बोलने के लिए चला, लेकिन तभी नैना ने उसे मिडिल फिंगर दिखा दिया और खुद बगल में बैठे देव की तरफ मुड़ गई। देव, तुमने बैंक के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, कुछ मिला उसमें? यस मैम, देव ने तुरंत जवाब दिया। सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए मैंने कुल 65 सस्पेक्ट्स को मार्क किया है। ये रही उन सभी की फोटो। देव ने नैना के आगे फोटोज से भरी हुई एक फाइल पकड़ा दी। मैम, अब मैं एक एक करके सभी से पूछताछ करूंगा, अभी सिर्फ एक साइड की फुटेज निकालने से काम नहीं चलेगा। तुम बैंक वालों से बात करके पूरे बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकालो और सबको चेक करो। मुझे एक एक डिटेल चाहिए, कौन आया, क्यों आया और कब आया, सब कुछ ला के दो मुझे, नैना ने ऑर्डर दिया। ओके मैम, देव फिर से काम में लग गया। नैना, ये तो कोई बूढ़ी आंटी लग रही है, कुछ घरेलू सामान लिया हुआ है बैग में, ये भी तुम्हें संदिग्ध लग रही है क्या? विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए नैना से सवाल किया। अरे कुछ भी हो सकता है, मैं एक भी डिटेल नहीं मिस करना चाहती। आजकल चोर लुटेरे भी बहुत चालाक और एडवांस हो गए हैं, क्या पता कोई रूप बदल कर आया रहा है, नैना ने जवाब दिया। ओ सही बात है, पुलिस एडवांस हो रही है तो चोर लुटेरे भी तो होंगे ही ना, विक्रांत मनी मन सोचने लगा। तभी वहां अमित पहुंचा। उसने नैना को बताया कि फॉरेंसिक टीम ने उनके लिए एक मैसेज भेजा है। फॉरेंसिक टीम वालों ने बताया कि वैन से जो लुटेरों के कपड़े मिले थे वो काफी संदिग्ध लग रहे हैं, जूते और कपड़ों के साइज में काफी अंतर लग रहा है। मतलब? नैना ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया। मतलब मैम ये है कि लुटेरों ने बैंक में लूटपाट करने से पहले अपनी बॉडी के आकार और साइज को छुपाने की कोशिश की है, वो अपने एक्चुअल रूप में नहीं थे, इस वजह से उन्होंने खास तरह के कपड़े भी पहने हुए थे, अमित ने नैना को एक्सप्लेन किया। और इसका मतलब ये भी हुआ कि सीसीटीवी फुटेज में जो भी वीडियो नजर आ रही है उसमें लुटेरों का असली रूप नहीं दिख रहा है, नैना ने अपना शक जाहिर किया है। ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी इन्वेस्टिगेटर्स शॉक्ड रह गए। आखिर इतना दिमाग कोई कैसे लगा सकता है? वाह कमाल है, विक्रांत भी चौंक उठा, इतना दिमाग होता है इनके पास, तो किसी अच्छे काम में लगाएं, उस देश का भी भला हो। अच्छा डीएनए का क्या हुआ, चेक किया तुमने? नैना ने अमित से पूछा। यस मैम, जो फेस मास्क पर उसके निशान मिले थे उससे मैंने डीएनए रिपोर्ट भी निकलवा ली है, लेकिन उनका डीएनए कहीं से मैच नहीं कर रहा है। पुलिस रिकॉर्ड में जितने भी इस तरह के अपराधी हैं मैंने सबसे मैच करवाने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला।
अब इनका डीएनए रिपोर्ट भी मैंने रिकॉर्ड में डाल दिया है। अब आगे कभी कुछ होता है तो फिर पकड़ में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू अमित, नैना ने कहा। अच्छा, तुम्हें आगे जो भी अपडेट मिलती रहे तुरंत मुझे बताते रहना। ओके मैम, श्योर। इतना कहकर अमित ने नैना को सैल्यूट किया और वो वहां से चला गया। विक्रांत भले ही अभी तक पृथ्वी वाले कोडवर्ड से भयभीत था, लेकिन अब उसका दिमाग थोड़ा बहुत कुछ चलने लगा था। उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा, एक बात बताओ नैना, ये लुटेरे बैंक से क्या लूट कर गए हैं, कुछ पता चला? नैना ने हल्की सांस छोड़ी, लेकिन उसने विक्रांत के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बगल में बैठी सुनीधि बोल पड़ी, मुझे तो ये बैंक का लॉकर रूम का सिस्टम ही फर्जी लग रहा है। बैंक के पास कोई वेरीफाइड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ही नहीं है। जब बैंक ने लॉकर में से सामान गायब होने की बात कहते हुए सभी को बैंक बुलाकर अपने सामान की जानकारी देने के लिए कहा, तो कोई बैंक पहुंचा ही नहीं। बामुश्किल एक दो लोग ही बैंक पहुंचे और उन्होंने अपने रखे सामान की जानकारी दी। क्या ऐसा हुआ, कोई अपना सामान लेने पहुंचा क्यों नहीं? विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए सवाल किया। पता नहीं, सुनिधि ने कहा। इसका मतलब ये हो सकता है कि सभी ने कोई ना कोई इलीगल सामान रखा हुआ था। हो सकता है कि लॉकर रूम का इस्तेमाल गैर कानूनी धंधे के लिए किया जा रहा हो। हे भगवान, ये लॉकर रूम भी ना जाने कितने राज समेटे हुआ है, विक्रांत ने हैरान होते हुए कहा। अच्छा विक्रांत, एक बात बताओ, नैना ने चेहरे पर मिस्टीरियस सी मुस्कान लिए हुए सवाल किया, ये मिस्टर मलिक को तो तुम अच्छे से जानते हो ना, ये कैसे आदमी लगते हैं? कैसे आदमी मतलब? विक्रांत कंफ्यूज था, लेकिन अगले ही पल उसे नैना की बात का इशारा समझ आ गया। ओ, तो तुम्हारा मतलब ये हो सकता है कि बैंक के उच्च अधिकारियों ने ही ये लूट करवाई है? नहीं, हम इस बात को पूरी तरह से नकार नहीं सकते, नैना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लुटेरों को बैंक के बारे में सब कुछ कैसे पता चल सकता है? कब बैंक में सबसे कम लोग होते हैं, बैंक का पावर रूम कहाँ है, सिक्योरिटी बॉक्स को इतनी आसानी से खोलना, ये सब किसी आम आदमी का काम नहीं है। आखिर इतनी सटीक जानकारी और परफेक्ट टाइमिंग कोई भला कैसे कर सकता है? और हमें भी ये पता चला है कि सुनिधि ने भी नैना की बातों से सहमति जताते हुए कहा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्राइवेट बैंक है और उनका जो डीएन नगर ब्रांच में लॉकर है सबसे बड़ा लॉकर है। पिछले कुछ दिनों से बैंक बहुत लॉस में भी चल रहा है। अच्छा, और फिर इसी लॉस से बचने के लिए बैंक के सीईओ और उसके टॉकर्स ने मिलकर खुद ही वहां पर डकैती डलवा दी। वाह, विक्रांत ने हंसते हुए कहा, ये स्टोरी तुम लोग ले जाकर बॉलीवुड वालों को दे दो, अच्छी फिल्म बना देंगे। अरे विक्रांत, तुम समझने की तो कोशिश करो, नैना ने विक्रांत के उत्तर को इग्नोर करते हुए कहा। कुछ भी हो सकता है, देखो बैंक के मालिकों को ये बात अच्छे से पता थी कि शहर के अमीर लोगों ने लॉकर रूम में अपने इलीगल पैसे छुपा रखे हैं, और अगर ये गायब भी हो जाते हैं तो भी कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता। इसीलिए हो सकता है उन्होंने अपनी ही बैंक में रॉबरी करवाने का प्लान बनाया हो। हाँ, और सुनिधि ने नैना की बातों का समर्थन करते हुए कहा, और जहाँ तक मुझे लगता है कि बैंक के लॉकर रूम में कई टन सोना रखा रहा होगा। इतने पैसों से बैंक आसानी से दिवालिया घोषित होने से बच सकता है, और सबसे बड़ी बात, इन पैसों पर कोई अपना हक नहीं जता सकता था। विक्रांत अभी भी अपना सिर असहमति में ही हिला रहा था। विक्रांत, तुम जबरदस्ती किसी बात से इनकार नहीं कर सकते, नैना ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। देखो विक्रांत, सब तुम्हारी तरह नहीं है, जैसे तुमने कुछ टाइम के लिए अपना पैसा बैंक में रखा था वैसे सभी ने ही नहीं रखा था। लॉकर रूम में पैसे रखने का सबका मकसद अलग अलग है। जिन लोगों ने लॉकर रूम में अपना सामान रखा है, क्या इनके पास पैसे की कमी है? ये सभी शहर के अमीर और बड़े बिजनेसमैन हैं। ये अगर चाहें तो अपने घर में ही हाई सिक्योरिटी बॉक्स बनवा के उसमें अपना पैसा रख सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बैंक का लॉकर रूम चुना, पता है क्यों? हाँ, मुझे अच्छे से पता है, विक्रांत ने तुरंत ही जवाब दिया। इसलिए लॉकर रूम में रखा ताकि किसी को उनकी काली कमाई पर शक ना हो और इनकम टैक्स वालों की नज़र से बचे रहें। लॉकर रूम में किसी के भी नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया, अपना सामान रखा और बैंक से पासवर्ड और चाबी लिया, बात खत्म, कभी किसी को कोई शक नहीं। लेकिन तुम लोग मुझे जरा ये बताओ, विक्रांत ने अपने बोलने का टोन बदलते हुए कहा, आखिर बैंक के जो सीनियर अधिकारी हैं ये काम क्यों करेंगे? क्या उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? क्योंकि अगर वो पकड़ लिए गए तो फिर वे तो जेल जाएंगे, साथ में बैंक भी खत्म, किसी भी हालत में बैंक दोबारा शुरू नहीं हो सकता। और अगर वो ना पकड़े गए तो? नैना ने तुरंत ही विक्रांत की बात काटते हुए कहा, अगर उन्होंने अपने हिसाब से पूरी सावधानी रखते हुए ये रॉबरी प्लान की है तो उन्हें बैंक की सारी डिटेल पता थी और फिर उन्होंने सब कुछ बहुत चालाकी से प्लान करने की कोशिश की हो तो? अगर ऐसा है तो मैं अभी बैंक जाता हूँ, विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं मेरे होते हुए ये बैंक के लुटेरे किसी भी हालत में बचकर नहीं जा सकते, मैं अभी बैंक जा रहा हूँ और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूँ।
विक्रांत तुम हमें बेवकूफ मत बनाओ, नैना तुरंत ही बोल पड़ी। तुम बैंक कुछ इन्वेस्टिगेट करने नहीं जा रहे हो, तुम इसलिए जा रहे हो ताकि तुम अपना पैसा वहां से निकाल सको। नैना नैना नैना, तुम मेरे बारे में सब कुछ कैसे जान लेती हो, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं भला क्या करने वाला हूँ। ओह, अचानक ही सुनिधि चिल्ला पड़ी, रुको रुको। विक्रांत उठकर यहाँ से जाने वाला था लेकिन सुनिधि की आवाज सुनकर वहीं रुक गया। तभी उसकी नजर सामने पड़े व्हाइट बोर्ड पर गई। व्हाइट बोर्ड पर लिखे गए नाम की तरफ देखते हुए विक्रांत ने हैरानी से कहा, ओह अब ये ऋषि रंजन मेहता कौन है? ये सुनीता मेहता के पति का नाम है, ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन के 5th नंबर के अंकल, वो भी लापता है पिछले 7 सालों से, नैना ने बताया। क्या ये भी गायब? सब गायब ही हो रहे हैं क्या? चल क्या रहा है? विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया, फिर नैना ने उसे सारी सिचुएशन डिटेल में बताई। पूरी बात सुनने के बाद विक्रांत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये तीनों गायब हैं और सुनीता मेहता की डेथ हो चुकी है, तो पक्का है कि बाकी के दोनों की भी डेथ हो गई हो। नहीं, बिना एविडेंस के ऐसा कुछ नहीं कह सकते, सुनिधि ने जवाब दिया। ये तीनों अलग अलग टाइम पर और अलग अलग सिचुएशन पर गायब हुए हैं, तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है। हाँ, सुनिधि सही कह रही है, नैना ने कहा। अभी के लिए हम बस इतना निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सुनीता मेहता की डेथ हो चुकी है और बाकी के दो लोगों के बारे में हमें कुछ पता नहीं। तभी वहां मौजूद जतिन बोल उठा, समझ नहीं आ रहा है कि कोई इतनी एजेड औरत का इतनी बेरहमी से मर्डर क्यों करेगा। बेचारी 72 साल की थी, उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है, और उसके पास तो पैसा भी नहीं था। ये मुझे ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला लगता है, पक्का किसी ने उनकी बॉडी पार्ट्स निकाल कर बेच दिए होंगे, विक्रांत ने शक जाहिर किया। चुप करो विक्रांत, बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है और कोई भी बॉडी पार्ट गायब नहीं हुआ था, नैना ने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर वो पक्का बीमारी से मरी होंगी और किसी ने ये बात छुपाने के लिए ही उनकी डेड बॉडी लाकर लॉकर रूम में छिपा दिया होगा। यस, पकड़ लिया मैंने, विक्रांत ने फिर से अपना दिमाग चलाया। अरे सर, क्या बोल रहे हैं आप? सुनिधि ने फिर से अपना माथा पकड़ लिया। अगर उन्हें डेड बॉडी छुपानी ही थी तो लॉकर रूम के लिए पैसा क्यों खर्च करेंगे? वो सीधे से जाकर कहीं गड्ढा खोदकर वहां नहीं डेड बॉडी छुपा देंगे? जिंदगी भर की टेंशन खत्म। हाँ, नैना ने सुनिधि की बातों से सहमति जताते हुए कहा, और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने भी ये कन्फर्म किया है कि सुनीता मेहता की मौत भूख के चलते हुई है। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, काफी दिनों तक उन्हें खाना नहीं मिला, इस वजह से उसकी जान चली गई। ओह, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, इतनी बूढ़ी औरत को भूख से मार डाला। ओह, अब समझ में आया, ये पक्का किसी साइको किलर का काम है, वही ऐसी हरकत कर सकता है, वरना कोई आम आदमी किसी को वैक्यूम पॉलिथीन में पैक करके क्यों मारेगा। सच में ये साइको किलर का ही काम है, विक्रांत ने कहा। अब तो सुनिधि और नैना ने अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन विक्रांत ने उस तरफ कतई ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत ही सवाल किया, और हाँ, तुम लोगों ने बैंक के क्लर्क से बात की जिसने वो लॉकर अलॉट किया था? हाँ, उससे बात हो गई है, उसे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि लॉकर लेने वाला मेल था या फीमेल, ये भी नहीं पता उसे, सुनिधि ने जवाब दिया। ओह, क्यों? विक्रांत ने हैरान होते हुए कहा। फिर सुनिधि ने उसे सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया। अधिकतर जो भी लोग बैंक में लॉकर अलॉट करवाने के लिए आते हैं वो फर्जी डिटेल देकर चले जाते हैं, कई बार तो नाम पता सब गलत होता है, और बैंक को भी इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें बस पैसे से मतलब होता है, फिर कोई भी आए और लॉकर में अपना सामान रख कर चला जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं। अब जो लोग लॉकर रूम अलॉट करवाते हैं वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है, उसमें कई सरकारी कर्मचारी से लेकर सेलिब्रिटी तक शामिल हैं, सभी अपनी ब्लैक मनी इसी लॉकर में रखते हैं और सब फेक नाम से हैं, यहाँ तक कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर बैंक आते हैं। कोई कोर्ट से मुंह ढककर आता है तो कोई मुंह पर रुमाल बांध लेता है। मजे की बात यह है कि बैंक भी किसी की आइडेंटिटी वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करता है। बैंक में काम करने वाले कुछ वर्कर को उस लॉकर के मालिक का थोड़ा बहुत हुलिया याद है जिसके नाम से सुनीता मेहता वाला लॉकर अलॉट था। बैंक वालों ने बस इतना बताया कि वो आदमी बड़ा सा ओवरकोट पहनकर आया हुआ था और उसने हाथ में काफ़ी भारी सूटकेस ले रखा था, इसके अलावा कोई कुछ नहीं बता सका। अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ था कि सुनीता मेहता की डेड बॉडी लॉकर रूम में रखने वाला मेल था या फीमेल। फिर नैना बोल उठी, अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा यही मानना है कि सुनीता मेहता का मर्डर और बैंक रॉबरी ये दोनों अलग अलग केस हैं।
इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अरे हाँ, रॉबरी केस का क्या हुआ, कुछ पता चला, विक्रांत ने पूछा। ज्यादा कुछ खास नहीं, नैना ने तुरंत ही जवाब दिया। रॉबरी केस के इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी उसी की थी तो उसे इस बारे में अच्छी जानकारी थी। उसने विक्रांत को बताया कि वो लुटेरे बहुत शातिर हैं, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। यहाँ तक मैंने डीएनए टेस्ट भी करवा लिया है, फिर भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है, उसमें भी कोई प्रॉपर डिटेल नहीं मिल पा रही है। हालांकि अभी भी हम लोग रेंज बढ़ाते हुए बैंक के आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे हैं। विक्रांत, ना जाने क्यों मुझे तो यही लग रहा है कि बैंक के हायर अथॉरिटीज ने ही मिलकर ये रॉबरी प्लान की है। जरूर इसमें किसी न किसी बैंक के ही अधिकारी का हाथ है, तुम्हें अब यही पता लगाना है। तुम अभी बैंक निकलो और इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दो। हाँ, मैं अब बैंक ही जा रहा हूँ, इतना कहकर विक्रांत उठ खड़ा हुआ। अभी वो दो कदम ही चला था कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसने पीछे मुड़कर नैना की तरफ देखते हुए कहा, नैना तुम आज कहीं बाहर मत निकलना, ऑफिस में रहकर ही काम करना, अगर कुछ बाहर का काम हो तो मुझे बोल देना। दरअसल विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए कोड वर्ड पृथ्वी की याद आ गई। विक्रांत को डर लग रहा था कि कहीं मंजू मैडम की तरह नैना के साथ भी कुछ अनहोनी ना हो जाए, लेकिन नैना पर विक्रांत की बातों का कोई असर नहीं हुआ। विक्रांत, तुम बैंक से लौटते वक्त किसी मेंटल डॉक्टर से मिलते हुए आना, तुम्हें इलाज की जरूरत है। पता नहीं क्या हो गया है इसे, दो तीन दिन से अजीब ही बिहेव कर रहा है। किसी को प्रेग्नेंट कर दिया है क्या तुमने? हाँ हाँ, तुम्हें ही तो किया है, पता नहीं है क्या तुम्हें? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कहीं बाहर मत निकलना, विक्रांत ने तपाक से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सुनिधि भी खिज्जी करके हंसने लगी। फिर विक्रांत ने थोड़ा सीरियस होते हुए नैना को उंगली से इशारा करते हुए कहा, नैना मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम आज ऑफिस से बाहर जाना थोड़ा अवॉइड करना। विक्रांत, पता है तुम्हें? नैना ने चिढ़ते हुए कहा, अगर मैं रात भर जगी ना होती और मेरी बॉडी में थोड़ी एनर्जी होती तो अब तक मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक चुकी होती। ओके, मैं जाता हूँ, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था, अगर बाहर गई तो तुम्हें ही प्रॉब्लम हो सकती है। इतना कहकर विक्रांत वहां से बाहर निकल गया। नैना ने पीछे से ही चिल्लाते हुए कहा, तुम अपनी प्रॉब्लम संभालो, मेरी चिंता छोड़ दो। सुनिधि ने भी अपना सिर पकड़ लिया, विक्रांत सर भी ना, सर प्लीज अपना पासवर्ड बताइए और चाबी निकाल लीजिए। बैंक में काम करने वाली एक लेडी असिस्टेंट ने विक्रांत से कहा। विक्रांत यहाँ पर अपना लॉकर खुलवाने के लिए आया हुआ था। थोड़ी देर जांच करने के बाद लेडी असिस्टेंट विक्रांत के लॉकर को खोल दिया। ओके सर, आप प्लीज अपना सामान दो बार चेक कर लीजिए, लेडीज अटेंडेंट ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए हुए कहा। सर, आपको जो भी परेशानी झेलनी पड़ी उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसके लिए आपके चार्ज को डबल करके हरजाने के तौर पर वापस कर रहा है। विक्रांत ने तुरंत अपना बैग खोलकर उसमें रखे पैसे चेक किए, पैसे पूरे सही सलामत थे। उसने जितने पैसे रखे थे उतने के उतने पड़े हुए थे, किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं था। विक्रांत ने सोच लिया है कि अब जल्द से जल्द इन पुराने नोटों को अच्छे दाम पर बेचकर भुना लूंगा, अब तो बैंक के लॉकर में भी ये पैसे सेफ नहीं है। सुरंग के भीतर जाकर उसे ये पैसे मिले थे, फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी में गए, फिर मिस्टर मलिक ने अपनी खुशी से विक्रांत को ये पैसे वापस कर दिए। उसके बाद फिर बैंक से लॉकर रूम में चोरी के हाथ में आने के बाद भी बच गए। अब इतना रिस्क झेलने के बाद विक्रांत पैसों को लेकर रिस्क नहीं ले सकता था, जल्द से जल्द इसका चला भला करना ही होगा। विक्रांत ने अपने पूरे नोट गिने, सब कुछ सही सलामत था, उसने जितना गिना था उतना ही था। अटेंडेंट ने विक्रांत को एक पेपर साइन करने के लिए दिया, इसमें उसे अपनी पूरी पर्सनल डिटेल और एड्रेस भर के साइन करना था। विक्रांत को याद आया कि जब वो ये लॉकर रूम को अलॉट करवाने के लिए आया था तब बैंक वालों ने इतना डिटेल नहीं मांगा था, तब तो उसे बस ये बताया गया था कि आप अपनी चाबी और पासवर्ड संभाल के रखिए और बैंक का चार्ज टाइम पर देना मत भूलिए। विक्रांत ने अपनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन पेपर पर लिख दिया। अभी वो पेपर पर साइन करने जा ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बैंक की लेडी अटेंडेंट की तरफ परेशान होने की एक्टिंग करते हुए कहा, इसमें मेरे 1 करोड़ के हीरे थे। वो कहाँ हैं? हीरे गायब हैं इसमें से। क्या सर, क्यों मजाक कर रहे हैं? अभी तो आप बोल रहे थे कि इसमें ओल्ड करेंसी है और चुप करो, इसमें 1 करोड़ के हीरे थे। वो हीरे भी इसी बैग के अंदर वाले खाने में रखा हुआ था। वो हीरे मैंने साउथ अफ्रीका से मंगवाए थे। कहाँ गए? ये सुनकर बैंक के अटेंडेंट के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके पसीने छूटने शुरू हुए। विक्रांत उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया था। तभी वहां पर एक लगभग 40 वर्ष की औरत वॉक करते हुए पहुंच गई। वो बैंक की सुपरवाइजर लग रही थी। उसने विक्रांत को चिल्लाते हुए देखा तो तुरंत उसके पास आकर बोली, शांत हो जाइए सर, प्लीज शांत हो जाइए,
मुझे बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। विक्रांत ने अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए कहा, मैडम ये मेरा बैग है, इसमें मैंने पुरानी करेंसी के साथ ही 6 कैरेट के डायमंड भी रखे हुए थे जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है। अभी मेरा डायमंड मिल नहीं रहा, बैंक वालों ने मेरा डायमंड गायब कर दिया है। सर आप परेशान मत होइए, शांत हो जाइए, आपका सामान कहीं नहीं जाएगा। अगर आपका कोई भी सामान बैंक की गलती से गायब हुआ तो फिर बैंक उसका पूरा हर्जाना भरेगी। अभी पुलिस चोरों को पकड़ने में लगी हुई है, जैसे ही सारे चोर पकड़ लिए जाएंगे तब बैंक खुद एक एक करके अपने सभी कस्टमर्स को बुलाएगी और जिनका जो भी सामान गायब हुआ है उसे वेरीफाई करके वापस कर देगी। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उस डायमंड के अकॉर्डिंग हुई और आपका क्लेम लीगल हुआ तो डेफिनेटली बैंक आपका एक एक पाई भुगतान करेगा, लेकिन अगर आप झूठा क्लेम करते हुए पाए गए तो फिर उसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ओ वाह, सही सिस्टम है, विक्रांत ने मन ही मन सोचा। बैंक के काम करने के तरीके से विक्रांत काफी इम्प्रेस हुआ। मतलब अब कोई जबरदस्ती आकर अनाप शनाप क्लेम करके बैंक को ठग नहीं सकता, बैंक ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। अब अगर कोई आकर कुछ क्लेम करेगा तो सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर इनकम टैक्स वाले भी भागते चले आएंगे, सवाल करेंगे कि आखिर आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से। इन सब चक्रों में पड़ने से अच्छा है कि जो गया उसे संतोष करके बैठ जाओ। क्या सच में बैंक के भीतर ही कोई चोर छुपा हुआ है, विक्रांत ने मन ही मन आश्चर्य जताते हुए सोचा। लेकिन विक्रांत का खुराफाती दिमाग अभी शांत नहीं हुआ था, उसका एक प्लान फेल हो गया था तो उसने तुरंत दूसरा पासा भी फेंक दिया। उसने लेडी सुपरवाइजर की तरफ ध्यान से देखा। मैडम मैं ये कह रहा था कि अगर मेरा डायमंड नहीं चोरी हुआ है तो भी मेरा लॉकर ओपन तो हुआ है, इसका हर्जाना कौन भरेगा। भले ही मेरा सामान नहीं गायब हुआ है, लेकिन आप लोगों ने लॉकर अलॉट करते समय क्या प्रॉमिस किया था? आप लोगों ने कहा था कि बिना मेरी प्रेजेंस में लॉकर कभी नहीं खुलेगा, और क्यों खुला, उसका हर्जाना कौन भरेगा? मेरी प्राइवेसी ब्रेक हुई है, जब से मैंने सुना है कि मेरा लॉकर टूट गया है तब से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, कुछ पता भी नहीं आपको। आपको इस पूरी घटना की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। विक्रांत की यह दलील सुनकर उस लेडी सुपरवाइजर का सिर चकरा उठा, वो मौन होकर विक्रांत को देखने लगी। सबसे बड़ी बात ये जो मैंने इतनी प्रॉब्लम झेली है आपके बैंक के रॉबरी के चक्कर में, मैं अपने काम पर नहीं जा पा रहा हूँ, उधर अलग घाटा हुआ है मेरा, और आप लोग बस मुझे बैंक द्वारा लिए गए चार्ज का डबल अमाउंट वापस कर रहे हैं। बस देखो मैडम, इतने में काम नहीं चलने वाला। सर आप प्लीज़ हमारी कंडीशन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, हमारे ब्रांच मैनेजर साहब इस वक्त ICU में हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मैं जनरल मैनेजर सर को बता दूंगी, जैसे ही वो कुछ करते हैं मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। ब्रांच मैनेजर साहब ICU में है क्यों? विक्रांत ने चौंकते हुए पूछा। आपको तो पता ही है बैंक रॉबरी के बारे में, इसी कारण उसको सदमा पहुंचा और वो ICU में भर्ती है। इस वक्त हमारी बैंक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, मीडिया से लेकर हर तरफ बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुल 17 लॉकर टूटे हुए हैं और उसमें से क्या क्या गायब हुआ है कुछ पता नहीं है। उधर बैंक से लोगों का ट्रस्ट भी टूट गया है, जबकि हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी भी देश के सबसे ट्रस्टेड बैंक में से एक है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब हमारे दूसरे ब्रांच में भी रखे पैसे तक लोग निकाल रहे हैं, यहाँ से भी अधिकतर लोग अपना पैसा और लॉकर खाली कर गए। जब से रॉबरी हुई है तब से हजारों बैंक अकाउंट एक दिन के भीतर ही क्लोज करवा दिए गए। अब अगर पुलिस इन चोरों को नहीं पकड़ सकी तो पक्का है हमारी बैंक दिवालिया घोषित हो जाएगी। अब तो बस यही उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द चोरों को पकड़े और फिर से लोगों का विश्वास बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर बन जाए। विक्रांत ने लेडी सुपरवाइजर की पूरी बात ध्यान से सुनी, उसे उसकी बात काफी हद तक सही भी लग रही थी। फिर विक्रांत मिस्टर मलिक के बैकग्राउंड के बारे में सोचने लगा। जब वो 1994 वाले किडनैपिंग केस पर काम कर रहा था तब उसने मिस्टर मलिक के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन जुटाई थी, और सही कहें तो मिस्टर मलिक ईमानदार आदमी है, वो कभी गलत काम नहीं कर सकते, ऊपर से खुद के ही बैंक के साथ ऐसा करने पर उनके लिए दोनों तरफ से नुकसान ही है। पहला, अगर चोर ना पकड़े गए तो फिर बैंक बंद होने का डर है, वही अगर चोर पकड़ लिए गए और सारी सच्चाई सामने आ गई तब तो मिस्टर मलिक एक झटके में तबाह हो जाएंगे। इसलिए इस बात की गुंजाइश ही नहीं है कि मिस्टर मलिक अपने ही बैंक में रॉबरी करवाने का प्लान करेंगे, और बैंक रॉबरी करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। विक्रांत इस बात से निश्चिंत हो गया था कि इस लूटकांड ने
बैंक के अंदर का कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब कोई बैंक के भीतर का इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कौन हो सकता है, विक्रांत मन ही मन सोचने लगा। सर आपने साइन नहीं किया, प्लीज यहाँ पर साइन कर दीजिए, अटेंडेंट ने फिर से विक्रांत की तरफ पेपर को बढ़ाते हुए कहा। हाँ भूल गया था मैं, करता हूँ। विक्रांत साइन करने लग गया। अच्छा जब मैं यहाँ लॉकर रजिस्टर करवाने के लिए आया था तब मैंने जो भी डिटेल भरी थी वो इंटरनल रिकॉर्ड के लिए ही थी ना, कोई बाहरी उस रिकॉर्ड को नहीं देख सकता है ना, आप जानना क्या चाहते हैं, लेडी सुपरवाइजर ने विक्रांत को शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा। हमारे बैंक की प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम आपको ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अच्छा, तभी विक्रांत को कुछ एहसास हुआ। जब वो लड़की सोमानी चक्रवर्ती गायब हुई रही होगी तो पुलिस ने उनके बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जरूर निकाला होगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि सोमानी चक्रवर्ती के नाम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लॉकर भी अलॉट है। इसका मतलब कि बैंक किसी भी हालत में अपने कस्टमर की प्राइवेसी से समझौता नहीं करता है। मतलब कि बैंक के कस्टमर की इन्फॉर्मेशन सिर्फ इंटरनली रिकॉर्ड होती है, बाहर किसी को कुछ पता नहीं चल सकता है। अच्छा ये लॉकर की सुविधा और भी ब्रांच द्वारा दी जाती है ना, विक्रांत ने कुछ सोचते हुए सवाल किया। हाँ हमारी बोरीवली ब्रांच और हेडक्वार्टर में भी लॉकर रूम की सुविधा है। हेडक्वार्टर अंधेरी में है हमारा, लेकिन हमारे ब्रांच पर सबसे पहले शुरू हुआ है, 10 साल से यहाँ पर लॉकर रूम की सुविधा दी जा रही है, जबकि हेडक्वार्टर में तो अभी 1 साल पहले ही शुरू हुआ है। जब वहाँ नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है तब वहाँ लॉकर रूम बनाया, लेडीज सुपरवाइजर ने विक्रांत को बताया। ओ इसका मतलब जो हेडक्वार्टर में लॉकर रूम बना है वो यहाँ से बड़ा है, विक्रांत ने आगे पूछा। हाँ बहुत बड़ा है, यहाँ से हमारा हेडक्वार्टर 35 माले की बिल्डिंग में बना है, वहाँ 3 फ्लोर पर बस लॉकर रूम ही बनाया गया है। लेकिन सर आप ये सब सवाल क्यों कर रहे हैं, ये सब सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल है, मैं आपसे इस बारे में बात नहीं कर सकती। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अलावा कौन कौन से बैंक लॉकर रूम की सुविधा देते हैं, विक्रांत ने फिर से सवाल किया। लेडी सुपरवाइजर ने विक्रांत की तरफ अजीब नजरों से देखा फिर बोल पड़ी, यूनिक बैंक, HBC बैंक और आई थिंक ICCI में भी अब लॉकर रूम की सुविधा दी जाती है। ओह शायद सुपरवाइजर को कुछ समझ आया, तो आपका मतलब कि वो चोर दूसरे बैंक द्वारा भेजे गए थे ताकि हमारे बैंक को नुकसान उठाना पड़े। नहीं इससे भी ज्यादा बड़ी बात है, विक्रांत ने उत्तर दिया और फिर इसके साथ ही उसने अपनी ID कार्ड निकालकर उसके सामने रख दिया। मुंबई पुलिस, जल्दी से अपने बॉस को कॉल करो, मुझे उनसे बात करनी है। सर लेडी सुपरवाइजर ने विक्रांत की पुलिस ID पर नजर डालते हुए कहा, ब्रांच मैनेजर के बाद मैं ही यहाँ की सबसे सीनियर हूँ, आप जो कहना आप मुझसे कह सकते हैं, मुझे उन सभी कस्टमर की लिस्ट चाहिए जिनका आपके बैंक में लॉकर है। नहीं सर ये कस्टमर प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें अथॉरिटी नहीं है, जो लिस्ट देनी थी हम पहले ही आपको सबमिट कर चुके हैं, अब कोई भी लिस्ट देने के लिए हमें हायर अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा तो फिर ऐसा करो मुझे इस ब्रांच के सभी लॉकर रूम के ऑनर की लिस्ट दो। सॉरी सर हम वो भी बिना परमिशन के नहीं दे सकते, इस बारे में हमें बैंक के सीनियर अधिकारियों से बात करनी होगी, एक बार वो परमिशन दे देंगे तो फिर हम आपको तुरंत सारी लिस्ट पहुंचा देंगे। सुपरवाइजर की बात खत्म होने से पहले ही विक्रांत ने मिस्टर मलिक को फोन मिला दिया। उसने मिस्टर मलिक को सारी सिचुएशन बताते हुए परमिशन मांगी। मिस्टर मलिक को भी विक्रांत पर पूरा भरोसा था, उन्होंने तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को कहकर बैंक के सुपरवाइजर के पास एक परमिशन लेटर भेज दिया। इसके साथ ही उन्होंने विक्रांत के काम के लिए उसे अप्रिशिएट किया, साथ ही जल्द से जल्द उसे बैंक के रॉबर्स को अरेस्ट करने के लिए भी उत्साहित किया। मिस्टर मलिक का अप्रिशिएशन पाकर विक्रांत मनी मन बहुत खुश हुआ, उसके मन में एक आस सी जगी थी कि हो सकता है कि ये केस सॉल्व होने के बाद मिस्टर मलिक उसे फिर से पैसे का रिवॉर्ड देंगे। मिस्टर मलिक बैंक के हाई अथॉरिटी वाले लोगों में आते थे, उनका एक मेल मिलने के बाद सुपरवाइजर को कुछ सोचना नहीं पड़ा, उसने तुरंत ही कंप्यूटर खोलकर लॉकर होल्डर कस्टमर का रिजल्ट निकालना शुरू कर दिया। सुपरवाइजर ने अपने कंप्यूटर पर एक क्लिक करते ही लॉकर वाले कस्टमर की सारी लिस्ट निकाल कर रख दी। सर मैं आपको प्रिंट निकलवा कर दूं या डिजिटल कॉपी चाहिए, उसने विक्रांत से पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसमें सर्च करो कि सोमानी चक्रवर्ती के नाम से लॉकर है या नहीं, विक्रांत ने हड़बड़ाते हुए लेडी सुपरवाइजर से कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत सोमानी चक्रवर्ती का नाम क्यों सर्च करवा रहा है। हालांकि उसे ये बात अच्छे से पता थी कि लॉकर रूम के भीतर सुनीता मेहता की जो लाश मिली थी वो सोमानी चक्रवर्ती के ही लॉकर में रखी हुई थी। उसने जैसे ही सोमानी चक्रवर्ती का नाम कंप्यूटर में डाला उसके होश उड़ गए, मानो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरानी भरी नजरों से कंप्यूटर की स्क्रीन को निहारने लगी। क्या हुआ, विक्रांत ने चौंकते हुए पूछा। सर ये सोमानी चक्रवर्ती के नाम से 2 लॉकर अलॉट है, विक्रांत ने टेबल पर जोर से हाथ पीटते हुए कहा। दूसरा लॉकर कहाँ है? दूसरा लॉकर हमारे बांद्रा वाले ब्रांच में है और
वो किस टाइप का लॉकर है? विक्रांत ने चिल्लाते हुए पूछा। वो यहाँ से भी बड़ा लॉकर है, सुपरवाइजर ने जवाब दिया। ओहो, ये हुई ना बात, अब तुम वेट किसका कर रही हो? फटाफट बांद्रा ब्रांच फोन करो और उनको लॉकर खोलने के लिए बोलो, जल्दी। विक्रांत ने लेडी सुपरवाइजर को ऑर्डर दिया। ओ हाँ हाँ, मैं करती हूँ, तुरंत फोन करती हूँ। उसने फटाफट ऑफिस के टेलीफोन से दूसरे ब्रांच में फोन करके बॉक्स को ओपन करने के लिए कह दिया। तभी विक्रांत को कुछ और याद आया, उसने तुरंत ही कहा, अच्छा जल्दी करो, ये भी चेक करो कोई लॉकर सुनीता मेहता के नाम से भी रजिस्टर्ड है क्या। सुपरवाइजर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर विक्रांत सुनीता मेहता का नाम क्यों सर्च करवा रहा है, लेकिन फिर भी वो अभी विक्रांत से कोई सवाल करने की स्थिति में नहीं थी। उसने तुरंत ही सुनीता मेहता का नाम के बोर्ड पर टाइप कर दिया, लेकिन कंप्यूटर के मॉनिटर पर तुरंत नो रिजल्ट लिखकर आ गया। नहीं सर, सुनीता मेहता के नाम से कोई लॉकर नहीं अलॉट हुआ है, सुपरवाइजर ने जवाब दिया। अच्छा फिर ऋषि रंजन मेहता का नाम सर्च करो। ऋषि रंजन और ISHI ऋषि। विक्रांत इतना एक्साइटेड था कि वो नाम की स्पेलिंग खुद ही पढ़कर बताने लगा। जैसे ही लेडी सुपरवाइजर ने पूरा नाम टाइप करके एंटर प्रेस किया, फिर से उसके होश उड़ गए। वो भौचक होकर स्क्रीन पर देखती रह गई। क्या हुआ? विक्रांत को अंदाजा लग गया था कि कुछ ना कुछ अलग रिजल्ट जरूर आया है। इस नाम से भी दो लॉकर अलॉट हुए हैं। कहाँ कहाँ हैं दोनों लॉकर? सर दोनों लॉकर यहीं पर हैं, सुपरवाइजर ने जवाब दिया। ओ गॉड शिट, विक्रांत ने अपना माथा पकड़ लिया। फटाफट बैंक के सभी सीनियर अथॉरिटी को फोन करके यहाँ बुलाओ। सारे स्टॉक होल्डर्स को भी कॉल करो, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, तुरंत बुलाओ सबको। मैं पुलिस टीम को भी बुला रहा हूँ। विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसे अब समझ में आया कि पृथ्वी कोडवर्ड का मतलब सिर्फ सुनीता मेहता की लाश मिलने से ही नहीं था। 10 मिनट के भीतर ही यहाँ पर मिस्टर मलिक समेत बैंक के सभी सीनियर अधिकारी पहुंच चुके थे। मिस्टर मलिक के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उनके चेहरे का भाव देखकर उनकी परेशानी का अनुमान लगाया जा सकता था। उनके ठीक सामने नैना और बाकी पुलिस की टीम खड़ी थी। फॉरेंसिक टीम की तरफ से भी मिस गीता अपनी टीम लेकर पहुंची हुई थी। जैसे कि विक्रांत को पहले ही उम्मीद थी, यहाँ ऋषि रंजन मेहता के नाम से जो लॉकर अलॉट था, उन दोनों में डेड बॉडी मिली। और ये दोनों डेड बॉडी ठीक सुनीता मेहता की लाश के जैसे ही वैक्यूम पॉलिथीन में पैक करके रखी हुई थी। इस लाश को देखकर विक्रांत को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो पहले से ही ऐसी सिचुएशंस के लिए तैयार था। लेकिन बैंक के अन्य कर्मचारी समेत मिस्टर मलिक का होश उड़ा हुआ था। फिर बैंक की तरफ से पता चला कि ये दोनों लॉकर पिछले 6-7 सालों से बंद पड़े हैं, यानी कि ये डेड बॉडी काफी दिनों से इसी लॉकर में रखी हुई है। इसी समय एक और अपडेट ये मिली कि सोमानी चक्रवर्ती के नाम से जो लॉकर अलॉट था, उसमें भी एक डेड बॉडी पाई गई है। बांद्रा ब्रांच के मैनेजर ने फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म किया था, वो बॉक्स 5 साल पहले रजिस्टर्ड किया गया था, ठीक उसी समय जब सोमानी चक्रवर्ती के गायब होने की FIR दर्ज की गई थी। एक के बाद एक बुरी खबर सुनकर मिस्टर मलिक समेत बैंक के सभी अन्य स्टॉक होल्डर्स सकते में आ गए थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लॉकर रूम को उन लोगों ने सुविधा देने के लिए शुरू किया था, उसका इस तरह से मिसयूज होगा। भला कोई लॉकर के अंदर किसी को मारकर पैक करने की सोच भी कैसे सकता है? अभी लॉकर के अंदर से सुनीता मेहता की लाश मिलने का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि फिर से 3 और लाश लॉकर के भीतर मिल गईं। मिस्टर मलिक का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मलिक सर, विक्रांत ने उन्हें एक कोने में बुलाया। सर आप अपने सभी बैंक एम्प्लाई से कह दीजिए कि अभी ये खबर कहीं से लीक ना होने पाए। लॉकर में लाश मिलने की खबर किसी बाहरी को पता नहीं चलनी चाहिए, इससे आपके बैंक की रेपुटेशन भी खराब होगी और फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी मुश्किल होगी। इसलिए आप दोनों ब्रांच पर नोटिस भेजकर इस बात को अभी के अभी दबा दीजिए। ठीक है, तुम परेशान मत हो, बात कहीं से लीक नहीं होगी, मिस्टर मलिक ने विक्रांत को आश्वासन दिया। और हाँ एक चीज़ और, आपके बैंक के जितने भी ब्रांच हैं और जहाँ जहाँ लॉकर रूम की सुविधा है, उन सब जगहों पर चेकिंग करवाइए। जो भी बड़े साइज के लॉकर हैं, यानी जिसमें किसी की लाश आ सकती है, उन सभी को चेक करवाइए। क्या पता कहीं और भी कोई लाश ना छुपी हो। हाँ मैं तुरंत ही सब जगह चेक करवाता हूँ, मिस्टर मलिक ने जवाब दिया। फिर मिस्टर मलिक ने विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए कहा, विक्रांत कुछ भी करके ये पूरा केस सॉल्व करो, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जब तक ये मामला शांत नहीं होगा, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द सब पकड़ लिए जाएंगे, हम लोग खुद इस केस में जी जान से लगे हुए हैं। विक्रांत ने जैसे मिस्टर मलिक के साथ बातचीत खत्म की, नैना ने तुरंत ही सभी इन्वेस्टिगेटर्स को इस खबर की सीक्रेट रखने की वार्निंग दी। इसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम को ये पता करने में लगाया कि किसी भी बैंक के लॉकर रूम में फर्जी नाम पर कितने लॉकर अलॉट हैं
और ऐसे सभी लॉकर को चेक करने का ऑर्डर भी दिया। खासतौर पर विक्टिम के नाम वाले लॉकर को चेक करने का निर्देश दिया था। नैना के निर्देश पर सभी इन्वेस्टिगेटर्स ने तुरंत ही काम करना शुरू कर दिया था। अभी दोपहर के एक ही बजे थे कि एक और लाश मिलने की खबर आई। ये लाश भी सोमानी चक्रवर्ती के नाम से अलॉट हुए लॉकर में मिली थी, लेकिन ये लॉकर ICICI बैंक का था। अब तक कुल 5 डेड बॉडी लॉकर के भीतर मिल चुकी थी। शाम के 5:30 बज चुके थे। DN नगर पुलिस स्टेशन के मीटिंग हॉल में काफी तनाव भरा माहौल बना हुआ था। सारे इन्वेस्टिगेटर्स हैरान परेशान होकर बैठे हुए थे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। सामने पड़े व्हाइट बोर्ड पर अब और ज्यादा डिटेल भरने की जगह नहीं बची थी। व्हाइट बोर्ड पर 5 लोगों की फोटो के बगल में उनकी डेड बॉडी की भी फोटो पिन की गई थी। एक तरफ जहां उनके नॉर्मल फोटो में उनका हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा था, तो वहीं दूसरी जगह पर उनकी वैक्यूम पॉलीथिन में पैक्ड डेड बॉडी की फोटो काफी भयावह सी लग रही थी। अब तक फॉरेंसिक टीम ने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग इन 5 की मौत एक ही तरीके से हुई है। 5 खाना न मिलने के कारण ही मरे हैं और 5 को ही एक ही तरह से वैक्यूम पॉलीथिन में पैक करके लॉकर में रखा गया था। यहां तक कि वैक्यूम पॉलीथिन की पैकिंग भी एक ही तरीके से की गई थी और पॉलीथिन बनाने वाली कंपनी भी एक ही थी। इन सब सिचुएशन को देखते हुए पुलिस श्योर थी कि ये 5 मर्डर एक ही कातिल ने किए हैं। मर्डर करने का तरीका और लाश को पैक करके रखना इतने निर्दयी तरीके से कोई भला किसी को कैसे मार सकता है। इस सीरियल मर्डर केस ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की नींद उड़ा रखी थी। पुलिस इस सीरियल मर्डर केस में इस तरह उलझी हुई थी कि वो बैंक रॉबरी वाले केस को तो भूल ही गई थी। अभी तक जो भी हमें पता चला है उसके अकॉर्डिंग नैना ने व्हाइट बोर्ड पर लगे फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि मिस्टर ऋषि रंजन मेहता इस केस के सबसे पहले विक्टिम हैं। वो 7 पहले गायब हुए थे जब वो घर से बाहर कुछ घरेलू काम के लिए निकले थे। कातिल ने उनका मर्डर किया और फिर वैक्यूम पॉलीथिन में पैक करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के DN नगर ब्रांच में लाकर लॉकर लेकर उसमें रख दिया। उस वक्त कातिल ने लॉकर को अलॉट करवाने के लिए ऋषि रंजन मेहता की जो आइडेंटिटी इस्तेमाल की। ऋषि रंजन मेहता हमारे ब्यूरो चीफ मिस्टर पीयूष रंजन साहब के 5वें नंबर के अंकल हैं। वो एक विक्टिम मिसेस सुनीता मेहता के हस्बैंड भी हैं। नैना एक भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहती थी, सो उसने एक एक डिटेल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ शेयर करना जरूरी समझा। हाँ, जब मैं पहले मिसिंग डिपार्टमेंट में काम करता था तब मैंने ऋषि रंजन मेहता के बारे में सुना था, राघव ने अपने ठीक बगल में बैठे इन्वेस्टिगेटर की तरफ देखते हुए कहा। उसके बाद आज से 6 पहले फिर से कातिल लौटा और उसने रेणुका अग्रवाल नाम की एक महिला को अपना दूसरा शिकार बनाया। नैना ने व्हाइट बोर्ड पर रेणुका की फोटो को दिखाते हुए कहा, रेणुका की उस वक्त उम्र तकरीबन 33 वर्ष की थी और वो जूते की होलसेल का बिजनेस करती थी। रेणुका की भी मौत खाना ना मिलने से ही हुई थी और जब वो भूख से मर गई तब उसे वैक्यूम पॉलीथिन में पैक करके इसे भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के DN नगर ब्रांच में रख दिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कातिल ने ये लॉकर भी ऋषि रंजन मेहता के नाम से ही अलॉट करवाया था और रेणुका की लाश को ऋषि की लाश के ठीक बगल वाले लॉकर में रखा था। इसके बाद 5 पहले कातिल ने तीसरी विक्टिम सोमानी चक्रवर्ती का मर्डर किया। जिस वक्त सोमानी गायब हुई थी उसकी उम्र सिर्फ 23 थी। उसे भी वैक्यूम पॉलीथिन में पैक किया गया और उसे भी लॉकर में रख दिया, लेकिन इस बार उसने प्लेस चेंज कर दिया। पहले तो उसने सोमानी चक्रवर्ती के नाम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ही बांद्रा ब्रांच में एक लॉकर अलॉट करवाया और फिर वहीं पर उसकी डेड बॉडी को रख दिया। इसके बाद कातिल के अगले शिकार बने मिस्टर मुकेश कुमार। जिस वक्त उनका मर्डर हुआ उनकी उम्र 52 वर्ष थी और पता नहीं क्यों इस बार मर्डरर ने इस बार ना सिर्फ प्लेस चेंज किया बल्कि बैंक भी बदल दिया। इस बार उसने मुकेश को मारकर उसकी डेड बॉडी को ICICI बैंक के लॉकर रूम में रखा। इसके बाद उसका अगला शिकार बनी सुनीता मेहता, जिन्हें उसने फिर से DN नगर ब्रांच के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में छुपाया। और सुनीता मेहता की डेड बॉडी को छुपाने के लिए उसने 5 पहले गायब हुई सोमानी चक्रवर्ती के नाम से लॉकर अलॉट करवाया। ऋषि मेहता की डेड बॉडी भी DN नगर ब्रांच से मिली है। देव ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, ऐसा नहीं लग रहा है कि कातिल जानबूझकर अधिक उम्र वालों लोगों को एक सीरियल में मार रहा है। सर, शायद आपका शक सही था, यह कातिल कोई साइको किलर ही लगता है। इन 5 लोगों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सबकी एज अलग अलग है, जेंडर डिफरेंट है, इनके काम धंधे अलग अलग हैं, फिर भी कातिल ने सभी को एक ही तरीके से मारा। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने
रैंडम ही किसी को उठा के उसका मर्डर कर दिया है, नैना ने कहा। लेकिन जहां तक मुझे याद है इनमें कुछ सेलिब्रिटी भी हैं, जतिन ने शक जताते हुए कहा। ये सब लोग शायद एक ही जगह से है ना? नहीं, राघव बीच में ही बोल पड़ा, ये मुकेश कुमार और रेणुका अग्रवाल मुंबई की ही है, शुरू से ही यहीं रहते आए हैं, जबकि बाकी के तीन भले ही बदलापुर से बिलोंग करते हैं लेकिन मिस्टर और मिसेज मेहता का सोमानी चक्रवर्ती से कोई कनेक्शन नहीं है। तुमने कहा कि इन पांचों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन दे बीच में ही बोल पड़ा, मिस्टर मेहता और सुनीता मेहता पति पत्नी थे और ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि कातिल जिसे चाह रहा उसे ही उठाकर मर्डर कर दे रहा है? अभी हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, नैना ने कहा। अभी कातिल पकड़ा नहीं गया है और अभी हमें अच्छे से ये भी पता नहीं कि उसने कितने लोगों का मर्डर किया है और कितनों को इस तरह से लॉकर में पैक करके रखा हुआ है। लॉकर क्या, उसने कहीं और भी किसी को मार कर रखा हो, अभी हमें कन्फर्म नहीं है। अभी तो हमें बस 7 साल का रिकॉर्ड मिला है, वो भी कन्फर्म नहीं है कि हमें जो कुछ पता चला है वो सही है, और वो भी पूरी खबर है। ना जाने कितने सालों से वो इस तरह से लोगों को मारता चला आ रहा है और ना जाने कितने लोगों को अब तक वो मार चुका है, कुछ पता नहीं हमें। नैना की बातों ने सभी के मन में एक अनजान सा खौफ पैदा कर दिया जो कि इस कातिल को लेकर था। वैसे नैना की बात काफी हद तक सही भी थी, अभी तो पुलिस को बस इस केस का पता चला है, केस के तह तक पहुंचने में अभी काफी वक्त लगेगा। ये अप्रैल में हुआ, ये जून में और ये फिर विंटर में। नैना ने व्हाइट बोर्ड की ओर लगी फोटोज की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मर्डर अलग अलग समय पर हुए हैं, इनकी टाइमिंग में तो कोई भी लॉजिकल कनेक्शन नहीं बन रहा है, लेकिन इन लोगों के गायब होने की टाइमिंग पर नजर डालें तो जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन बन रहा है। सबके गायब होने की डेट महीने की 24 तारीख से लेकर 28 के बीच की है, सबके सब महीने के आखिरी दिनों में ही गायब हुए और सभी को लगभग इसी डेट में लॉकर में जाकर रखा गया है। हाँ ये तो है, राघव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, और मैं सचमुच बताऊं तो मुझे पक्का लग रहा है कि यह कातिल कोई साइको किलर ही है, वरना कोई किसी को भूख से तड़पा कर क्यों मारेगा? ये किसी इंसान के रूप में दानव का ही काम हो सकता है, पक्का ये मर्डरर कोई साइको ही था। नैना ने विक्रांत को उसकी ख्याली दुनिया से बाहर खींचते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो? इतनी देर से यहाँ डिस्कशन चल रही है लेकिन तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कुछ अपनी भी राय रखो ना तुम, केस में कुछ सहयोग दोगे कि बस यहाँ? अरे दिया तो सहयोग, मेरी वजह से आप लोगों को इन डेड बॉडीज के बारे में पता चला है। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे इस काम के लिए मुझे एक पार्टी तो मिलनी ही चाहिए, क्यों क्या कहती हो नैना मैडम? विक्रांत ने नैना की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, आज फिर कौन से बारबेक्यू ले जा रही हो मुझे? ओहो, विक्रांत की बात सुनकर सभी ने अपना सिर पकड़ लिया, यहाँ इतने सीरियस टॉपिक पर बात चल रही है लेकिन विक्रांत को बस मजाक ही सूझ रहा है। सर प्लीज 2 मिनट के लिए सीरियस हो जाइए, सुनिधि ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, ये मजाक का टाइम नहीं है। अच्छा अच्छा चलो मैं सीरियस हूँ, विक्रांत ने अपने होठों की ओर उंगली रखते हुए कहा, तो सीरियसली बात शुरू करते हैं। तो बात यह है कि अभी तक जितना मैंने इस केस को समझा है और जो आप लोगों की बातों को सुनते हुए मुझे लग रहा है, उस हिसाब से मुझे सिर्फ 2 ही कंडीशन सही लग रही हैं। विक्रांत के इतना कहते ही सभी इन्वेस्टिगेटर्स उसकी तरफ उत्सुकता भरी नजरों से देखने लगे। पहली कंडीशन तो यही लग रही है कि कातिल कोई सिरफरा ही है, वो साइको किलर ही है, वरना इतनी दरिंदगी से कोई किसी को नहीं मारता। वो हर साल आता है, किसी को भी रेंडमली पिक करता है और उसे मार के लॉकर में रख कर चला जाता है। या फिर दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये केस भी हाथ काटने वाले केस की तरह बदले की आग में किया गया है। क्या बदला, वो कैसे? विक्रांत की बातों ने सभी को शॉक में डाल दिया। बदला नहीं हो सकता सर, सुनीधि ने विक्रांत की बातों से पूरी तरह से असहमति जताते हुए कहा। सर आप खुद देखिए, मिस्टर और मिसेज मेहता की उम्र कितनी ज्यादा है और उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, कोई भला उन्हें क्यों मारना चाहेगा? तुम एक ही तरह से मत सोचो, विक्रांत ने सुनिधि की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एजड लोगों का कोई दुश्मन नहीं हो सकता? तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें किसी को मारना होगा तो तुम सिंपली उसे गोली मार सकती हो या चाकू से अटैक कर सकती हो, लेकिन इस तरह भूख से तड़पाकर मारने की क्या जरूरत है? कोई इस तरह से किसी को मारने की हिम्मत किस कंडीशन में कर सकता है, जबकि इस तरह से मारने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी और पकड़े जाने का रिस्क भी कितना ज्यादा है। फिर भी कातिल ने विक्टिम को मारने का सबसे कठिन और खतरनाक रास्ता क्यों चुना? विक्रांत ने नैना की तरफ हाथ हिलाकर इशारा करते हुए कहा, नैना मैं 80% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये रिवेंज का केस है और हमें अगर कातिल को जल्द से जल्द पकड़ना है तो तुरंत ही हमें इन पांचों विक्टिम के बीच का रिलेशन ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। इन पांचों के बीच क्या कनेक्शन है,
अगर हमें ये पता चल गया तो हम बहुत जल्द कातिल को भी पकड़ लेंगे। विक्रांत ये बातें हवा में नहीं कर रहा था, बल्कि वो ये सब अपने पुराने एक्सपीरियंस से कह रहा था। जैसे कि जब वो हाथ काटने वाले केस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तब उसने सिर्फ एक शब्द पियानो की मदद से सारा केस सॉल्व कर डाला था। वैसा ही कोई क्लू उसे इस केस में भी मिलने की उम्मीद थी। अगर इन पांचों के बीच कुछ एक चीज भी कॉमन निकल गई तो वो कातिल तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा क्लू हो सकता है। नैना ने विक्रांत की बातों पर कुछ पल तक सोच विचार किया, फिर उसे विक्रांत की बात काफी हद तक सही भी लगी। नैना तुरंत ही अपने कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को पांचों विक्टिम के बीच के रिलेशन के बारे में पता लगाने के लिए भेज दिया। साथ ही उसने ये भी ऑर्डर दिया कि इन पांचों विक्टिम के फैमिली मेंबर से लेकर दोस्त रिश्तेदार तक सभी से पूछताछ करते हुए सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए। नैना का ऑर्डर मिलते ही सभी इन्वेस्टिगेटर्स अपनी अपनी ड्यूटी पर निकल पड़े। सभी इन्वेस्टिगेटर्स के जाते ही विक्रांत ने राहत की सांस ली। अब जाकर उसका दिमाग निश्चिंत हुआ। उसके भीतर किसी अनहोनी को लेकर जो डर बैठा हुआ था वो खत्म हो चुका था। विक्रांत को अब यकीन हो गया था कि अदृश्य शक्ति द्वारा बताए गए पृथ्वी कोडवर्ड का अर्थ इन्हीं डेड बॉडीज के मिलने से था। इसमें विक्रांत का कोई पर्सनल नुकसान नहीं था। अब वो निश्चिंत होकर अपना काम कर सकता है। उसे किसी अज्ञात भय से डरने की जरूरत नहीं है। इसी डर में विक्रांत अपने दूसरे कोडवर्ड पानी को तो भूल ही गया था। पृथ्वी कोडवर्ड का टास्क तो पूरा हो चुका था, लेकिन पानी वाला टास्क अभी नहीं पूरा हुआ था। विक्रांत अभी इस पानी कोडवर्ड के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बज उठा। हेलो हेलो विक्रांत, मैं जिया बोल रही हूँ। ये विक्रांत की पिछले जन्म की गर्लफ्रेंड जिया का फोन था। वो काफी घबराई हुई और डरी हुई सी लग रही थी। हाँ जिया, बोलो क्या हुआ? इस वक्त मैं बाइट्स रेस्टोरेंट में हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। तुम प्लीज मेरी मदद करो, जल्दी से यहाँ आ जाओ प्लीज, जिया ने लगभग रोती हुई आवाज में कहा। हाँ, विक्रांत को कुछ जवाब नहीं सूझ रहा था। विक्रांत प्लीज प्लीज जल्दी आना और थोड़े पैसे भी लेकर आना, जल्दी आओ। क्या हुआ बताओगी? जिया का फोन अचानक से विक्रांत के पास आया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। विक्रांत विक्रांत, मैं कैसे बताऊं? जिया कुछ कहने में झिझक सी रही थी। वो आर्यन, आर्यन का बच्चा, उसने मुझे धोखा दिया है। वो मेरे साथ चीट कर रहा था और वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड विनीता के साथ मिलकर। ओह, विक्रांत को तो ये बात पहले से ही पता चल चुकी थी, लेकिन वो जिया को इस बारे में इसलिए कुछ नहीं बता रहा था क्योंकि वो जिया की आंखों के सामने आर्यन की सच्चाई लाना चाहता था। इस बीच वो थोड़ा बिजी हो गया, वरना विक्रांत ने तो अपने ब्लांड गैंग को भेजकर आर्यन का इलाज करने का प्लान बना ही लिया था। भला वो अपने पुराने प्यार को इस तरह दुख में कैसे देख सकता था? अब जबकि जिया की भी अपने बॉयफ्रेंड की सारी सच्चाई जिया को भी अपने बॉयफ्रेंड की सारी सच्चाई पता लग चुकी है, तो वो भला कैसे शांत रह सकता था? विक्रांत कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही उसे ये जिज्ञासा हुई कि आखिर जिया को इस बारे में पता कैसे चला। उसने जिया के पास पहुंचने से पहले ही फोन पर उससे सवाल किया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे नहीं पता था कुछ भी, जिया ने रोते हुए कहा। मुझे विनीता के हस्बैंड ने बताया, उसने पहले इन दोनों को पकड़ा था, उसी ने वीडियो बनाकर मेरे पास भेजा है। कमीने को जरा सी भी शर्म नहीं आई, वो शादीशुदा है, फिर भी उसके साथ। छी, ओह, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ, देखता हूँ उस कमीने को, बिल्कुल परेशान मत हो, विक्रांत ने जिया को सांत्वना देते हुए कहा। अब तुम्हें पता लग गया है ना कि वो कितना कमीना है, तो फिर उसके लिए रो क्यों रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है विक्रांत, बहुत डर लग रहा है। अभी तक मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया इस बारे में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आर्यन मेरे साथ कभी ऐसा कर सकता है, जिया ने रोते हुए कहा। उस कमीने ने क्रेडिट कार्ड को भी ब्लॉक करवा दिया है। मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मेरे पास खाने का बिल भरने का भी पैसा नहीं है, प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं है। साला कमीना, इसको तो मैं लाइन पे ले आऊंगा, विक्रांत ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। हाँ प्लीज जल्दी आओ और 8,000 रुपए भी ले आना। तुम चिंता मत करो, मैं एक एक पाई वापस कर दूंगी, जिया ने रूंधी सी आवाज में कहा। 8,000? अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ, तुरंत पैसे लेकर आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, विक्रांत ने इतना कहते हुए फोन रख दिया। 8,000 का खाना खा लिया इसने? अबे ऐसा क्या खा लिया इसने,
पूरे रिश्तेदार को लेकर पहुंची है क्या खाने के लिए? विक्रांत मन ही मन सोचने लगा, लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था। विक्रांत फटाफट अपनी पुलिस कार में सवार हुआ और तेजी से जिया के बताए हुए बाइट्स रेस्टोरेंट की तरफ रवाना हो गया। डीएन नगर पुलिस ब्रांच से इस रेस्टोरेंट की दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर की थी। विक्रांत तेजी से गाड़ी ड्राइव करता हुआ 10 मिनट के भीतर ही रेस्टोरेंट के सामने पहुंच गया। यहां विक्रांत किसी की मदद के लिए आया हुआ है तो भला ऐसे आसानी से सब कुछ कैसे हो सकता है? रास्ते में ही उसके खुराफाती दिमाग को एक शरारत सूझी गई। रेस्टोरेंट के सामने पहुंचते ही विक्रांत ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से पुलिस कार का पावर ब्रेक दबा दिया। कार का पहिया फिसलता हुआ रेस्टोरेंट के ठीक सामने आकर थम गया। कार का दरवाजा खोला और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में विक्रांत जंप मारते हुए गाड़ी से बाहर निकला। मजे की बात ये थी कि इस वक्त विक्रांत के हाथ में एक हथकड़ी लगी हुई थी और इसका दूसरा सिरा हवा में झूल रहा था। विक्रांत रेस्टोरेंट के भीतर घुसा और सामने ही उसने देखा कि जिया एक टेबल पर अकेले ही बैठी हुई थी। जिया को देखते ही सुपरस्टार विक्रांत की एक्टिंग चालू हो गई। उसने जिया के करीब पहुंचकर उसके हाथ में हथकड़ी डालते हुए कहा, बस बहुत भाग लिया तुमने, अब चलो पुलिस स्टेशन। जिया अवाक रह गई। वो विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगी। वहां मौजूद अन्य लोग भी विक्रांत की तरफ मुड़कर देखने लगे। यहां तक कि रेस्टोरेंट के कुछ वेटर भी यहां पहुंच गए थे। विक्रांत ने अब तक अपने हाथ में पहनी हुई हथकड़ी का दूसरा सिरा जिया के हाथ में डाल दिया और फिर उसे यहां से चलने का इशारा करने लगा। अब जाकर जिया को विक्रांत का प्लान थोड़ा बहुत समझ आया था। अभी ये दोनों यहां से जाने के लिए उठ खड़े ही हुए थे कि रेस्टोरेंट के कुछ वेटर भागते हुए उसके पास पहुंच गए। उन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, सर आप कौन? आईडी? विक्रांत ने बिना उसका चेहरा देखे उसकी तरफ अपना आईडी कार्ड करते हुए कहा, विक्रांत सक्सेना नाम है मेरा, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच। ये बहुत बड़े केस में सस्पेक्ट है, पुलिस को बहुत दिन से इसकी तलाश थी, आज ये पकड़ में आ ही गई है। इसके बाद विक्रांत ने उंगली के इशारे से वेटर्स को रास्ते से हटने के लिए कहा और फिर जिया को लेकर वहां से निकलने लगा। तभी उस रेस्टोरेंट का मैनेजर भागता हुआ वहां पहुंचा। उसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और टाई भी लगा रखी। उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, एक मिनट सर, आप यहां पर इस महीने के तीसरे और इस साल के 25वें ऐसे आदमी हो जो इस तरह से खाने का बिल चुकाए बिना कस्टमर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो परेशान हो गया हूं, अब ऐसा लगता है जैसे शहर के सारे क्रिमिनल यहीं खाना खाने आते हैं और पुलिस भी सिर्फ यहीं आकर उन्हें अरेस्ट करती है। चुप करो, तुमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रॉबरी केस नहीं सुना है क्या? ये उसी केस की संदिग्ध है। अभी मुझे मेरे मुखबिर ने बताया कि ये यहाँ पर बैठकर खाना खा रही है। विक्रांत ने बात बनाने की कोशिश की लेकिन उसके शब्द लड़खड़ाने लगे थे, बातों में उतना दम नहीं नजर आ रहा था। अरे सर, मुझे केस का कुछ नहीं पता, ये सब बात करके टाइम क्यों वेस्ट करना? आप ऐसा कीजिए, इसके खाने का बिल भरवा दीजिए और फिर इसे लेकर जाइए, मैनेजर ने सीधे शब्दों में जवाब दिया। विक्रांत का सारा गेम उल्टा पड़ गया। उसने मैनेजर को बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा, देख लूंगा तुझे, बिल कितना हुआ? मैनेजर ने तुरंत एक वेटर को इशारा किया, वो हाथ में बिल लेकर दूसरे हाथ में कार्ड स्वैप करने की मशीन लेकर पहुंच गया। मैनेजर ने बिल वेटर के हाथ से लेकर विक्रांत के हाथ में थमा दिया। 7,960? क्या इतना बिल खाने का? लूट मचा रखी है क्या? ना चाहते हुए भी विक्रांत ने अपने वॉलेट से अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और फिर उसने स्वैप मशीन में कार्ड देकर पैसा पे कर दिया। तुम्हारे इस रेस्टोरेंट पर बहुत जल्द ताला लटकने वाला है, अंधी लूट मचा रखी है। 8,000 का खाना एक आदमी तक सिर्फ? विक्रांत बड़बड़ाने लगा, फिर अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया। अब मैंने इतने पैसे दे दिए हैं तो खाना छोड़कर क्यों जाऊं? मैं पूरा खाना खत्म करके जाऊंगा। विक्रांत ने सोचा कि जिया ने काफी सारा खाना ऑर्डर कर दिया होगा तो क्यों ना पैसा वसूल ही कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही विक्रांत की नजर जिया के टेबल पर पड़ी वो दंग रह गया। वहां पर सिर्फ एक वाइन की बोतल और कुछ स्टार्टर्स की खाली प्लेट पड़ी हुई थी। बस इतने से खाने का 8,000 रुपए? रेस्टोरेंट है या डाकुओं का अड्डा? विक्रांत ने, वो वाइन 1,000 की है, उसका प्राइस इतना है, मैंने स्पेशल ऑर्डर करके मंगवाया था, जिया ने विक्रांत को बताया। विक्रांत उसकी तरफ सवालिया नजर से देखने लगा। वो मैं आज आर्यन का क्रेडिट कार्ड लेकर आई थी तो सोचा कि उसी से आज पे करूंगी। ये सब खाने के बाद जब मैं पे करने के लिए गई तो पता चला कि उसने अपना कार्ड ब्लॉक करवा रखा है। मैं क्या करती फिर? ठीक है, कोई बात नहीं, विक्रांत मन महसूस कर आगे बढ़ने लगा। आप इसको खोलोगे? जिया ने अपने हाथ में लगी हथकड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे हाँ, खोलता हूँ। विक्रांत ने अपने जेब में हाथ डालकर हथकड़ी की चाबी ढूंढने की कोशिश शुरू की। उसने अभी जेब में हाथ डाला ही था कि
उसे एहसास हुआ कि वो चाबी पुलिस स्टेशन पर ही भूल आया है। ओह शिट शिट, जिया मैं चाबी तो स्टेशन पर ही भूल गया था। अब तुम्हें स्टेशन चलना पड़ेगा, 2 मिनट लगेगा बस। मैं वहां चलकर तुम्हारी हथकड़ी खोल दूंगा। जिया ने भी अपना सिर पीट लिया। विक्रांत और जिया अब एक ही हथकड़ी में बंधे हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकले। उसके बाद विक्रांत जिया को लेकर किसी तरह गाड़ी में पहुंचा, लेकिन असली मुसीबत यहां शुरू हुई। दोनों को गाड़ी में बैठने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। विक्रांत को गाड़ी की ड्राइविंग सीट तक पहुंचने के लिए पैसेंजर सीट से होते हुए जाना पड़ा। किसी तरह से विक्रांत और जिया गाड़ी में सवार हुए, लेकिन तभी जिया ने शर्माते हुए विक्रांत से कहा, मुझे टॉयलेट जाना है। लेडीज टॉयलेट से फ्लश की आवाज आई और फिर जिया उठकर अपने कपड़े पहनने लगी, लेकिन अपने बगल में खड़े विक्रांत को देखकर वो बहुत एम्बरेस फील कर रही थी। विक्रांत हो गया, जिया ने अपने कपड़े पूरी तरह से पहनते हुए कहा। फिर विक्रांत और जिया एक साथ टॉयलेट से बाहर आए और विक्रांत ने अपनी आंख पर लगी काली पट्टी को हटा दिया। दरअसल जिया के साथ टॉयलेट में आने से पहले विक्रांत ने बाइट्स रेस्टोरेंट के वेटर से कहकर अपने आंख पर काली पट्टी बंधवाई थी, ताकि वो खुद को एक जेंटलमैन साबित कर सके। टॉयलेट से बाहर निकलने के बाद रेस्टोरेंट के सभी वेटर समेत कस्टमर भी विक्रांत और जिया को अजीब सी नजरों से देख रहे थे। जिया को इस वजह से बहुत शर्म भी आ रही थी और वो किसी तरह अपनी नजर छुपाते हुए यहाँ से निकल रही थी, जबकि विक्रांत सीना चौड़ा करके यहाँ से बाहर निकल रहा था। उस दूर चलने के बाद ही उसे भी एहसास हुआ कि रेस्टोरेंट के वेटर उसे अजीब सी नजरों से देख रहे हैं, और इस वजह से जिया थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील कर रही है। उसने वेटर्स की तरफ आंख दिखाते हुए कहा, साले तेरी माँ की, तूने कभी किसी लड़की को नहीं देखा है क्या? ज्यादा जोश चढ़ रहा है तो बता, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। विक्रांत की धमकी सुनते ही सभी के दिल में खौफ की तरंग दौड़ उठी। फिर किसी ने भी विक्रांत और जिया को यूं घूरने की हिम्मत नहीं जताई। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद विक्रांत और जिया फिर से मशक्कत करते हुए गाड़ी में सवार हुए। इसके बाद किसी तरह से विक्रांत ने गाड़ी की स्टीयरिंग एक हाथ से पकड़ी और दूसरा हाथ गियर पर रखा। विक्रांत और जिया यहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े। अच्छा, आई एम सॉरी, जिया ने शर्माते हुए कहा। अरे अरे सॉरी क्यों, कोई बात नहीं, ये तो नेचर कॉल है। वैसे अगर इस हालत में मुझे टॉयलेट जाना पड़े तो तुम्हें अपनी आंख ढकने की जरूरत नहीं है। विक्रांत ने जोर से हंसते हुए कहा। दरअसल वो जिया के दुखी मूड को थोड़ा ठीक करना चाहता था। जिया ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि वो अपना सिर नीचे करके ही बैठी रही। लेकिन ये सब बोलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि शायद उसने ज्यादा बोल दिया है, तो उसने तुरंत ही बात को संभालते हुए कहा, अच्छा तुम्हारा कभी ब्रेकअप नहीं हुआ क्या? ये फर्स्ट टाइम था। विक्रांत कुछ भी कहने के बाद जिया का मुंह देखते हुए उसका एक्सप्रेशन जरूर देख रहा था। तुम चिंता मत करो, इस कमीने आर्यन की उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, देख लेना तुम, ये खुश नहीं रहेगा कभी। अरे रो क्यों रही हो, रोने से कुछ नहीं होता, चुप हो जाओ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, विक्रांत जिया को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तुमने सिर्फ वाइन ही पी है और अभी तक मैंने भी कुछ खाया नहीं, मुझे भूख भी लग रही है। ऐसा करते हैं कि पहले किसी रेस्टोरेंट पर चलकर साथ में कुछ खा लेते हैं, फिर पुलिस स्टेशन चलकर तुम्हारी हथकड़ी खोल दूंगा, क्या कहती हो? विक्रांत की बातों का जिया ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वो शांत होकर बैठी रही। थोड़ी दूर तक रास्ते में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, विक्रांत ने उसके सामने ही गाड़ी रोक दी। फिर जिया को गाड़ी से उतरने का इशारा किया। जिया बिना कुछ रिएक्शन दिए गाड़ी से उतरने लगी। अब तक रात के 8 बज चुके थे। आज आसमान बिल्कुल साफ था, तारों से सजा हुआ आसमान चांद की रोशनी में बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। ठंडी हवा रात के इस नजारे को और खुशनुमा बना रही थी। विक्रांत ने गाड़ी से उतरते ही अपनी हथकड़ी को छुपाने के लिए उसे एक कपड़े से ढक दिया था, ताकि किसी की नजर उनके हाथ में लगी हथकड़ी पर ना पड़े। खुले आसमान के नीचे सजे हुए टेबल पर विक्रांत और जिया बैठ गए। विक्रांत ने खुद के खाने के लिए एक प्लेट चिकन और 2 बियर की बोतल का ऑर्डर दिया। इसके बाद उसने जिया की तरफ इशारा करते हुए उसे भी ऑर्डर देने के लिए कहा, लेकिन जिया अभी कुछ भी खाने के मूड में नहीं थी। उसने अपनी तरफ से सिर्फ एक बोतल बियर ही ऑर्डर किया। रेस्टोरेंट में इस वक्त ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो बहुत जल्द ही उनका ऑर्डर टेबल पर आकर लग गया। विक्रांत तुरंत खाने में लग गया। उधर जिया को भी ना जाने क्या जोश चढ़ा कि उसने एक झटके में बियर की पूरी बोतल खाली कर दी। अरे अरे अरे, आराम से क्या कर रही हो,
विक्रांत ने जिया के कपड़ों और गिरे बियर के कुछ चीटों की तरफ देखते हुए कहा। हे हे, जिया अजीब तरीके से हंसते हुए बोली, बिल्कुल फिल्मी स्टोरी है ना मेरी, बचपन के बेस्ट फ्रेंड, फिर लव, फिर एंगेजमेंट, उसके बाद इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरी ही दोस्त के साथ मिलकर। एक ही झटके में मैंने दोस्ती और प्यार दोनों खो दिया। कोई भला किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसे मेरे ऊपर जरा सी भी दया नहीं आई। जिया ने विक्रांत वाली बोतल को अपने गले से उतार डाला। जिया संभालो खुद को, ये सब होता रहता है, विक्रांत ने जिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम उसे ऐसे मत जाने दो, रास्ते की ओर जरूर ले आना, तुम कहो तो मैं। नहीं, जिया ने विक्रांत की बात खत्म होने से पहले ही उसे चुप करवा दिया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो खुद से ज्यादा चिंता तो उस कमीनी विनीता के पति की है, उस बेचारे के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। विक्रांत ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा। तभी अचानक से उसने जिया से सवाल किया, अच्छा ये बताओ तुम्हें इसके बारे में पता कब चला और कैसे कैसे पता चला? आज सुबह ही मुझे विनीता के पति ने बताया। जिया की आंखों से फिर से आंसू टपकने शुरू हो गए थे। उसने मुझे बताया कि वो कल रात किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था और विनीता ने उससे कहा कि वो आज ऑफिस में देर तक काम करेगी। उसके पति को पहले से ही उस पर शक था, उसने चुपके से कहीं कैमरा फिट किया हुआ था। फिर अगले दिन कमीने आर्यन और विनीता का पूरा वीडियो उसने देखा, फिर उसने मुझे भी वही वीडियो भेजा था। और मुझे पता है ये कोई पहली बार नहीं है, ये लोग पहले भी कई बार ये सब कर चुके हैं, जिया ने रोते हुए कहा। ओ फिर अब तुम्हारा क्या प्लान है? तुम्हारी तो उसके साथ एंगेजमेंट भी हो चुकी है, विक्रांत ने जिया की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा। पता नहीं मुझे, लेकिन मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, जिया ने रोते हुए कहा। इस कमीने ने मेरा क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट सब हड़प रखा है और अब सब कुछ ब्लॉक कर दिया है। इसने मुझे सिर्फ रिलेशन में ही धोखा नहीं दिया है बल्कि मेरे पैसे भी हड़प लिए हैं। इसने मुझे मेंटली टॉर्चर किया है। साला कमीना। अच्छा इसने तुम्हारे लिए एक कार खरीदी थी ना, वो कहाँ है? तुम्हारे पास है गाड़ी? विक्रांत ने सवाल किया। नहीं, उसका पेपर वगैरह सब कंप्लीट है, लेकिन वो उसी के पास है, वो चाहेगा तो कैंसिल भी करवा देगा। मुझे पता है वो सब कुछ फ्रॉड कर रहा था, मेरे पैसे लूट रहा था, बस इसीलिए मेरे साथ था। साला इसकी माँ की, विक्रांत ने अपना दांत पीसते हुए कहा। जिया तुम मुझे उसका वीडियो दे दो बस, फिर देखो इस कमीने को कैसे मैं लाइन पर ले आता हूँ। नहीं विक्रांत, नहीं तुम कुछ मत करो, जिया ने विक्रांत को भीगी पलकों से देखते हुए कहा। तुम अगर कुछ करोगे तो ठीक नहीं लगेगा, मैं खुद निपट लूंगी इस कमीने से। विक्रांत चुप होकर बैठ गया, वो सोचने लगा सच में ये प्यार इश्क का मामला बहुत खराब होता है। बड़े बड़े मर्डर लूटपाट के केस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इश्क के मामले की सुनवाई करना बहुत मुश्किल काम है, और सबसे ज्यादा मुश्किल काम तो किसी इंसान के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप बड़ी से बड़ी बीमारी का दवा करके और ऑपरेशन करके उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन से दुखी है या डिप्रेशन में है तो उसका इलाज किसी सर्जरी से नहीं कर सकते। विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ी। वो अगल बगल में बैठे लोगों पर नजर डालकर उनकी गतिविधि देखने लगा। वहाँ आसपास काफी लड़कियां भी बैठी हुई थी, सो विक्रांत को लगा कि उसे जिया का केयर करना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि वो औरतों का बहुत ध्यान रखता है। उसने जिया की तरफ थोड़ा आगे मुंह करते हुए कहा, अच्छा मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, तुम अगर राजी हो जाओ तो। क्या आइडिया है? तुम रहने दो ना। जिया किसी भी हालत में विक्रांत को खुद के और आर्यन की लड़ाई के बीच में नहीं लाना चाहती थी। अरे बहुत आसान है, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम मेरे साथ सो जाओ और फिर हम अपनी फोटो क्लिक करके उस कमीने के पास भेज देंगे, फिर देखो वो कैसे चिढ़कर रह जाएगा। विक्रांत ने ये सब भाव के साथ कहा था कि मानो वो जिया के लिए खुद का बलिदान करने जा रहा हो। जैसे वो मन से चाहता तो नहीं है जिया के साथ सोए, लेकिन अब दोस्ती के लिए ये कुर्बानी करने को तैयार है। क्या? विक्रांत का आइडिया सुनकर जिया दंग रह गई। उसके पास कुछ कहने को शब्द ही नहीं बचे थे। विक्रांत से इस तरह की बात की उम्मीद तो उसे कभी भी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर सोएंगे हम साथ में, जिया ने हंसते हुए कहा। हाँ ये हुई ना बात, हंस पड़ी तुम, ऐसे ही हंसते रहना, हंसते हुए अच्छी लगती हो तुम, विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मुझे लग रहा था कि तुम्हें मेरा ये आइडिया पसंद आया है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ, आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आता है, मैं दोस्ती के नाम पर यह कुर्बानी देने को तैयार हूँ। विक्रांत की बातें सुनकर जिया फिर से हंस पड़ी। इस वक्त उसके गालों पर आंसू की बूंद टपक रही थी। जिया अपने हाथों से गाल पर गिरा हुआ आंसू पोंछ रही थी और इसी बीच विक्रांत का हाथ उसके गले से टच हो गया। जिया की गर्दन छूते ही विक्रांत के शरीर में मानो करंट से दौड़ पड़ा। उसके गर्दन का गर्म टेम्परेचर विक्रांत के हारमोन्स को जगाने लग गया। विक्रांत एक पल के लिए पुरानी यादों में खो गया।
जब पिछले जन्म में जिया उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तब ना जाने कितनी रातें उसने जिया की बाहों में लेटे हुए गुजारी थी। आई एम सॉरी, जिया ने विक्रांत से कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद करने के लिए क्या राजी हो गया हूँ, तुम तो मेरे ही पीछे पड़ गई, यहीं शुरू होगी सबके सामने ही, विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा। जिया भी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। विक्रांत मन ही मन सोचने लगा कि अब जिया के इतना करीब आ गया हूँ तो हो सकता है कि मेरा और इसका कुछ हो ही जाए, लेकिन अगले ही पल उसे थोड़ा बुरा लगा। लेकिन इस तरह से किसी लड़की की बुरी हालत का फायदा उठाना ठीक नहीं है। फिर विक्रांत को अपने दूसरे कोडवर्ड पानी की याद आ गई। अब उसे समझ आ गया कि पानी कोडवर्ड का मतलब लड़की से था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया ही थी। विक्रांत ने अब तक मन ही मन सोच लिया था कि कुछ भी हो, इस आर्यन को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिया कितना भी उसे रोके, लेकिन विक्रांत आर्यन को यूं ही नहीं जाने देगा। आखिर उसकी इस जन्म की दोस्त और पिछले जन्म की प्रेमिका का सवाल है, दो जन्मों का रिश्ता है, भला जिया को दुखी देखकर चुप कैसे बैठ सकता था। और विक्रांत को ये भी उम्मीद थी कि अगर उसका ये बदला लेने वाला प्लान कामयाब हो गया तो क्या पता जिया फिर से उसकी जिंदगी में लौट आए। उसने वहां बैठे बैठे ही अपने ब्लांड गैंग को मैसेज भेजकर एक्शन करने के लिए तैयार रहने को कहा। अभी वो मैसेज सेंड करने जा ही रहा था कि अचानक से जिया ने उसके पीछे देखने का इशारा किया। इस वक्त जिया के चेहरे पर डर का माहौल था। नैना और सुनिधि एक साथ रेस्टोरेंट के भीतर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थीं। रेस्टोरेंट में लगे ग्लास विंडो से वो दोनों बाहर खड़े विक्रांत को ध्यान से देख रही थीं। विक्रांत ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाला और इसे जलाकर पीना शुरू कर दिया। सुनिधि विक्रांत को देखकर चौंक उठी। सर, सिगरेट तो नहीं पीते हैं शायद, और आज ब्रेकफास्ट के पहले ही? अरे मरने दो ना, हमें क्या, नैना ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। उसे विक्रांत की एक हरकत रास नहीं आई। विक्रांत ने जैसे ही सिगरेट जलाया उसे जोर की खांसी आनी शुरू हो गई। उसे यूं खांसता देखकर सुनिधि को उसकी चिंता होने लगी। ये क्या हुआ सर को, खांसी क्यों आ रही है उन्हें? मरने वाला होगा, नैना ने विक्रांत की तरफ चिढ़ती हुई नजर से देखते हुए जवाब दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं अब? सुनिधि की नजर लगातार विक्रांत की एक्टिविटी पर पड़ी हुई थी। उसने सिगरेट की एक कश लेने के बाद इसे बुझाकर वापस से एक बॉक्स में रख दिया और फिर वो अपने लगभग 2 सेंटीमीटर बाल को पकड़कर ऊपर आसमान में देखने लगा। सुनिधि के साथ ही नैना भी विक्रांत की इस अजीब हरकत को देखने लगी। सुनिधि बहुत कंफ्यूज हो रही थी। अभी देखना, जब ये अंदर आएगा ना तो यही कहानी बताएगा कि मैं अपने किसी तांत्रिक दोस्त से बात कर रहा था, चाहे तुम 1000 रुपए की शर्त लगा लो, इसका यही ड्रामा है, नैना ने सुनिधि से कहा। सुनिधि भी नैना से इस बात पर शर्त लगाने के लिए तैयार हो गई। उधर विक्रांत अपना सिर पकड़कर ऊपर की तरफ इसलिए देख रहा था क्योंकि आज उसका कोडवर्ड तूफान और पहाड़ था। ऐसे में इस कोडवर्ड के लिए वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था क्योंकि उसे अब पृथ्वी कोडवर्ड से छुटकारा मिल चुका था, यानी कि अब उसका विक्रांत को जिस अशुभ घटना का खतरा था वो टल चुका था। सबसे ज्यादा खुशी तो उसे पहाड़ कोडवर्ड से मिलने की थी क्योंकि इस कोडवर्ड का मतलब काम से ही था और विक्रांत बहुत दिन से काम करने के लिए आतुर हो रहा था, और अब इस कोडवर्ड के मिलने के बाद वो निश्चिंत होकर अपने काम पर फोकस कर सकता है। और अब विक्रांत को भी ये उम्मीद थी कि ये कोडवर्ड के मिलने के बाद केस में जरूर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस मिलेगी। अब विक्रांत पूरी शिद्दत से केस की इन्वेस्टिगेशन में जुटेगा और उसे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उसे इसमें सफलता भी मिलेगी। इसी उम्मीद में उसने केस के स्टेटस के बारे में थोड़ा रिमाइंड किया। इसके बाद भीतर रेस्टोरेंट के पहुंचते ही उसने सबसे पहले नैना से यही सवाल किया। नैना, केस कैसा चल रहा है, कुछ पता चला क्या, कोई नई न्यूज? नैना ने उसके इस सवाल को इग्नोर कर दिया और वो सुनिधि की तरफ देखने लगी। सुनिधि ने खुशी में ताली पीटना शुरू कर दिया और फिर नैना ने तुरंत ही अपने पर्स से 1000 रुपए निकालकर सुनिधि के हाथ में रख दिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद तीनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े। पिछली रात नैना और सुनिधि काम करते करते वाकई में बहुत ज्यादा थक गए थे। पुलिस स्टेशन के सभी मेल पुलिस ऑफिसर्स तो वहीं स्टेशन और इधर उधर सो गए, लेकिन नैना और सुनिधि वहां सोने में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे, इसलिए नैना और सुनिधि ने विक्रांत के घर जाकर आराम करने का फैसला किया था।
वैसे नैना चाहती तो वो आराम करने के लिए अच्छा खासा होटल भी आराम से बुक कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसने विक्रांत के घर जाकर आराम करने का फैसला किया था, क्योंकि उसका मकसद कुछ और था। दरअसल हर केस को सॉल्व करते वक्त विक्रांत के साथ जरूर कुछ ना कुछ घटना हो जाती है, जिससे वो मुजरिम तक आसानी से पहुंच जाता है। नैना इसी बात की तय में जाना चाहती थी। उसे लगा कि शायद आज भी विक्रांत को कुछ ना कुछ क्लू मिल सकता है, इसीलिए वो विक्रांत पर नजर रखने के मकसद से उसके घर सोने के लिए पहुंची थी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद तो उसकी उम्मीद पर पानी फिर गया। केस का कोई क्लू मिलने के बजाय उसने विक्रांत को लड़की के साथ सोते देख लिया था। इससे तो नैना का मूड ही खराब हो गया, इसीलिए वो रात भर विक्रांत पर गुस्सा रही। वो पूरी रात ढंग से सो भी नहीं पाई थी। ना जाने क्यों उसे विक्रांत की ओर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद को तसल्ली दे रही थी कि विक्रांत किसी के साथ भी रहे, कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं। लेकिन इसके बावजूद ना जाने क्यों वो चैन की नींद नहीं सो पाई। नैना बहुत परेशान थी। मन ही मन वो खुद से सवाल कर रही थी, कहीं मैं सच में तो इस कमीने विक्रांत के लिए कुछ फील तो नहीं करने लग गई हूँ। कहीं सच में तो मैं उस किसी और लड़की के साथ देखकर जीलियस तो नहीं फील कर रही। खैर, जैसे ही नैना, सुनिधि और विक्रांत ऑफिस पहुंचे, उन्हें पता लगा कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में ब्रांच के सभी छोटे बड़े अधिकारियों को शामिल होना है। यहां तक कि इस मीटिंग में सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय कोहली भी हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। ये बात सभी को पहले से ही पता थी कि ये इमरजेंसी मीटिंग बैंक रॉबरी केस और लॉकर रूम मर्डर केस के बारे में गंभीर चर्चा करने के लिए ही बुलाई गई है। इसीलिए मीटिंग में सिटी लेवल के सारे वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए थे। बैंक रॉबरी केस और फिर वहां पर मिली डेड बॉडीज ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया था। ये कोई मामूली केस नहीं था। एक साथ दो दो बड़े क्राइम का उजागर होना पूरे पुलिस महकमे के लिए बड़ी चुनौती थी। इसलिए पुलिस ने अभी तक केस को दबाकर रखा हुआ था। बाहर लोगों को सिर्फ बैंक रॉबरी का पता था। ये खबर अभी बाहर नहीं आई थी कि बैंक के भीतर लॉकर रूम से 5 डेड बॉडीज भी मिली हैं। क्योंकि केस बहुत सेंसिटिव था और अगर इस बारे में मीडिया को या फिर आम लोगों को पता चल जाता तो पुलिस की मुश्किल बढ़ जाती। अभी किसी को खबर नहीं थी कि पुलिस किसी सीरियल मर्डर केस के बारे में भी पता लगा है, लेकिन डर ये था कि अगर सीरियल मर्डर केस की बात बाहर आ गई तो इस मर्डर केस के मुजरिम को पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब वो सावधान हो जाएगा और हो सकता है कि वो शहर छोड़कर कहीं भाग भी जाए। इसीलिए मीटिंग में सबसे पहले सभी इन्वेस्टिगेटर से एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि किसी भी हालत में कोई भी केस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। यहाँ तक कि कोई अपने फैमिली मेंबर से भी केस के बारे में कुछ भी नहीं कहेगा। सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय कोहली ने सभी को बताया कि क्योंकि पहले 1994 के किडनैपिंग वाले केस में डीएन नगर ब्रांच ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए हेडक्वार्टर ने यह डिसाइड किया है कि लॉकर रूम के मर्डर केस का भी इन्वेस्टिगेशन डीएन नगर ब्रांच को ही दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि केस बड़ा है और काफी सेंसिटिव है, इसलिए बाकी ब्रांच भी इस केस में डीएन नगर का सहयोग करेंगी। इसके बाद ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन और ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने मोटिवेशन स्पीच दिया। उन्होंने सभी इन्वेस्टिगेटर्स का हौसला बढ़ाया और फिर सबको एकजुट होकर जल्द से जल्द केस को सॉल्व करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन दोनों ने सीनियर ऑफिसर्स और हेडक्वार्टर से आए हुए अधिकारियों को यह भी विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द डीएन नगर ब्रांच रॉबरी केस के साथ ही सीरियल मर्डर केस को भी सॉल्व करके दिखाएगा। मीटिंग ओवर हुई और फिर सभी इन्वेस्टिगेटर्स अपने अपने काम में लग गए। अब वक्त आ गया था जब विक्रांत का कोडवर्ड पहाड़ एक्टिव होगा। मीटिंग के तुरंत बाद सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय कोहली ने विक्रांत को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। गौर करने वाली बात ये थी कि उन्होंने ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन को ही ऑर्डर दिया कि वो विक्रांत को बुलाकर ले आए। इससे भी ज्यादा बुरा तो तब हुआ जब विक्रांत के साथ ऑफिस में जाने के बाद डॉक्टर संजय ने खुद पीयूष रंजन को बाहर निकाल दिया। विक्रांत का प्रभाव देखकर ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन भौचक्के रह गए। पहले तो नैना की बेबाकी देखकर सन्न रह गए थे और अब वो विक्रांत का प्रभाव देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर के छोटा सा इन्वेस्टिगेटर इतने बड़े अधिकारी के साथ कैसे इतना क्लोज हो सकता है। उधर ऑफिस में बैठते ही सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय ने विक्रांत से कहा कि मैंने उस केस के बारे में पता लगवा लिया है, उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं था। रणजीत मेहरा वो केक किसी खास उद्देश्य से नहीं लेकर जा रहा था,
ये सुनकर विक्रांत को थोड़ा धक्का लगा। बाकी तुम चिंता मत करो, स्पेशल टीम ने मंजू सचदेवा के कातिल को पहचान लिया है। अब बस उनका अरेस्ट होना बाकी है और स्पेशल टीम बहुत जल्द उन्हें अरेस्ट भी कर लेगी। तुम अब उस केस की चिंता करना बंद करो, तुम सिर्फ ये रॉबरी केस और सीरियल मर्डर केस पर फोकस करो। जल्द से जल्द इसका रिजल्ट ला कर दो, ये बहुत बड़ा केस है और हेडक्वार्टर खुद इसकी निगरानी कर रहा है। इस वक्त विक्रांत के बोलने के लिए कुछ नहीं था, वो सिर्फ सिटी ब्यूरो चीफ साहब की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिला रहा था। अब चूंकि स्पेशल टीम इस केस पर खास तरीके से काम कर रही है और बहुत जल्द मंजू सचदेवा का कातिल सलाखों के पीछे होगा, ऐसे में विक्रांत को अब इस केस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब वो मंजू मर्डर केस को लेकर निश्चिंत हो गया था। मैंने ब्यूरो चीफ मिताली से सुना है कि डॉक्टर संजय ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, मिताली तो यही चाहती थी कि इस केस की टीम ए और टीम बी अलग अलग इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन टीम लीडर नैना ग्रेवाल इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसका कहना है कि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सेंसिटिव केस है, इसलिए दोनों टीम का एक साथ काम करना जरूरी है। और फिर डिपार्टमेंट को भी नैना की बात माननी पड़ी और पूरी टीम को एक साथ केस पर लगा दिया गया है। हाँ सही किया, नैना सही कह रही थी, विक्रांत ने जवाब दिया, मुझे भी यही सही लग रहा है। अब मुझे नहीं पता मैं जो बताने जा रहा हूँ तुम उस पर कैसे रिएक्ट करोगे, डॉक्टर संजय ने बेहद सीरियस होते हुए कहा। वास्तव में ब्यूरो चीफ मिताली चाहती है कि तुम चेतन को रिप्लेस करके टीम ए के लीडर बनो और नैना टीम बी के लीडर के तौर पर काम करे। ओह ये इसकी तो, विक्रांत बेहद गुस्से में आ चुका था। लॉकर रूम के भीतर के कुल 17 लॉकर तोड़े गए हैं, संगीता ने व्हाइट बोर्ड पर लिखे इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए कहा, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन 17 लॉकर्स में से सिर्फ 10 लॉकर के मालिक अपना सामान क्लेम करने के लिए बैंक पहुंचे, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से किसी का कुछ भी गायब नहीं हुआ। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है विक्रांत इस बारे में कुछ बता सके। क्यों विक्रांत, संगीता ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा। उसके साथ ही अन्य इन्वेस्टिगेटर्स भी विक्रांत की तरफ ध्यान से देखने लगे, लेकिन विक्रांत सिर्फ अपना हाथ हिलाकर रह गया। अरे विक्रांत तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पुरानी करेंसी की नीलामी करवा दूंगा, तुम्हें अच्छा दाम मिल जाएगा, जतिन ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा। उसे लगा कि शायद विक्रांत अपने ओल्ड करेंसी को लेकर चिंतित है। अच्छा संगीता मैडम, टीम बी का इन्वेस्टिगेटर देव ने संगीता से पूछा, आपको नहीं लगता कि बैंक वालों ने बहुत जल्दी सभी कस्टमर्स को उनका सामान वापस कर दिया, और इस बात की क्या गारंटी है कि उन्होंने जिसको जो सामान लौटाया वो सही लौटाया, इसमें कोई हेर फेर भी तो हो सकती है, ये बैंक की पॉलिसी होती है, उनके जिम्मे बहुत लोगों के काफी कीमती सामान होते हैं, इसलिए जब बैंक इस तरह के किसी हादसे से गुजरती है तो वो जल्द से जल्द अपने कस्टमर को सामान लौटाने का काम शुरू कर देती है। अब उन्होंने गलत सामान लौटाया या सही, इसकी जानकारी आई थिंक विक्रांत के पास ज्यादा सही से है, संगीता ने जवाब दिया। बैंक किसी भी कस्टमर को लॉकर रूम में रखा सामान लौटाने के लिए सिर्फ तीन ही चीज चेक करता है, सबसे पहले तो वो लॉकर रूम की चाबी मांगता है, और फिर दूसरे नंबर पर वो कस्टमर से बैंक का दिया हुआ पासवर्ड पूछता है, और फिर अंत में कस्टमर को अपने सामान के बारे में बताना होता है जो भी उसमें लॉकर में रखा होता है। ये तीनों चीजें बैंक के डेटा से मैच होने के बाद बैंक तुरंत ही कस्टमर को उसके सामान को दे देता है, लेकिन अगर इन तीनों में कुछ भी असमानता पाई जाती है तो बैंक कस्टमर के सामान को वापस नहीं करता है। इसके बाद संगीता ने आगे बताना शुरू किया, लेकिन जिस लॉकर में डेड बॉडी छुपाई गई थी उसके अलावा 6 लॉकर अभी तक ऐसे हैं जिनके लिए कोई क्लेम करने नहीं आया है। इन 6 लॉकर से सिर्फ 2 या 3 लॉकर ऐसे हैं जिसमें नुकसान पहुंचाया गया है, इन्हीं 2-3 लॉकर को तोड़ा गया है और इसके भीतर रखे गए बॉक्स को निकालकर जमीन पर फेंका गया है। संगीता ने आगे बताया कि इन लॉकर को बिना किसी लॉजिक या पैटर्न के खोला गया है, बस इन्हें रेंडम ही सिलेक्ट करके तोड़ दिया गया है, इसलिए थोड़ी ज्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, हद हो गई है, सुनिधि ने झल्लाते हुए कहा। इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चल सका कि आखिर लुटेरे लॉकर रूम से लेकर क्या गए। अच्छा संगीता ये बताओ, नैना ने सवाल किया, ये जो लोग अपने लॉकर के लिए क्लेम करने के लिए नहीं आए हैं उनके बारे में कुछ पता चला है? नहीं, बैंक वालों ने इनसे कॉन्टेक्ट करने की भी कोशिश की लेकिन शायद इन लोगों ने अपना एड्रेस भी गलत दिया हुआ था, संगीता ने बताया, और मुझे तो लग रहा है कि इन लोगों के लॉकर में जरूर कोई इलीगल सामान रखा गया है।
हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा और इन लोगों के बारे में पता लगाना होगा। यहाँ से हमें कोई इम्पोर्टेंट क्लू मिल सकता है, नैना ने कहा। हाँ, अभी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, संगीता ने जवाब दिया। इसके बाद उसने सामने लगे प्रोजेक्टर पर एक बॉक्स की फोटो को जूम करते हुए कहा, यहाँ देखिए, इस लॉकर में जहाँ चाबी लगती है उसके राइट में 3 इंच नीचे की तरफ एक हिडन लॉक सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक बटन लगाया गया है जिस पर जोर से वार करके लॉकर को खोला जा सकता है। उस दिन बैंक के लुटेरों ने इस हिडन लॉक पर वार करके सभी लॉकर को खोला था, इसीलिए वो जिस बैंक के वर्कर को ऊपर अपने साथ ले गए थे उसे ज्यादा हलचल होने का एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि लुटेरों को लॉकर खोलने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। संगीता ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस हिडन लॉक के बारे में किसी को नहीं पता है, यहाँ तक कि बैंक के मैनेजर तक को इस बारे में खबर नहीं थी। ये बात सिर्फ बैंक के फाउंडर कमेटी के कुछ लोग और इस लॉक को बनाने वाली कंपनी के ही कुछ खास लोगों को पता थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन लुटेरों को इस हिडन सीक्रेट लॉक के बारे में कैसे पता चला। इसका मतलब यही हुआ कि जरूर बैंक के भीतर का कोई आदमी इस लूट कांड में इन्वॉल्व था। गजब विक्रांत के मुंह से निकल पड़ा, ये लुटेरे तो बहुत शातिर निकले। लेकिन संगीता द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन से विक्रांत का दिमाग थोड़ा बहुत चलने लग गया था। अब वो इन लुटेरों को आसानी से अपने जाल में फंसाने का प्लान बना सकता है। एक चीज और, संगीता ने आगे बोलना शुरू किया, इन 2 दिनों में हमने उन सभी चीजों की एक लिस्ट बना ली है जो कि बैंक के टूटे हुए लॉकर में से गायब हुई हैं। इसमें पैसे भी हैं, सोने चांदी के गहने भी हैं और कुछ सिक्के वगैरह भी हैं। तो जो कुछ भी इन लॉकर में थे सबकी लिस्ट बना ली है, आप लोग ये लिस्ट चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, बैंक के भीतर कुल 5 लुटेरे दाखिल हुए थे लेकिन उनके पास सिर्फ 2 ही बैकपैक थे और सीसीटीवी फुटेज देखकर साफ पता लग रहा है कि ये जिस हालत में बैकपैक लेकर बैंक के भीतर दाखिल हुए थे ठीक उसी हालत में बैकपैक लेकर बैंक से बाहर निकले। मतलब बैग पहले भी खाली ही लग रहा था और बाहर निकलने के बाद भी खाली ही लग रहा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि लुटेरों ने बहुत हल्के लेकिन बेशकीमती चीजों पर ही हाथ साफ किया है। नहीं, ये भी हो सकता है कि देव ने संगीता की बात को काटते हुए कहा, लुटेरों को पता रहा हो कि कौन कौन से लोग अपने सामान के लिए क्लेम करने नहीं आने वाले हैं और उन्होंने सिर्फ कुछ खास लोगों के ही सामान आए हाथ साफ किया हो, और शायद इसीलिए अब हमारे लिए ये अनुमान लगाना काफी मुश्किल हो रहा है कि लॉकर से क्या क्या सामान गायब हुआ है, क्योंकि जो रियल में गायब हुए हैं उसके लिए कोई अभी तक क्लेम करने आया ही नहीं है। देव के एनालिसिस से सभी को सोचने और मजबूर कर दिया था। वाकई में उसका कहना काफी हद तक सही था। सही कह रहे हो तुम, नैना ने देव का समर्थन करते हुए कहा, और उन्होंने इतने सारे लॉक इसलिए तोड़े ताकि वो पुलिस को कंफ्यूज कर सके। बाकी उनका मकसद सिर्फ कुछ खास लॉकर में रखे सामान को ही लूटना था। लेकिन आप लोग ये मत भूलिए कि लॉकर रूम के भीतर डेड बॉडीज भी मिली है, राघव बीच में बोल पड़ा। हो सकता है कि लुटेरे वहां किसी लूट के मकसद से नहीं बल्कि इसलिए आए थे कि पुलिस का ध्यान इस डेड बॉडी पर ला सके, क्योंकि अगर उन्हें लूटपाट ही करनी थी तो डेड बॉडी छोड़कर क्यों गए। अभी राघव की बात को सभी समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक से विक्रांत अपनी कुर्सी से उछलते हुए बोल पड़ा, संगीता मैडम, अभी आपने क्या कहा? लुटेरों के बैकपैक बैंक में अंदर आते समय और बाहर जाते समय बिल्कुल सेम दिख रहे थे ना, उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था ना कि जैसे उसमें कुछ रखा हुआ है? हाँ हाँ, तो संगीता ने क्यूरियस होते हुए जवाब दिया। उसे पता लग चुका था कि विक्रांत अब कुछ ना कुछ नया आइडिया देने वाला है। शिट शिट, अब समझ आया, विक्रांत ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ये लुटेरे पहले भी बैंक में आ चुके थे और इन्होंने अपने नाम से पहले ही 2-3 लॉकर अलॉट करवा लिया था, लेकिन उसमें इन्होंने कुछ रखा ही नहीं था। और फिर अब जब ये बैंक का लॉकर लूटने के लिए आए तब उन्होंने सिर्फ दूसरे लॉकर को खोलकर उसमें रखा सामान अपने लॉकर में ट्रांसफर कर दिया है। अब ये बाद में आराम से आएंगे और अपने लॉकर में रखा सामान निकाल कर ले जाएंगे। अच्छा, इन्होंने एक दिमाग और लगाया, इन्होंने सिर्फ उन बॉक्स का सामान उठाकर अपने लॉकर में रखा है जिसके लिए कोई क्लेम करने नहीं आने वाला है, और बैग को सिर्फ पुलिस को बहकाने के लिए लिया था। मतलब पूरा सेफ गेम खेला है इन्होंने। विक्रांत की बात सुनकर सभी सन्न रह गए। इन लुटेरों का IQ लेवल इतना स्ट्रांग हो सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं था। नहीं विक्रांत, हमने इस बारे में पहले भी सोचा था, संगीता ने विक्रांत की तरफ ना में सिर हिलाते हुए कहा। अगर उन लुटेरों ने रॉबरी के दौरान अपना लॉकर चाबी से खोला होता
तो बैंक को तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाता। हालांकि वो पासवर्ड और चाबी की मदद से अपना लॉक खोल सकते थे, लेकिन ये डिजिटल लॉकर सिस्टम है और जैसे ही लॉकर खुलता है ऑटोमेटिक इसका रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। लेकिन रॉबरी के टाइम में किसी भी लॉकर के खुलने का रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ है। सही बात, राघव ने आगे कहा। और हमने बैंक के डिजिटल लॉक का रिकॉर्ड पूरा चेक किया है, उसमें कहीं ऐसा डेटा नहीं मिला है। ओ गॉड, नैना ने टेबल पर जोर से हाथ पीटते हुए कहा, हम लोग सबसे बड़ा सवाल तो भूल ही गए। सबसे बड़ा सवाल मतलब क्या भूल गए हम? विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए नैना से सवाल किया। हम उन लॉकर को तो भूल ही गए जो के टूटे तो थे लेकिन उनमें से कुछ भी गायब नहीं हुआ था, नैना ने विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए कहा। जैसे कि तुम्हारा वाला लॉकर, उसमें रखी तुम्हारी ओल्ड करेंसी जैसी की तैसी रखी हुई थी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ओ, अब जाकर विक्रांत को समझ आया कि नैना क्या कहना चाह रही है। अब तो उसके होश ही उड़ गए। उसने नैना की बात का मतलब कन्फर्म करते हुए कहा, तुम्हारा मतलब कि लुटेरों ने लॉकर रूम में जाकर अपने भी लॉकर को तोड़ डाला था और फिर दूसरे लॉकर में रखे कीमती सामान अपने लॉकर में ट्रांसफर कर दिए और अब नॉर्मल क्लेमिंग प्रोसेस के थ्रू पूरा माल अपने हवाले। ओ गॉड। हाँ, और तुमने अभी बताया था ना कि लॉकर से सामान क्लेम करने के लिए सिर्फ तीन चीज चाहिए, चाबी, पासवर्ड और उसमें रखे सामान की जानकारी। और लॉकर में क्या रखा है ये बात तो वो अच्छे से जानते थे, नैना जवाब दिया। ओ, संगीता ने चौंकते हुए कहा, इसका मतलब ये लुटेरे हम लोगों के सामने कई बार आ चुके हैं। ये उन्हीं 10 लोगों में से हैं जिन्होंने अपने लॉकर रूम में रखे सामान के लिए क्लेम किया है। 10 लोगों में से नहीं, 9 लोगों में से एक तो मैं ही हूँ, विक्रांत ने संगीता को करेक्ट करते हुए कहा।